विंसेंट जुगे टीम से अकेले प्लेयर रैना बचे हैं, वो निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत हमें पड़ सकती है। बढ़िया विगो ब्लास्ट ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया है और एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया है। ब्राजील की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है बट ब्लास्ट यहाँ पे दो प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, क्या ब्लास्ट यहाँ पे M10 से और भी प्लेयर्स को फिनिश करेंगे। मन भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे ब्राजीलियन टीम बाजी मार चुकी है। क्या फिनिश है, सेनोक्स नॉक थे उनको यहाँ पे रिवाइव यहाँ पे दे चुके हैं जी गाइस, उनको यहाँ पे रिवाइव यहाँ पे दे दिया है। बट लेट्स सी क्या कुछ यहाँ पे होगा, देखते हैं गाइस क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। हियर वी गो, छह फिनिशेस यहाँ पे निकाल जरूर चुके हैं गाइस, देख सकते हैं। और गाइस टीमों की बात की जाए तो यहाँ पे अब यहाँ पे बचे 11 टीम 37 प्लेयर, बट जो प्लेयर्स यहाँ पे जा चुके हैं, जो जोन यहाँ पे जा चुके हैं, बोस ऑफिशियल के कहीं ना कहीं आसपास है। बोस ऑफिशियल, बोस आर्मी और स्मूथ की टीम पहले ही जोन में यहाँ पे एंट्री ले चुकी है। अब ब्राजील की सारी टीमों को, जो भी ब्राजीलिया है वहां पे, सारी टीमों को कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आगे की तरफ यहाँ पे निकलना पड़ेगा जी गाइस, आगे की तरफ। रैना ने यहाँ पे स्मोक जरूर किया, रैना के लिए प्लेयर बचे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, स्मोक भी यहाँ पे कर दिया है ताकि उनको शॉट्स ना पड़े और आई थिंक यहाँ पे रिवाइव दे देंगे वो। आसपास में एलबीजी की टीम है, क्या वो इतनी जल्दी आएगी, क्या यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। बट तब तक यहाँ पे विंसेंट जी की स्क्वाड से प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। सीएम भाई अकेले प्लेयर बचे हैं बट मेरे को लग रहा है फिर से सीएम भाई का यहाँ पे लैग हो चुका है, कुछ इशू हो चुका है। बोस आर्मी की स्क्वाड को देखेंगे, एक फिनिश उन्होंने निकाला जरूर है, टॉप पे है, गॉड लेवल की टीम यहाँ पे फाइट हो रही है। और एलबीजी वर्सेस वियतनाम, सॉरी एलबीजी वर्सेस ब्राजील की टीम के यहाँ पे फाइट हम लोग देखने के मिलेगी। एलबीजी के दो प्लेयर्स को नॉक कर दिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइटमेयर बन के आ सकती है यहाँ पे गाइस ब्राजील की टीम यहाँ पे। और फैट यहाँ पे बचे हैं, फैट जा रहे हैं रिवाइव करने के लिए, फैट यहाँ पे रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं। और हुयांग यहाँ पे बचे, हुयांग को शायद यहाँ पे नॉक कर दिया जाए जी गाइस, मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे नॉक कर दिया जाए हुयांग को। और हुयांग भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पे फैट और हान पीसी बचे हैं, 8 किल अभी तक इस टीम ने निकाल लिए भाई, 8-10 किल के, तो इसके इसके लिए मतलब इनके लिए बिल्कुल इजी है 8-10 के लिए। यहाँ पे रिवाइव यहाँ पे किया जा रहा है, तीन प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं, देखते हैं गाइस क्या होगा। लेट्स गो नहान फैट और एलबीजी टीवी, 11 टीम 39 प्लेयर्स यहाँ पे चले गए। बोस ऑफिशियल की टीम की बात की जाए तो यार गेम वगैरह सब कुछ ओके, लेट्स सी ये स्ट्रीम यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। विंसेंट जो ने यहां पे तमीजान को यहां पे नॉक कर दिया, शायद रिवाइव हो गए आए थे। ब्राजील की टीम की बात की जाए तो ये भी 7 फिनिशेस यहां पे निकाल चुके हैं गाइज। एनएक्सटी की टीम की बात की जाए तो एनएक्सटी जोन में है यहां पे जी गाइज, अगर जोन ऊपर गया तो ऊपर जाते हुए दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे ब्राजीलियन टीम वर्सेस स्मूथ की टीम की यहाँ पे फाइट हो चुकी है और कहीं ना कहीं थेनोस को यहाँ पे फिनिश कर दिया। बट ये क्या, एमी गॉड बाल बाल यहाँ पे बचे हैं, पानी में है, शॉट्स दिए जा रहे हैं, ऊपर यहाँ पे रेटलर है। ओके देखते हैं गाइज, स्ट्रीम को शेयर जरूर कर देना क्योंकि एक दोबारा से मेरे को स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ी है, पहली बार इशू है और पता नहीं यार क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिल रहा है। अगर स्ट्रीम डिले हो जाती है ना तो कुछ टाइम का वेट कर लिया करो, स्ट्रीम वापस से वो स्टार्ट हो जाएगी। सीएम भाई यहाँ पे आ चुके हैं बट जोन में यहाँ पे फंस गए हैं सीएम भाई और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं नेट या फिर ब्लू स्टैक स्टक कुछ तो यहाँ पे हुआ है। और नहान पीस ने यहाँ पे विंसेंट को नॉक कर दिया, सीएम भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टू बी भाई अब अकेले प्लेयर बचे हैं। बोस आर्मी की बात की जाए तो जी गाइस, बोस आर्मी से यहाँ पे एक फिनिश यहाँ पे निकाला है, आयरनिक शुभम और आयुष यहाँ पे है। बट लेट्स सी बोस आर्मी, आयरनिक शुभम और आयुष क्या हुआ था भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, ऑटोमेटिक स्ट्रीम बंद हो जाती है और बंद होने के बाद में डिले है, दोबारा से तुरंत भी स्टार्ट हो जाएगी बट वो डिले है ना 2-3 मिनट का, तो वो 2-3 मिनट बाद फिर स्टार्ट होती है। चले भाई डुकमोम की टीम को देख लेते हैं, यहाँ पे डुकमोम की टीम यहाँ पे आगे बढ़ती हुई। भाई एक बार स्ट्रीम को शेयर जरूर कर देना और ये पिन कर दे दो यार, मेरे को ना सीएस का गेम कराना पड़ेगा, उसमें ना वो नहीं होगी, गेम डिले करना ही नहीं पड़ेगा और प्रॉब्लम भी होगा तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एएफएफ वर्सेस जुकमोम की टीम यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए M10 लेके जी गाइस, मिड मोबाइल यहाँ पे ओके, यहाँ भी गो मिड मोबाइल क्या कुछ यहाँ पे करेंगे। मिड मोबाइल वर्सेस यहाँ पे क्यों, दो ही प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर को रिवाइव जरूर दे रहे हैं जुकमोम को। भाई ग्लूवल योर वेस्टो मुंडा यहाँ पे 9th पोजीशन पे एलिमिनेट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है वेस्टो मुंडा यहाँ पे 9th पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुकी है। मोबाइल और क्यों एएफएफ की बात की जाए तो यहां पे गाइस एलिमिनेट, यहां पे एएफएफ को एलिमिनेट कर दिया यहां पे वियतनाम की टीम ने।
ओके ब्लेज यहाँ पे सामने है जस्ट कियो के, क्या कियो को नॉक कर देंगे, बट यहाँ पे कियो बच गए। सारे प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए, ब्राजील की टीम भी कहने की प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ सकती है। ब्लेज ओ ब्लेज को डुकमोम का यहाँ पे ओनली रेड। अब यहाँ पे बचे हैं गाइस, तीन प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं, बट सामने है जोका, यहाँ भी गो जोका, बट एलबीजी वर्सेस एनएक्सटी यहाँ पे। एलबीजी प्लेयर ने रेटलर को यहाँ पे नॉक जरूर किया M2B से, बट खुद भी नॉक हो गए। अब यहाँ पे फैट अकेले प्लेयर, बट भाई ये रिवाइव करने में कितने एक्सपर्ट होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। वापस से रिवाइव, डुकमोम आगे बढ़ते हुए, जोका शायद अकेले प्लेयर बचे यहाँ पे, और जोका को फिनिश कर दिया है। डुकमोम की टीम 6 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है, एलबीजी 12 फिनिशेस, बॉस ऑफिशियल की बात की जाए तो एक फिनिश यहाँ पे निकाला है और एक प्लेयर को खोया भी है। और एनएक्सटी की बात की जाए तो तीन प्लेयर्स यहाँ पे, सॉरी तीन किल निकाले हैं, ब्रोली को यहाँ पे खोया है। और मैं देखना चाहूंगा स्मूथ की स्क्वाड की बात की जाए तो दो फिनिशेस इन्होंने अभी तक निकाले हैं, बट पीछे यहाँ पे टीम, जी गाइस पीछे टीम दिख चुकी है, क्या 1-2-3 करके शॉट यहाँ पे देने वाले। ओके डिस्मोम को शॉट यहाँ पे पड़े जरूर है, सामने है मोबाइल, यहाँ भी गो शॉट भाई अभी यहाँ पे, और स्मूथ बट जोन में कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगी डुकमोम की टीम। स्नीकी ने मिड मोबाइल को यहाँ पे नॉक कर दिया है। ओके और यहाँ पे एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक, डुकमोम अब पीछे अकेले प्लेयर बचे हैं, जी गाइस डुकमोम पीछे अकेले प्लेयर बचे हैं और उनको भी फिनिश कर दिया है। 5 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है, अगर एक और बुइया यहाँ पे लगाती है बैक टू बैक तो बाकी टीम्स के लिए यहाँ पे दिक्कत है हम लोग देखने के लिए मिल सकती है। और गाइस जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक जरूर कर देना। एलबीजी 12 फिनिशेस, बट इनके जो दो प्लेयर आए हैं इनके पास ज्यादा लूट नहीं है, जी गाइस बहुत ही खत्म सी यहाँ पे लूट है क्योंकि अभी जस्ट ये रिवाइव हुए हैं ये प्लेयर्स। बॉस ऑफिशियल की बात की जाए तो RDX है यहाँ पे, पायरेट्स हैं और चेस वाईटी हैं यहाँ पे। ओके ये अभी गो RDX यहाँ पे, पायरेट्स और चेस यहाँ पे बचे हैं, पायरेट्स, जी गाइस लेट्स सी पायरेट्स क्या कुछ करने वाले हैं, पायरेट्स और चेस। और सामने NXT यहाँ पे, एक शॉट यहाँ पे दिया जरूर है, NXT यहाँ पे रश जरूर करेगी, RDX यहाँ पे ग्रेनेड कर रहे हैं, क्या कौन सी टीम बाजी मारेगी। नीचे बॉस आर्मी की टीम है और पीछे स्मूथ की टीम ने यहाँ पे होयांग को और आयरनिक ने यहाँ पे हर्न पीसी को नॉक कर दिया। ओ भाई फाइट 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 यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, RDX लेने के आगे जाएंगे, एक प्लेयर को फिनिश कर दिया। RDX के पास यहाँ पे M1887 जरूर है, इधर से पायरेट्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, शॉट गन के पास भी है बट नॉक हो गए, तब तक यहाँ पे रिलोड कर पाते, तब तक यहाँ पे NXT ने फिनिश कर दिया। RDX अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, क्या लगता है गाइस 5 टीमें 12 प्लेयर, कौन सी टीम यहाँ पे भुइया मारेगी। ओके क्लासी भाई यहाँ पे एक जगह अटक जरूर गए हैं, क्या क्लासी भाई का भी यहाँ पे नेट गया है, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि क्लासी भाई का यहाँ पे नेट गया है गाइस, देखने वाली बात रहेगी क्या होगा। अब यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं क्लासी भाई, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे LPG एलिमिनेट हो चुकी है, जी गाइस 7 फिनिशेस ये टीम कर चुकी है, और अगर इसने भुइया मार दिया 10 किल के साथ कहीं ना कहीं उम्मीदें जग जाएगी कि स्मूथ की टीम यहाँ पे टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 कहीं ना कहीं हम लोग देखने के लिए मिल सकती है, बट कौन सी पोजीशन होगी। क्लासी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ है यहाँ पे, 7 फिनिशेस यहाँ पे निकाले, पता नहीं भाई क्या हो रहा है मेरी स्ट्रीम पे तो अलग ही लेवल हो रहा है भाई। चले गए जी अभी गो, यहाँ पे चिल अकेले प्लेयर बचे हैं, चिलेक्स 2 फिनिश के साथ, जी गाइस 6 फिनिश यहाँ पे नेक्स्ट ने निकाले हैं, बट मेरे को लग रहा है स्मूथ की टीम ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजी मार सकती है, बट जोन में जाना होगा, जी गाइस टॉप पे जाना होगा, जब तक दूसरी टीम देखे उससे पहले इनको टॉप पे जाना होगा क्योंकि NXT के पास और टीम नंबर 2 यानी कि बॉस आर्मी की टीम के पास यहाँ पे जोन है, बट ये टीम फंस सकती है बीच में, नीचे से अगर शॉट्स आएंगे तो ये टीम फंस सकती है। चिल यहाँ पे है जरूर, ओके चिल यहाँ पे है और शॉट यहाँ पे पड़ रहे हैं, बट शाउट भाई एंट्री करते हुए, अभी भी आप एंट्री करते हुए अगर चिल को नॉक करेंगे तो जोन इनके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे जोन के, ओ चिल भाई यहाँ पे अंदर जा चुके हैं, जी गाइस शिल भाई यहाँ पे अंदर गए जरूर है, क्या यहाँ पे हेडशॉट लगाएंगे अभी। स्मूथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, स्नीकी यहाँ पे नीचे की तरफ है, शाउट भाई अभी पीछे की तरफ है, नीचे वाली टीम को देख रहे हैं। ओके अभी चिल यहाँ पे बचे हैं, क्या चिल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, चिल को मैं देखना चाहूंगा, स्मूथ यहाँ पे आ रहा है, बोल यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, अभी गो चिल यहाँ पे कहीं ना कहीं फैंस में अभी यहाँ पे फंस सकते हैं, बट क्या एक दो प्लेयर को नॉक करेंगे, क्या स्मूथ की टीम के लिए मुश्किलें क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। लेट्स सी चिल यहाँ पे शॉट भाई को दिक्कतों में डाल सकते हैं यहाँ पे, ओके अभी को भी शॉट दिए बट 56 यहाँ पे बचे, अभी यहाँ पे नॉक हो गए और NXT एलिमिनेट तो हुई है बट दिक्कतों में डाल के जाएगी, अभी यहाँ पे नॉक हुए, रिवाइव हो गए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आर्मी से भी एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हुए, स्मूथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 128 HP यहाँ पे बची है गाइस, 4v4 यहाँ पे बाइट, बहुत आर्मी और यहाँ पे आर्मी को नॉक कर दिया स्मूथ ने,
क्या पेन को भी नॉक करेंगे? 7 फिनिशेस इस टीम ने निकाले हैं, क्या बैक टू बैक यहाँ पे भुया करने वाले हैं फाइनल में। पेन आयुष भी नॉक हो चुके हैं, स्मूथ का ये ग्रेनेड काफी अच्छी जगह, बट शाउड यहाँ पे नॉक हो गए, कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे निकी को, और यहाँ पे फिनिश कर दिया बॉस आरबी की टीम को 4v4 फाइट में। बैक टू बैक यहाँ पे दो भुया यहाँ पे लगा चुकी है ये टीम, क्या ही जबरदस्त गेम प्ले आज यहाँ पे दिखा रही है शाउड भाई यहाँ पे MVP। व्हाट अ गेम, फाइनल में बैक टू बैक दो भुया, पहले इनकी पोजीशन यहाँ पे फोर्थ पे है ये अभी, बट जो दो गेम यहाँ पे निकाले हैं गाइस वो बड़े ही जबरदस्त यहाँ पे, क्या ही मैं बोलूं। और इस गेम में फिनिशेस भी हैं, पहले में 4 ही निकाले थे बट इस बार आई थिंक मेरे को लग रहा है 10-12 फिनिश है, 11 फिनिशेस के साथ यहाँ पे भुया यहाँ पे लगा दिया स्मूथ की टीम ने। बॉस आर्मी यहाँ पे 2 फिनिश के साथ सेकंड पोजीशन, NXT की बात की जाए तो 6 फिनिशेस के साथ थर्ड पोजीशन। और भाई देखो NXT कहीं ना कहीं दिक्कत देती यहाँ पे, बट क्लासी भाई वहां पे एलिमिनेट हो गए थे, कहीं ना कहीं उनका नेट वहां पे गया था और वो दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिली थी, वरना तो NXT के मतलब हमारी स्क्वाड के लिए दिक्कतें वहां पे हो सकती थी। चलिए गाइस यहाँ पे देखे तो शाउड भाई के 4 के लिए, स्मूथ यहाँ पे 3, स्नीकी 3 और अभी का यहाँ पे 1 बॉस आर्मी से 2 फिनिश, 1 आर्मी 1 आयरनिक। NXT की बात की जाए तो 2 चिल के यहाँ पे 2 क्लासी के फिनिश है, 1 ब्रोली 1 रेटलर। LBG यहाँ पे 6 फिनिश यहाँ पे, हर्न PC 1 होया अंका, LBG फैट के 2, LBG TV की बात की जाए तो उनके यहाँ पे 3। ओवरऑल देखा जाए तो गाइज ये टीम किल तो बड़े ही जबरदस्त यहाँ पे निकाल लेती है अगर इनको ब्लू जोन मिल जाए, 12 फिनिश के साथ फोर्थ पोजीशन, और कहीं ना कहीं भाई ये टीम टॉप पे है अभी यहाँ पे। बॉस ऑफिशियल 2 फिनिशेस फिफ्थ पोजीशन, दुबई की टीम की बात की जाए तो 6 फिनिश 6 पोजीशन, टीम BR यहाँ पे 9 फिनिश के साथ 7 पोजीशन, AFF 0 फिनिश 8 पोजीशन, और विंसेंट के स्क्वाड भी लड़खड़ा यहाँ पे रही है क्योंकि टेबल टॉपर है फर्स्ट डे के, और अब 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, 4 फिनिश के साथ 9th पोजीशन, 2B गेमर 0 फिनिश, 10th पोजीशन गॉड लेवल 0 फिनिश, 11th पोजीशन ब्लास्ट गेमिंग यहाँ पे 2 फिनिश के साथ में 12th पोजीशन। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या कुछ होगा। स्मूथ की टीम ने 23 पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं, 11 पॉइंट्स यहाँ पे बॉस आर्मी, NXT की बात की जाए तो 14, LBG की बात की जाए 19, बॉस ऑफिशियल यहाँ पे 8, दुबई यहाँ पे 11, टीम BR यहाँ पे 13, AFF 3, वेस्टो मुंडा 6, 2B गेमर 1, गॉड लेवल 0 और ब्लास्ट गेमिंग यहाँ पे 2। जी गाइज ये कुछ यहां पे मैच था, जस्टिस फॉर रिमैच, बट वाई अरे भाई वो तो बताओ क्यों, रीजन तो बताओ ना। अरे रिमैच क्यों भाई, प्रॉपर मेरे पास पॉइंट्स आ चुके तो रिमैच क्यों होगा। चले गए यहां पे टीम आ चुकी है थर्ड गेम की तरफ, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे कहला हरी की तरफ, बड़ा ही जबरदस्त स्मूथ बॉडी पैनल भाई, स्मूथ के पास अलग अलग तरह के पैनल है मेरे को लग रहा है, अलग अलग तरह के यहाँ पे पैनल्स हैं। गाइस जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। चलिए अब करते स्टार्ट, अभी ले रहा हूं। ठीक है एक सेकेंड यार, थंबनेल मैंने डे 1 का लगा दिया, इसको चेंज करता हूँ पहले, इसको सेव कर देते हैं। नो स्ट्रीम स्नाइपिंग, अरे स्ट्रीम स्नाइपिंग कैसे होगी ब्रो, अरे भाई किस लिए रिमैच, वो तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं। चलो गाइस यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं,
लेट्स गो गेम ग्लिच एफपीएस डाउन पैट किसके पास है चले गाइस लेट्स गो यहां पे स्टार्ट करते हैं थर्ड गेम रीमैच स्ट्रीम ऑफ अरे चालू तो है मैच दिखाया स्ट्रीम पे मैं रीमैच कर देता यार मेरे को कोई इशू नहीं था देखो पता है रीमैच एक ही बार हुआ है गाइस एक बार शॉर्ट कर लेते एक बार क्या सीन है शॉर्ट कर लेते अरे ब्रो प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे पास पॉइंट टेबल नहीं होगा तब मैं वोट कराऊंगा क्योंकि अभी तो मेरे दोनों मैचेस चल रहे थे वो कुछ ना कुछ ओबीएस का इशू आ रहा है बस अरे तो चलो गाइस गेम यहां पे स्टार्ट करते हैं यार देखो अगर मेरा गेम मतलब नेट मेरा चला जाता है दिक्कत ये कि मेरा नेट नहीं जाता यार ओबीएस का कुछ इशू है शायद मेरे को लग रहा है मे बी एक सेकंड एक बार मैं पूछता हूँ भाई वियतनाम वाले बंदे कैसे एक सेकंड ला 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 एक बार कंफर्म कर ले तो भाई उनसे भी क्या सीन है क्या उनको लग रहा है कोई एफपीएस वगैरह ब्रो नो रीमैच हाँ ब्रो रीमैच नहीं है बिकॉज अगर यार देखो उस दिन प्रॉब्लम अलग था और मेरे पास पॉइंट टेबल नहीं था तो फिर मैंने वोटिंग के लिए बोला है कि अगर सभी के पास स्क्रीनशॉट है तो हम लोग कर सकते हैं बट अभी ओबीएस का सुबह हो सकता है कि 30 मिनट होके दोबारा से बंद हो जाए ऐसा हो सकता है बट बंद होगा तो गाइस 2 मिनट का सिर्फ वेट कर लेना क्योंकि मेरे को नहीं पता चल रहा है यार ये तब से मैंने डिले किया है तब से क्या इशू आ रहा है मतलब स्ट्रीम बंद पे बंद हो जा रही है हर 30 मिनट के बाद में ओ भाई क्लैश ब्लू जोन विंसेंजो की टीम अब समझ गई है कहीं ना कहीं कि उनको रश करके यहाँ पे खेलना पड़ेगा जी गाइस विंसेंजो की टीम समझ गई है कि भाई उनको ब्लू जोन में ही यहाँ पे खेलना पड़ेगा और अच्छे किल्स के साथ मैच निकालना पड़ेगा अदरवाइज वो नहीं जीत पाएंगे क्विंटा को यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया विंसेंजो ने क्या ये टीम यहाँ पे भुया निकाल पाएगी और मेरे को लग रहा है एलबीजी इस बार नहीं आई है भाई एलबीजी इस बार नहीं है और डुकमोम को यहाँ पे जोका का वन टैप क्या विंसेंजो वाली स्क्वाड ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगी कहीं ना कहीं ब्लू जोन में देखो भाई ये तीनों टीमें आई हैं विंसेंजो ब्राजील की टीम और यहाँ पे क्वेंटा वाली स्क्वाड चले गए जिया विगो यहाँ पे कियो और मोबाइल को देख लेते हम लोग और विंसेंजो जेनिटोस और रैना है पीछे ओके विंसेंजो आगे बढ़ते हुए ओपन में देख तो लिया है शायद और ब्राजील के टीम पे भी कहीं ना कहीं भाई इनकी खिचड़ी पक जाएगी बट ब्लेज यहाँ पे पीछे से आ गए हैं
आप कहीं ना कहीं जोई उनको दिक्कत देंगे। पीछे है जोई, अरे भाई, और ब्लेज को यहाँ पे नॉक कर दिया। ऊपर यहाँ पे वियतनाम के एक प्लेयर नॉक हो गए। कहीं ना कहीं डुकमोम की स्क्वाड अब फिनिश हो सकती है। जोका ने यहाँ पे रश कर दिया, जी गाइस जोका यहाँ पे रश कर चुके हैं। यवीगो कियो और मोबाइल 2v2 यहाँ भाई ड्रिवाइव दे दिया, बट जोका यहाँ पे रश नहीं कर रहा भाई। पीछे से ये किल्स कहने के मेरे को लग रहा है विंसेंजो की टीम ने दुबई की टीम को फिनिश कर दिया। स्टार्टिंग तो बड़ी ही सॉलिड यहाँ पे की है, बट अब यहाँ पे क्या ब्राजील की टीम को भी फिनिश करेगी। 4 फिनिश इन्होंने निकाल लिए, अगर उनको भी फिनिश करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने प्लेयर को रिवाइव तो इजी यहाँ पे दे देंगे। सामने है थेनोस और जोका, टीम नंबर 9 से गाइस देखते हैं एक बार। टीम नंबर 9 से थेनोस और जोका, लेट्स सी क्या ये प्लेयर्स, बट मेरे को लग रहा है अब खतरे में है यहाँ पे ब्राजील की टीम। ठीक है, खतरे में है, जोका यहाँ पे नॉक हो चुकी है, बट जो प्लेयर को रिवाइव दिया था वो भी यहाँ पे आएंगे क्या वो लोग यहाँ पे आएंगे, बट नहीं, ब्लेज अलग गए हैं और लुइस भी कहने के पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट एलपीजी की स्क्वाड यहाँ पे आती हुई ब्लू जोन, क्योंकि उनको पता है कि ब्लू जोन में काफी प्लेयर्स होंगे। बट लुइस और रे लुइस ने बहुत प्यारा मारा था, बट एलपीजी फैट ने पीछे से यहाँ पे दे दिया। अब एलबीजी के स्क्वाड टीम नंबर 7 को यहाँ पे देखना चाहेंगे। टीम नंबर 7 एंट्री करते हुए विंसेंट जो के स्क्वाड ने अगर इनको फिनिश कर दिया तो कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा इनके लिए, कहीं ना कहीं इनके लिए 0 या 2-4 पॉइंट्स ही यहाँ पे मिलेंगे। बट अगर एलबीजी ने फिनिश कर दिया तो विंसेंट जो के स्क्वाड के लिए यहाँ पे दिक्कतें होंगी। और रे भाई यहाँ पे जोई का हेडशॉट, होयांग को देखते हैं, यवी को होयांग आगे बढ़ते हुए। एलबीजी टीवी जोई भी और विंसेंट जो के स्क्वाड से भी 2 प्लेयर नॉक है, इधर से भी यहाँ पे 2 प्लेयर नॉक है। क्या होगा इस गेम में, फैट यहाँ पे आगे तो बढ़ रहे हैं, सामने है विंसेंजो और रैना, फैट भी बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं हुयांग को बचा लेंगे। और बचा लिया तो, और रे भाई अब कहीं ना कहीं विंसेंजो की स्क्वाड यहाँ पे जा सकती है। ओके, हान पीसी और एलबीजी टीवी आगे बढ़ते हुए और वेस्टो मुंडा को कर दिया यहाँ पे एलिमिनेट। जी गाइस, वेस्टो मुंडा अब कहीं ना कहीं दिख रही है कि क्लियर विनर यहाँ पे हो सकती है। एलबीजी टीवी या फिर स्मूथ की स्क्वाड कहीं ना कहीं ये 2 टीमों में से बाजी मार सकती है, बट इस गेम को भुया कौन निकालेगा, क्या कोई एलबीजी को यहाँ पे रोक पाएगा। ये टीम 5 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है और बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे खेल रही है। ब्लास्ट गेमिंग को देखते हैं, ब्लास्ट गेमिंग के पास टीम नंबर 12 यहाँ पे आ सकती है, यानी कि शायद वो बोस ऑफिशियल की टीम है यहाँ पे ब्लास्ट गेमिंग के पास में। कहीं ना कहीं प्लेयर्स को देखा जरूर है, एक बार मैप पे देख लेते हैं टीम। स्मूथ वर्सेस गॉड लेवल की भी यहाँ पे फाइट होने वाली है, ठीक है, स्मूथ की टीम और गॉड लेवल, ये फाइट बहुत जरूरी यहाँ पे इनके लिए रहने वाली है। जैस ने यहाँ पे बिस्वा को नॉक जरूर कर दिया, एक बार ये वापस से मैं फाइट देखना चाहूंगा। हाँ, ये वाली है बोस, जैस ने यहाँ पे बिस्वा को फिनिश कर दिया। यस, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सामने है यहाँ पे 1999, बट क्या उनको प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे पता होगी। लेट्स सी गाइस, यस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, बट अभी पीछे की तरफ गए हैं। आरडीएक्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है। अरे भाई, मन के पीछे एक और टीम है, वो है अंकुश एफएफ, और कहीं ना कहीं फियरो फंस जाएंगे चारों प्लेयर्स के बीच में। जी गाइस, फियरो यहाँ पे फंस गए, बट ये फाइट बोस ऑफिशियल वर्सेस एएफएफ भी हो सकती है। आरडीएक्स आगे बढ़ते हुए AC80 के साथ है यहाँ पे आरडीएक्स। लेट्स सी गाइस, AC80 के साथ यहाँ पे आरडीएक्स आगे बढ़ते हुए। फायर एड, जेस वाईटी, आरडीएक्स और यश वाईटी, देखते गाइस क्या कुछ होगा। गाइस, जितने भी स्ट्रीम को एक साथ लाइक नहीं किया तो सारे भाई लोग एक साथ लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि दोबारा से स्ट्रीम की है तो नोटिफिकेशन का इशू हो सकता है। बट लेट्स सी, बोस ऑफिशियल वर्सेस एएफएफ, उधर से गॉड लेवल की टीम और स्मूथ की टीम की भी फाइट हो सकती है। 10 टीम में 33 प्लेयर्स, और अंकुश को यहां पे शॉट पड़ा जरूर है, अंकुश को यहां पे नॉक कर दिया। पायरेट्स और यश कहने के अब यहां पे रश लगा सकते हैं। जी गाइस, तीनों प्लेयर बहुत आगे जाते हुए, एक प्लेयर को रिवाइव दिया है, बट दिक्कत तुम्हें यहां पे पड़ सकती है। निमेश, 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 और यहां पे निमेश को नॉक। जी गाइस, यस ने यहां पे एक और प्लेयर को यहां पे नॉक कर दिया है, बट यहां पे भाई अंकुश ने क्या मारा है भाई, लिटरली 3 प्लेयर्स यहां पे नॉक। आरडीएक्स यहां पे अकेले प्लेयर बचे और पीछे से अंकुश के अकेले प्लेयर यहां पे बचे हैं। बट आरडीएक्स को कुछ भी यहां पे कंफर्म नहीं है कि कहां पे वो प्लेयर हैं। क्रिमिनल बॉसेस आरडीएक्स और कहीं ना कहीं फिनिश यहां पे कर देंगे तीनों प्लेयर को। आरडीएक्स रिवाइव नहीं दे सकते, उनके पास 0 बोल है, और जो उनके प्लेयर हैं उनकी टीम के वो ओपन में बिल्कुल पड़े हुए हैं। जी गाइस, बिल्कुल ओपन में। हियर वी गो, क्रिमिनल, क्रिमिनल, क्रिमिनल वर्सेस आरडीएक्स, 1-on-1 फाइट यहां पे। 10 टीममेट, 26 प्लेयर, कोई सी टीम तो यहां पे जाएगी कहीं ना कहीं। बॉस से भी 3 प्लेयर फिनिश हो चुके हैं और शायद दोनों प्लेयर यहां पे अलग अलग जगह चले जाएं, शायद मेरे को लग रहा है। भाई अगर नेट प्रॉब्लम होगा तो सबका होगा ना, तो ब्रो नेट प्रॉब्लम हुआ का है मेरे को ये तो बताओ।
नेट प्रॉब्लम होगा, मैं मानता हूं कि कोई एक सिंगल टीम ने ग्रुप में मैसेज नहीं किया है कि पिंग हाई चल रहा है, रीमैच करा दो। अगर उसमें मेरे को आते स्टार्टिंग में ही आ जाता बहुत सारी टीम का, पांच छह टीमों का आ जाता तो मैं करा देता, छह टीम का अगर आ जाता। चलिए गाइस स्क्वाड लेवल को देखते हैं, सामने है स्मूथ स्क्वाड, स्क्वाड लेवल इतना अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बट देखो जो भी 12 टीमों ने जगह बनाई है भाई टॉप तो है, बट अब टॉप 12 में कहीं ना कहीं। और ब्लास्ट गेमिंग एलिमिनेट यहाँ पे हो चुकी है, हान पीसी ने 1999 को फिनिश कर दिया। चले गए देखते हैं ये अभी को क्या यहाँ पे फाइट होने वाली है, क्या फिनिश कर पाएंगे। शाउट भाई को ऊपर में देखा जरूर है, और रे भाई शॉट यहाँ पे लिया था शाउट, अगर यहाँ पे नॉक हो जाते दिक्कत बढ़ सकती थी। और स्मूथ ने यहाँ पे दे दिया वन टैप यहाँ पे तमीजान को, अब कहीं ना कहीं रश देखने के लिए मिलेगा। चारों प्लेयर्स यहाँ पे उतर चुके हैं, हरीश कार आगे बढ़ते हुए। जी गाइस हरीश कार को देखते हैं स्मूथ ने, और मेरे को लग रहा है शायद ब्राजीलियन टीम यहाँ पे या फिर कोई सी टीम जस्ट अभी फिनिश हुई है। हरीश कार यहाँ पे बचे हैं, हरीश कार को पीछे से शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं। ओके ओके, और हरीश कार भी नॉक हो चुके हैं। हिटमैन अकेले प्लेयर से नीचे डैमेज है यहाँ पे, एक फिनिश यहाँ पे, एक किल यहाँ पे निकाल जरूर लेंगे, बट स्मूथ आया जंप करके भाई हेड यहाँ पे मारा था, बट गॉड लेवल को फिनिश कर दिया। चार फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है अभी तक, क्या एक और भुया देखने के लिए मिल सकता है, क्या भुया की हैट्रिक देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी भी वियतनाम और ब्राजील की टीम से ही हम लोग हैट्रिक देखने के लिए मिली है भुयाज की, वियतनाम और ब्राजील। बट क्या कोई इंडियन टीम भी यहाँ पे होने वाली है जो भुया की हैट्रिक यहाँ पे लगा दे, वो भी फाइनल में, देखते हैं गाइस। टू बी गेमर की बात की जाए तो एक फिनिश यहाँ पे निकाला है सीएम ने, बोस आर्मी से तीन ही प्लेयर एंट्री किए थे यहाँ पे, आर्मी और शुभम वाईटी दो ही प्लेयर बचे हैं, नीचे एनएक्सटी की टीम है यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे एफएफ को देखते हैं, प्लेयर्स रिवाइव हो चुके हैं, और रिवाइव होने के बाद में यहाँ पे लूट भी प्रॉपर कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर वॉल वगैरह जहां तक मेरे को लग रहा है मिल जाएगी यहाँ पे अच्छे से। एलबीजी चैकिल के साथ आगे बढ़ती हुई, क्या इनको यहाँ पे कोई टीम दिखेगी रिफाइनरी पे, बट कोई भी टीम नहीं है। नेक्स्ट जोन यहाँ पे देखेंगे जरूर, स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहां से ये बंदे फिनिश बहुत खतरनाक निकाल सकती है। एलबीजी दो फिनिश यहाँ पे, टीवी के दो फैट के, एक हान पीसी का और एक यहाँ पे हुयांग का। चलिए गाइस ब्रोली को देखते हैं, ब्रोली चिलेक्स अरी और क्लासी, ये भी गो ब्रोली चिल अरी और क्लासी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, देखते हैं गाइस क्या होगा। रेकलर इस बार यहाँ पे बाहर जरूर गए हैं, और एलबीजी वर्सेस एनएक्सटी। जी गाइस एक तरफ क्लासी और ब्रोली जैसे खतरनाक प्लेयर हैं, और एक तरफ है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जरूर ये टीम आई थी, वो टीम है यहाँ पे। ओके देखते हैं भाई क्या होने वाला है, एलबीजी पैट, एलबीजी पैट, ब्रोली अरी, और रे भाई चिल यहाँ पे नॉक हो गए, और चिल को बॉस आर्मी ने नॉक किया है। एनएक्सटी के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है, अरी को यहाँ पे एलबीजी पैट ने यहाँ पे स्नाइपर से हेडशॉट यहाँ पे दे दिया है, बट अरी को शायद यहाँ पे बचा लिया जाएगा। क्लासी क्लासी आगे बढ़ते हुए, ब्रोली को देखते हैं, ब्रोली भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अरी को रिवाइव दे सकते हैं। एलबीजी पैट को देखा जरूर है ऊपर टॉप पे, क्या यहाँ पे हेडशॉट देंगे, और रे भाई सिर्फ 67 का हेडशॉट यहाँ पे, या फिर दूसरे प्लेयर ने उसको शॉट दिए। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं पीछे बॉस आर्मी बिल्कुल टावर पे यहाँ पे बैठे हैं। ओके और एएफएफ यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि बॉस ऑफिशियल के प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव जरूर दे रहे हैं। गॉडल सीएम व्यापारी टूबी गेमर और साहिल बात की जाए तो दास सब में है। ओके बॉस आर्मी आयरनिक और शुभम बाइटी, भाई इंटरनेट का इशू नहीं है भाई, तेरी टीम है क्यों करेगा भाई। देखो अभी ये चीज सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीएम भाई भी क्लासी भाई भी बोल रहे हैं, जब पॉइंट्स टेबल है तो क्यों होगा, मैं अकेला तो बोल नहीं रहा हूँ कि मेरे को ही पड़ी है, और वैसे भी देखा जाए अगर अकेला भी बोलूंगा तो मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। ओके अंकुश को देखते हैं भाई, पांच फिनिशेस बट जोन में जाना पड़ेगा, चार मेडकिट हैं, कहने के बाइक से इजीली यहाँ पे निकल सकते हैं। क्रिमिनल यहाँ पे लास्ट प्लेयर को भी रिवाइव दे चुके हैं यहाँ पे, एलबीजी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। जे गाइस क्लासी को यहाँ पे नॉक कर दिया, चिल को भी यहाँ पे नॉक कर दिया, ग्लूबॉल में यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं, बट उधर कोई भी प्लेयर यहाँ पे नहीं है। एनएक्सटी के चिल दोनों प्लेयर नॉक हो चुके हैं, बट एलबीजी टीवी को भी शॉट पड़ सकते हैं उधर से बॉस आर्मी के, तक यहाँ पे जोन में बचे जरूर है। फैट फैट ने यहाँ पे देख लिया, बॉस आर्मी के प्लेयर्स टॉप पे हैं। ओके हान पीसी भाई मतलब हाइट का तो बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं लोग। आयरनिक पीछे देखे जरूर है, पाप रे 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 रे, बट बच गए हैं यहाँ पे, हान पीसी को शॉट पड़े हैं, बट पीछे से यहाँ पे प्लेयर को देखा है एलबीजी टीवी ने, आयरनिक को नॉक कर दिया, जो वहां पे टॉप पे थे उनको यहाँ पे नॉक कर दिया, बट बॉस आर्मी बचे ये टीम से मैं देखना चाहूंगा। ओहो हो ब्रोली और अरी को यहाँ पे शॉट्स पड़ सकते हैं पीछे से, बट स्मूथ की टीम को क्या यहाँ पे प्लेयर दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं ये टीम के प्लेयर को देखूंगा। एरेनिक नीचे पड़े हैं, रिवाइव करना मुश्किल। ओके
स्मूथ स्निकी कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो ब्रोली के एनएक्सटी की स्क्वाड के दो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पे चार फिनिश निकाले हैं, छह टीमें बची हैं गाइस, 22 प्लेयर और स्मूथ की टीम अभी जोन में है, सारी ही टीमें जोन में है भाई इस बार तो, सारी ही टीमें, छह की छह टीमें यहाँ पे जोन में है। क्रिमिनल ने यहाँ पे देखा जरूर है एक प्लेयर को, क्रिमिनल ने यहाँ पे टॉप पे देख लिया। पांडे गेम आगे बढ़ते हुए एफएफ यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती है गाइस, देखा जाए तो एफएफ बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे गेम प्ले कर सकती है क्योंकि देखो अच्छी खासी लूट है, दो टीम की लूट थी वहाँ पे, एक तो खुद एफएफ की और एक वहाँ पे यहाँ पे बात की जाए तो गाइस बोस ऑफिशियल की टीम की। बट एलबीजी टीवी के पास भी खतरनाक लूट है, क्या उन्होंने पीछे प्लेयर्स को देखा है, देखने यहाँ पे। बट टीवी को पीछे से शॉट पड़े हैं चिल के, और चिल को यहाँ पे, बट स्मूथ ने यहाँ पे अरी को नॉक कर दिया जी गाइस, ब्रोली ने यहाँ पे स्निकी को नॉक कर दिया है। देखते किस कौन सा प्लेयर यहाँ पे फिनिश होगा, क्या रिवाइव मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ब्रोली यहाँ पे नॉक है और ब्रोली को एलबीजी फैट ने नॉक, एलबीजी फैट ने यहाँ पे फिनिश किया। चिल भाई अकेले प्लेयर बचे हैं नेक्स्ट पीछे, टू बी के स्क्वाड को हम लोग देखना चाहेंगे भाई। एनजीबीडी किधर है, एनजीबीडी क्वालिफाई नहीं कर पाई है ब्रो, एनजीबीडी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और एनएक्सटी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है सिक्स पोजीशन पे जी गाइस, एनएक्सटी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। बॉस आर्मी और शुभम यहाँ पे बचे जरूर है, शॉट भाई आगे बढ़ते हुए, बट सामने इनके एलबीजी की स्क्वाड है भाई, जोन में नीचे की तरफ से जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ से। क्रिमिनल ने यहाँ पे नान पीसी को यहाँ पे नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया, एलबीजी की कमर कहीं कहीं तोड़ रहे हैं, बट क्रिमिनल यहाँ पे बच सकते हैं जी गाइस, बच सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारी यहाँ पे ग्लू लगाई है पांडे ने एलबीजी के, बट मेरे को लग रहा है रिवाइव करने तुरंत ही भाई, अरे भाई 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 रिवाइव करने तुरंत ही यहाँ पे एलबीजी टीवी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। चलिए गाइस देखते हैं एलबीजी टीवी, टू बी गेमर की टीम से सीएम भाई का यहाँ पे एक फिनिश है और बोस आर्मी शुभम भाई टी। यार देखो गाइस देखो, कल भी मेरा नेट गया था, कल किसी भी टीम ने ऐसा बोला नहीं, कल भी एलबीजी टीवी ने भुया मारा था, स्ट्रीम लैग हुई थी और फिर दोबारा से चल गया था वहां पे, और उस पे तो स्कोर भी मैंने रोक के रखा था, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मेरा रिमैच नहीं होगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कल तो मेरी टीम ने भुया नहीं मारा था। और रे भाई क्रिमिनल को यहाँ पे नॉक कर दिया, जो लास्ट प्लेयर था उनको रिवाइव मिल चुका है। एलबीजी फैट आगे बढ़ते हुए शॉटगन से यहाँ पे, बट क्या अंकुश यहाँ पे फिनिश करेंगे, और रे भाई अंकुश को नॉक यहाँ पे किया है, अरे और यहाँ पे एलबीजी फैट को नॉक कर दिया। एलबीजी की टीम अगर यहाँ पे दिक्कत में आई तो फिर यहाँ पे स्मूथ की स्क्वाड या फिर कोई और सी टीम यहाँ पे बाजी मार सकती है, और अंकुश की टीम यहाँ पे इजीली ले सकती है इस टीम को भाई। नाहान पीसी को फिर से रिवाइव दे दिया गया भाई, नॉक हुआ था और रिवाइव यहाँ पे दे दिया गया इस प्लेयर को, टू बी की स्क्वाड से भी एक फिनिश यहाँ पे निकाला जरूर है। बॉस आर्मी से दो प्लेयर बचे और एलबीजी वांग ने इस बार निमेश को नॉक कर दिया। स्मूथ की स्क्वाड को मैं देखना चाहूंगा क्या हुयांग को लेके जाएंगे शॉट भाई, या फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जोन में टीम है गाइस, नेक्स्ट जोन देखने वाले, अब कहां पे बनने वाला है। अंकुश को जोन में एंट्री करनी पड़ेगी, जोन में एंट्री कर चुके हैं, बट एलबीजी के हुयांग बिल्कुल क्लोज यहां पे जा चुके हैं। क्या क्रिमिनल, अच्छा क्रिमिनल उनके नीचे है, अंकुश को यहां पे नॉक कर दिया, हेडशॉट यहां पे लगा दिया हुयांग ने। क्रिमिनल और पांडे गेमिंग वहां पे बचे हैं, जोन किस टीम के पास जाने वाला है, और जोन यहां पे गए अंकुश की टीम के लिए। स्मूथ कहने के अब लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे आएंगे जरूर, बट फंस सकते हैं, क्रिमिनल अकेले प्लेयर बचे हैं, एलबीजी हुयांग यहां पे है और एलबीजी के प्लेयर्स भाई पूरा टॉप पे, और स्मूथ की टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जी गाइस, इस टीम के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, टॉप पे है बट ये टीम जाएगी कहां से, नीचे से जाएगी, तब भी आप एलबीजी टीवी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके नीचे है यहाँ पे हान पीसी शॉट दे रहे हैं टू बी गेमर के स्क्वाड को, बट जोन में कैसे जाएगी, सामने है क्रिमिनल, 1v1 फाइट है ये, 1v1 फाइट, और यहाँ पे क्रिमिनल ने ये फाइट निकाली है 1v1 की। ओके क्रिमिनल यहाँ पे बच जाएंगे, बट 15 फिनिशेस, एलबीजी क्या खेल रही है भाई ये टीम। स्मूथ साइड उस साइड अकेले हैं, पीछे शुभम बाइटी भी है, कैसे यहाँ पे जाएंगे। चार टीमें, व्यापारी ने अभी को नॉक कर दिया, एनजी वर्सेस एनएक्सटी भी देखने के लिए मिलेगा, सीएम भाई का ग्रेनेड, और कहीं ना कहीं अब ये ग्रेनेड दिक्कतों में डाल सकता है, और शाउट भाई कहने के ऊपर से दिक्कत देंगे यहाँ पे टू बी गेमर, बट शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे शाउट भाई, और देखते देखते अब स्मूथ अकेले प्लेयर बचे हैं जिनको एलबीजी टीवी से यहाँ पे फाइट यहां पे लेनी जरूर पड़ेगी जी गाइस। स्मूथ अकेले प्लेयर चार फिनिश यहां पे निकाले हैं, क्या प्लेसमेंट पॉइंट्स और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत टीम से अकेले अकेले प्लेयर यहां पे बचे हैं, जैसे कि स्मूथ की टीम से, और स्मूथ की टीम यहां पे एलिमिनेट फिफ्थ पोजीशन पे, झटका यहां पे जरूर लग सकता है। एलबीजी से भी दो प्लेयर बचे हैं, टू बी गेमर की टीम थर्ड पोजीशन पे, और अगर ये भुया लगाती है तो भाई काफी अच्छी बात यहां पे रहेगी, पर देखते हैं क्या इंडियन टीम भुया लगाने वाली है। बोस आर्मी इधर अकेले प्लेयर, चार टीम आठ प्लेयर यहां पे, लेट्स सी गाइस। क्रिमिनल यहाँ पे बचे हैं, बट एलबीजी के दो प्लेयर्स बचे हैं भाई, ऊपर ही टॉप टॉप पे है रिफाइनरी पे, जब से बैठे हैं इन्होंने 17 फिनिशेस निकाले हैं, और कहीं ना कहीं एलबीजी के स्क्वाड यहाँ पे बाजी मार जाएगी जहां तक मेरे को लग रहा है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि स्टार्टिंग के तीन गेम बहुत ही जबरदस्त, अगर तीन गेम में अगले तीन गेम में मार खाती है तब दिक्कत हो सकती है,
हानपीसी आगे बढ़ते हुए, क्रिमिनल है यहाँ पे और उनके पीछे है बोस आर्मी। यहाँ पे हानपीसी को कहीं ना कहीं बोस आर्मी पीछे से दिक्कत दे सकते हैं और हानपीसी एलपीसी का गेम कहीं ना कहीं यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं। पीएम भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए, बट बोस आर्मी वर्सेस क्रिमिनल में भी यहाँ पे फाइट रहेगी वन ऑन वन में। बोस आर्मी के पास शैबोल जरूर है। ओ माय गॉड, क्या होगा क्या होगा क्या होगा गाइस, इस एंगल से मैं यहाँ पे प्रॉपर दिखाऊंगा सारे प्लेयर्स को, आप लोग देख पाएंगे। टू बी गेमर के स्क्वाड नीचे, जोन जाएगा किधर, एलपीजी टॉप पे नीचे जंप यहाँ पे जरूर किया है भाई। क्या चल रहा है, क्रिमिनल यहाँ पे बचे हैं, हील बैटल यहाँ पे चल रहा है। एनएक्सटी से तीन प्लेयर, एलपीजी थर्ड पोजिशन पे एलिमिनेट। कौन सी टीम ने भुया मारा है भाई, इतने इंटेंस यहाँ पे मैच हो चुके हैं, कौन सी टीम ने यहाँ पे भुया लगाया। ओ ओ माय गॉड, एएफएफ यहाँ पे भुया लगा चुकी है भाई। क्रिमिनल अकेले प्लेयर बचे थे और कहां से यहाँ पे भुया लगाया भाई। सीएम और बोस आर्मी का हेल्थ 220 क्यों है, क्योंकि एचपी बूस्टर रहता है ना, बेस्ट एचपी बूस्टर। क्रिमिनल यहाँ पे बढ़ गए, गोपी इन द चैट, अभी तक तीनों मैच में इंडियन टीम ने यहाँ पे भुया लगाया फाइनल में, क्या बात है। ऐसी खतरनाक खतरनाक टीमों के अगेंस्ट कहीं ना कहीं भारतीय टीमें बहुत जबरदस्त खेल रहे गाइस। इंडिया ओपी लगा दो एक बार चैट में, और एएफएफ ओपी भी चैट में यहाँ पे चलना चाहिए, क्या ही प्यारा यहाँ पे खेला है। 8 फिनिशेस के साथ यहाँ पे एएफएफ का भुया, 2B गेमर 3 फिनिशेस के साथ सेकंड पोजीशन, एलबीजी 18 फिनिशेस के साथ थर्ड पोजीशन यहाँ पे। ओके गाइस एक बार देख लेते हैं, 4 फिनिश क्रिमिनल निकाले, 3 अंकुश ने निकाले, 1 यहाँ पे निमेश ने। 2B गेमर की बात की जाए तो 2 व्यापारी ने निकाले, 1 सीएम ने, एलबीजी डीवी थर्ड पोजीशन, बट भाई फिनिश इनके बहुत ज्यादा है। सन 5 यहाँ पे 12-14 18 फिनिशेस यहाँ पे, बोस आर्मी 1 फिनिश 4th पोजीशन, स्मूथ के स्क्वाड 4 फिनिशेस यहां पे 5th पोजीशन, NXT यहां पे 2 फिनिश 6th पोजीशन, बोस ऑफिशियल की बात की जाए तो गाइस यहां पे 5 फिनिशेस 7th पोजीशन, गॉड लेवल सिंगल फिनिश है 8th पोजीशन, टीम बीआर 2 फिनिशेस 9th पोजीशन, ब्लास्ट गेमिंग 0 फिनिशेस और 10th पोजीशन, वेस्टो मुंडा गाइस यहां पे बात की जाए तो शुरुआत अच्छी थी यहां पे 6 फिनिशेस 11th पोजीशन, बट उसके बाद यहां पे पोजीशन नहीं निकाल पाए। दुबई के स्क्वाड की बात की जाए तो सिंगल फिनिश 12th पोजीशन। चलिए गाइस अब हम लोग यहां पे बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो, एक बार देख लेते हैं कितना स्कोर किया और भाई एलबीजी 26, ओ माय गॉड। गाइस एएफएफ की बात की जाए तो 20 फिनिशेस, सॉरी 20 स्कोर किया, 2B गेमर 12, एलबीजी 26, बोस आर्मी 8, स्मूथ के स्क्वाड 10, एनएक्सटी 7, बोस ऑफिशियल 9, गॉड लेवल 4, टीम बीआर 4, ब्लास्ट गेमिंग 1, वेस्टो मुंडा 6 और दुबई की बात की जाए तो 1। चलिए गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ मैच की तरफ, और तीन टीमें अभी के लिए जस्ट बाहर जरूर गई है, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है या फिर क्या कुछ होगा। स्मूथ के स्क्वाड यही है, गॉड लेवल, बॉस ऑफिशियल 2B गेमर यही है, मतलब थी कौन कौन सी टीमें होंगी यहाँ पे। शायद मेरे को लग रहा है एक विंसेंजो की स्क्वाड अभी यहाँ पे बाहर गई है, बट दोबारा से यहाँ पे एंट्री करेंगे। तब तक गाइस आप लोगों ने स्ट्रीम को एक साथ लाइक नहीं किया है तो सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट यहाँ पे कर दो भाई लोग। आई लाइक यू ब्रो, आई एम हैप्पी ब्रो, अरे भाई लव यू लव यू लव यू। एलबीजी यूज हैक एनजी पावर विद फुल मैप, ही शो द स्क्रीन प्ले ऑन द लाइव स्ट्रीम बट यू स्टिल से ही हैक लेवल इज फार बियॉन्ड योर्स। भाई देखो मैंने हैक नहीं बोला, अगर मैं हैक बोलता आपको लगता है कि मैं टीम मैं यहाँ पे टॉप 12 में रखूंगा, सिंपल सा आपको ये सोचना चाहिए आराम से, बट जो टीमें बोलती है उनके लिए तो मेरे को करना पड़ेगा ना। चलिए गाइस देखते हैं, और एक टीम यहां पे बची है विंसेंजो की स्क्वाड को हम लोग देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके 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 तो विंसेंजो की टीम को कॉल कर लेता हूं, शायद वही बची है। Let's see, tararira. Okay, restart कर लो। Hello? Yeah, okay, bro. I'm waiting. Okay. चलिए guys, चलिए बट यार मेरे को खुशी बहुत है कि आज यहाँ पे इंडियन टीम ने भुया मारा है। अभी तक 3 matches, 0 मैच में इंडियन टीम ने भुया, लिटरली भाई अलग ही लेवल है। इस लॉबी में जहां पे ब्राजील की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम है भाई, गॉड स्पोर्ट्स बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि थेनोस लुइस हैं और जो का आप लोग गेम पता ही है, एक नए प्लेयर यहाँ पे ब्लेज आ जाए हैं और भाई इतनी खतरनाक खतरनाक टीमों में यहाँ पे भुया देखने के लिए मिल रहा है। बट यार
ये बड़े जबरदस्त खेल है यार, एलबीजी स्क्वाड क्या खेल रही है, इवन लाइव स्ट्रीम करके वो लोग खेल रहे। गाइज एक सेकंड देख ले तुम लोग। गाइज अब क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी टीम अब जीतने वाली है, क्योंकि यार तीन मैचेस में विंसेंट स्क्वाड के अच्छे ने गए हैं भाई। फर्स्ट पोजीशन थी उनकी, लीडर बोर्ड में फर्स्ट था, बट अब पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, देखते हैं गाइज। एक टीम और यहाँ पे एंट्री करने वाली है और फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट आप लोग क्या लगता है अभी तक विंसेंजो के साथ आज एलबीजी के सीएस मैच कराओ भाई, देखना पड़ेगा उनके प्लेयर होंगे कि नहीं होंगे, वो देखना पड़ेगा भाई लोग। गो, क्योंकि यहाँ पे शायद उन्होंने बैक ऑफ किया है, और मेरे को मैसेज आया कि अभी डुकमोम की स्क्वाड नहीं खेलेगी, क्योंकि छपरी को थोड़ा लग गया है कि यार अब क्या यार, अब तो मतलब पायरेट्स ने बोला था ना, तो पायरेट्स से मैं पूछ लेता हूँ प्रॉपर एक तरीके से। ओके चले गए, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे गेम, और जो लास्ट टीम है डुकमोम की वो इस बार नहीं आएगी, सही है, बाकी टीमों का वो खराब नहीं कर रहे, बट पता नहीं क्यों बाकी भाई उन लोगों को विश्वास नहीं रहा कि हम लोग लास्ट तीन मैचेस में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो लेट्स गो यहाँ पे फोर्थ गेम की तरफ, यहाँ पे बढ़ते हैं गाइस। फोर्थ गेम सिबलेस कहाँ गए, नॉन स्टॉप भाई दिखाई देता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता है कहाँ गए। 11 टीम्स 44 यहाँ पे प्लेयर्स एंट्री यहाँ पे ले चुके हैं। हाँ एलबीजी की स्क्वाड बहुत टफ है यार, पिछले से पिछले टूर्नामेंट में इतनी टफ नहीं थी वो, पिछले में डुकमोम वाली स्क्वाड थर्ड पे आई थी फाइनल्स की बात की जाए, बट इस बार तो ये टीम खेल रही है ना यार। बट इनके खेलने का तरीका भी है, आप लोग लग रहा है कि सिंपल है, आप लोग एक तरह से देखा जाए तो इनकी स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं देख रहा है। अगर आप लोग देखो ना स्टार्टिंग की फाइट ये निकालने के बाद में भाई ब्लू जोन में आप लोग पता है किस लेवल की लूट मिलती है, आप लोग वेस्ट से लेके, आप लोग थोड़ा मेडिकेट का बोल सकते हैं, वेस्ट से लेके स्नाइपिंग स्नाइपर यहाँ पे M82 भी मिल जाती है सारी चीजें, और उस टीम में वो परफेक्ट है। आगे आप लोग देखने के लिए मिला होगा कैसे वो टीम रश मारती है, कैसे खेल रही है, आप लोग ये सामने ही है। और एलबीजी की टीम फिर से यहाँ पे मार्च इलेक्ट्रिक जाएगी, ब्लू जोन इनकी ही जगह है भाई, ब्लू ब्लू जोन तो ये छोड़ते नहीं है चाहे कोई भी टीम वहां पे आ जाए। पिछले गेम में छोड़ा जरूर था, पता नहीं पिछले गेम में क्यों छोड़ा था। बट गाइस यहाँ पे प्लेन पाते स्टार्ट हो चुके हैं मार्च इलेक्ट्रिक से शिपयार्ड की तरफ। जी गाइस मार्च इलेक्ट्रिक से शिपयार्ड की तरफ यहाँ पे प्लेन पास जा रहा है, और विंसेंजो और यहाँ पे टू बी गेमर के स्क्वाड क्लॉक टावर पे, स्मूथ की स्क्वाड को बात की जाए तो शायद केप टाउन जाएंगे, बट क्लासिक स्क्वाड पीक पे जाएगी या फिर मिल पे लुक जाते हैं। और नॉन पीसी के एक प्लेयर नोक, ओ भाई आपस में ये लोग मेरे को लग रहा है आपस में वो कर रहे हैं गाइस, भाई ड्रम ही फोड़ दिया यहाँ पे। बट मैं देखना चाहूंगा विंसेंजो को, बीएम रहना ने सीएम को यहाँ पे नॉक किया, चैनिटोस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, विंसेंजो को यहाँ पे गन मिल चुकी है, टू बी गेमर वर्सेस विंसेंजो, सामने से साहिल यहाँ पे आ जरूर रहे हैं। विंसेंजो आगे बढ़ते हुए दो प्लेयर ने नीचे जम मारी है, क्या हेडशॉट यहाँ पे देंगे, और व्यापारी को यहाँ पे नॉक कर दिया। अब टू बी गेमर की स्क्वाड दिक्कतों में आ सकती है, थर्ड पोजिशन पे ये थे कल और जल्दी एलिमिनेट हो गए, तो दिक्कत यहाँ पे सच में यहाँ पे पड़ जाएगी। रहना यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, रहना के पीछे प्लेयर गया है, वन टैप यहाँ पे रहना ट्राई कर रहे हैं। ओके M1014 के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए थैनोस ने ओवर बैल से फिनिश किया, ओ टू बी गेमर यहाँ पे 11th पोजीशन पे फिनिश हो गया। रहना यहाँ पे तीन फिनिशेज यहाँ पे निकाले जरूर हैं, और विंसेंट जी के स्क्वाड कहीं ना कहीं भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा चीज क्या है। चले गाइस देखते हैं यहाँ पे पांडे गेमिंग वर्सेस स्मूथ की टीम में क्या फाइट होने वाली है। पांडे गेमिंग नीचे की तरफ है यहाँ पे, ब्लैक शॉट और स्मूथ, ओके शॉट भाई ने यहाँ पे शॉट्स दिए जरूर है क्रिमिनल को। चले गाइस ये अभी को शॉट भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, शॉट अभी स्मूथ और स्निकी, क्या यहाँ पे होने वाला है। चले गाइस ये अभी को स्मूथ अभी स्नीकी, क्या ये फाइट यहाँ पे होके रहेगी या फिर नहीं होगी। शॉर्ट बाई गाड़ी के साथ यहाँ पे निकल जरूर रहे हैं,
पीछे की तरफ देख रहे हैं, बट AFF शायद यहाँ पे, AFF भी दूसरी साइड को यहाँ पे निकल जाएगी और स्मूथ की स्क्वाड भी शायद यहाँ पे दूसरी साइड को निकल जाएगी। दोनों टीमें, क्लासी ने यहाँ पे अभी को नॉक यहाँ पे जरूर कर दिया है और देखते हैं भाई कहाँ से ये प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव देंगे। बट जोन में जाना पड़ेगा ये टीम को, जी गाइस जोन में जाना पड़ेगा। बाकी टीम्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बॉस आर्मी यहाँ पे है, एक सेकेंड, चले गाइस हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। स्मूथ की स्क्वाड यहाँ पे आगे बढ़ती हुई और AFF कहीं ना कहीं AFF इजीली निकल जाएंगे, बट LBJD भी आगे बढ़ती हुई। क्या सामने विंसेंट जो की स्क्वाड होने वाली है, ओ भाई LBG के सामने है ब्राजील की टीम। जी गाइस LBG वर्सेस यहाँ पे ये फाइट रहेगी BR। ओके थैनोस ने यहाँ पे प्लेयर को देख जरूर लिया, बट नाहन पीसी यहाँ पे अभी भी पीछे की तरफ देख रहे हैं, बट प्लेयर्स हैं उनके पीछे। ओके हान पीसी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, हान पीसी को शॉट्स पड़ते हुए, ये टीम प्लेयर्स को देखती है, ये टीम रश करने में बहुत खतरनाक रहती है, सीधा यहाँ पे रश। ओके LBG फैट LBG फैट की भी हान पीसी और हुयांग, लेट्स गो देखते हैं इस फाइट में क्या होगा, कैसे ये टीम यहां पे निकाल पाएगी ब्राजील की टीम के अगेंस्ट, क्योंकि प्रॉपर 4v4 है और हुयांग को यहां पे नॉक कर दिया। ओके क्या लुइस को शॉट यहां पे देंगे, भाई कहीं ना कहीं प्लेयर्स निकलेंगे जरूर मेरे को लग रहा है LBG के, अगर एक और प्लेयर यहां पे नॉक हुआ तो दिक्कतों में यहां पे आ जाएंगे। ओके अरे भाई डोका को नॉक और फिनिश कर दिया है LBG की टीम, दो फिनिश, दोनों टीम से एक एक प्लेयर यहां पे फिनिश हो चुके हैं। और नहान पीसी, हान पीसी बिल्कुल पीछे जा चुके हैं, फैट को भी यहां पे नॉक कर दिया है, बट कितनी जल्दी भाई नीचे से ये प्लेयर घूम के गया है आप लोग देख रहे हो। ओके चलिए गाइस आप लोग देख रहे हो कितनी जल्दी ये प्लेयर पीछे से गया, और ओ भाई LBJD भी फिर से यहां पे नॉक किया, थेनोस अब यहां पे रश मारने वाले, ओ भाई थेनोस ने रश मारा है बट दिक्कत में पड़ सकते हैं, पीछे की तरफ वापस आ रहे हैं। लुइस ने LBJD को फिर से नॉक किया, भाई ये बंदा कितनी बार नॉक होगा, ओ हान पीसी भी अगर ये गेम बेकार जाता है, अरे भाई बट थेनोस को LBJD की, भाई ये मेटू भी क्या ही यहाँ पे चला रहे हैं, दो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं और कोई टीम आसपास भी मेरे को नहीं दिख रही है, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे नहीं होगा, बट अब ये फाइट रहेगी 2v2। कहीं ना कहीं फैट पीछे की तरफ निकल रहे हैं, फैक्ट्री में रिवाइव देंगे प्लेयर्स को। जी गाइस फैट पीछे की तरफ निकलते हुए, शॉट्स इनको पड़े जरूर है बट नॉक होने से यहाँ पे बच जाएंगे, स्नाइपर प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, नौ टीमें 31 प्लेयर, जी गाइस नौ टीमें यहाँ पे बची है 31 प्लेयर। ट्रिपल किल, लेट्स सी। ओके LBJD और फैट टीवी भी यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए, वॉल के पीछे 5 HP, ओ माय गॉड, और यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। जी गाइस LBJD क्या फैट रिवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज 3 finishes है, ये मैच यहाँ पे बेकार जा सकता है अभी। जी गाइस ये मैच यहाँ पे बेकार जा सकता है, फियोरो ने क्रिमिनल को यहाँ पे नॉक किया है और निमेश पीछे बचे हुए यहाँ पे। स्मूथ की स्क्वाड की बात की जाए तो जोन में यहाँ पे पॉज तो रही है, बट उधर विंसेंजो के स्क्वाड है, जोन में यहाँ पे पॉज तो गई है, फियोरो वर्सेस यहाँ पे निमेश। ओके और सामने है टीम नंबर 10 का प्लेयर भी है गाइस वहां पे, क्या ड्रम यहाँ पे फोड़ेंगे। ओके इनके लेफ्ट हैंड साइड है, मैं आप लोग दिखा देता हूँ, क्लासी भाई पीछे है यहाँ पे NXT से, क्लासी यहाँ पे पीछे है, क्लासी शायद गाड़ी लेके यहाँ पे निकल जाए, ये ही बेटर ऑप्शन है अभी के लिए। और ये दोनों प्लेयर सभी फाइट करते रहेंगे, फियर यहाँ पे निमेश पे शॉट ले जरूर रहे हैं, बट जहां तक मेरे को लग रहा है शायद ये भी यहाँ पे निकल जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे निमेश आगे की तरफ बढ़ते हुए, मन बचे हैं, बिस्वा यहाँ पे बचे हैं। जी गाइस मन 999 बिस्वा, और देखते हैं भाई क्लासी भाई यहाँ पे जा जरूर रहे हैं, साइलेंट यहाँ पे नीचे, क्या क्लासी भाई अकेले प्लेयर बचे हैं, मैं देखना चाहूंगा। ब्राजील की टीम 6 finishes, अकेले नहीं बचे हैं, जो दो प्लेयर नॉक हुए थे उनको रिवाइव यहाँ पे मिल चुका है। भाई वॉचिंग डिक्रीज होती है भाई, ये जब लैग होता है तो रिकमेंडेशन करना बंद कर देता है, बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे को सॉल्यूशन ही नहीं मिला इसका। स्ट्रीम डिले हट गया, नहीं ये डिले नहीं हटा भाई, डिले हटता तो 2 मिनट बाद नहीं, विद इन 10 सेकंड के बाद ही स्टार्ट हो जाती स्ट्रीम, इसलिए तो 2 मिनट लगता है, डिले है। अगर डिले में ताकि स्टार्ट करनी होती मेरे को तो वो मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही तुरंत लैग होती स्टार्ट हो जाती, समझ रहे हो ना, डिले की वजह से 2 मिनट लगते हैं वो। पता नहीं फ्लक्चुएशन तो हो रही है, बट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों फ्लक्चुएशन आजकल स्ट्रीम में हो रही है, क्योंकि नेट वगैरह। और LBG की टीम ने सारे प्लेयर्स को यहाँ पे रिवाइव दे दिया है। जी गाइस देखा जाए तो सारे ही प्लेयर्स को यहाँ पे रिवाइव दे दिया है,
और बट ये टीम जा रही है यहाँ पे कटुलिस्ट वहां जहां पे बोस ऑफिशियल है और शाउट को नॉक कर दिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे विंसेंटो की टीम बाजी मार सकती है। स्मूथ ने यहाँ पे जोई को नॉक तो किया है बट शाउट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। क्या प्लेयर्स पीछे की तरफ निकलेंगे? ओके जेनिटोज यहाँ पे घर पे जरूर गए हैं। रिवाइव यहाँ पे दे दिया गया। स्मूथ की टीम यहाँ पे फंस चुकी है पिछले गेम में यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन और इस गेम में मेरे को लग रहा है अब यहाँ पे दिक्कतों में पड़ सकते हैं। जेनिटोज यहाँ पे टॉप पे और रे भाई वन टैप फिर से यहाँ पे दिया। पहले जोई को नॉक किया था वन टैप से, इस बार यहाँ पे नॉक होने से बचे बट स्नीकी को पीछे से भी शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं। ओके और इसी बोले यहाँ पे स्नीकी के पास बट स्नीकी को क्लासी और रे भाई अब यहाँ पे स्मूथ अकेले प्लेयर बचे हैं। क्या यहां से निकल पाएंगे? निकलना मुश्किल है जी गाइस, निकलना मुश्किल है यहाँ पे। और विंसेंटो की स्क्वाड से भी एक प्लेयर नॉक हुए, उनको किया है क्लासी ने और स्नीकी को भी कहीं ना कहीं किसी ने किया है। स्मूथ अकेले प्लेयर बचे हैं, एक तरीके से 1v4 यहाँ पे ये फाइट रहेगी। ओ भाई वन टैप यहाँ पे स्मूथ का। भाई स्मूथ अकेला लिटरली क्या ही खेला था, 3 हेडशॉट यहाँ पे लगाए थे बट अब यहाँ पे खतरे में। बट इस बार एलबीजी भी जल्दी एलिमिनेट हुई है। अब कहने के विंसेंटो की स्क्वाड थोड़ी ऊपर या फिर आ सकती है क्योंकि एलबीजी जल्दी फिनिश हो गई है। जो टीम यहाँ पे रेस में थी एलबीजी और स्मूथ दोनों फिनिश हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं विंसेंटो की टीम ऊपर यहाँ पे आ सकती है। गाइस देखते हैं एफएफ की बात की जाए, दो फिनिश निकाले, अकेले प्लेयर बचे हैं। ब्लास्ट गेमिंग 5 फिनिशेस जी गाइस, बट चारों प्लेयर इनके हैं इनके पास में तो मेरे को लग रहा है ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। बट ब्राजील की टीम क्या ही ओपन में यहाँ पे खेल रही है, रश यहाँ पे कर रही है इस टीम पे। दो बंदे उधर है, दो बंदे इधर है और मैं देखना चाहूंगा भाई कैसे ये टीम रश करती है। टीम नंबर 9 के लुईस यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। लुईस यहाँ पे रशर जरूर है। 4 प्लेयर थे पीछे पूरे। चलिए गाइस देखते हैं, हियर वी गो लुईस और यहाँ पे एफएफ एलिमिनेट हो चुकी है। एनएक्सटी ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। हियर वी गो जोका लुईस सेनोस और ब्लेज। जेनिटोज ने यहाँ पे ब्रोली को यहाँ पे नॉक कर दिया। ओके एनएक्सटी वर्सेस विंसेंजो भी चल रही है। अगर वो विंसेंजो ने फाइट निकाली और भुया निकाल दिया। यार देखो भाई क्या रश कर रहे हैं, दो बंदे पीछे से कवर दे रहे हैं और एक प्लेयर को नॉक कर दिया भाई। लिटरली 2 प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया है लुईस, बट लुईस भी नॉक हो चुके हैं। ब्लेज यहाँ पे आगे तरफ बढ़ेंगे। ब्लास्ट गेमिंग भी यहाँ पे बाजी मार सकती है। देखते हैं क्या होगा क्या दोनों प्लेयर को नॉक करेंगे। बट ब्लेज भी यहाँ पे नॉक। ओह माय गॉड, लास्ट प्लेयर थे और जोकर ने उनको फिनिश कर दिया। 12 फिनिश के साथ अपने प्लेयर को रिवाइव दे देंगे। लूट भी काफी अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी जी गाइस। और देखते भाई एनएक्सटी 5 फिनिशेस बट सामने है विंसेंजो की स्क्वाड। विंसेंजो के शायद एक प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव ना दिया जाए। विंसेंजो को तो रिवाइव दे दिया है बट जोई को रिवाइव देने यहाँ पे मुश्किल है, बहुत ज्यादा दूर है और ऊपर है बोस ऑफिशियल की टीम जोन में जी गाइस। अब टीम बची है 5 टीमें, 16 प्लेयर, 9 फिनिशेस यहाँ पे विंसेंजो की टीम निकाल चुकी है। अगर 12 फिनिशेस के साथ भुया मार दिया तो भाई फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं गेम में 3 टीमों का दबदबा रहने वाला है, एलबीजी या विंसेंजो या फिर स्मूथ की टीम। बट स्मूथ की टीम के 2 गेम पिछले बेकार यहाँ पे गए हैं तो मैं बोलूंगा एलबीजी और विंसेंजो में यहाँ पे फाइट रहेगी। अभी लास्ट के 2 गेम ही बताएंगे कौन यहाँ पे चैंपियन होने वाला है, इस टाइटल को कौन यहाँ पे लेके जाने वाला है। बोस आर्मी एक ही फिनिश यहाँ पे निकाला है, अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। ओके गाइस देखते हैं ब्राजीलियन टीम, ब्राजील की टीम यहाँ पे बोस ऑफिशियल की टीम को। ओके बोस आर्मी को एलिमिनेट कर दिया बट सामने है बोस ऑफिशियल की टीम जी गाइस। दिया अभी को अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो विंसेंजो की टीम के लिए फायदा हो सकता है। ओके ओ भाई विंसेंस और रैना ने यहाँ पे किल निकाले ब्राजील की टीम का एक, बट ये वाला किल शायद नहीं निकाल पाएंगे, रिवाइव मिल जाएगा। बोस ऑफिशियल की एक टीम का फिनिश यहाँ पे निकाला है। जोई को भी रिवाइव यहाँ पे दे दिया गया। विंसेंस जो भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, जोई को देखते हैं। अरे भाई जोई को आते ही सीधा यहाँ पे लॉन्चर मिल गया भाई। और रे 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 ओके और बट ये इनके पास ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ओ भाई यूएसपी से यहाँ पे नॉक कर दे बट खुद भी नॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पे जेनिटोज अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे विंसेंजो की स्क्वाड से। 10 फिनिश यहाँ पे निकाले जरूर हैं। ओके बोस वाई के पीछे है, शायद ये फाइट 1v1 की रहेगी बट यहाँ पे जोकर ने फिनिश कर दिया जी गाइस। अब यहाँ पे विंसेंजो की स्क्वाड भी वाइप आउट हो चुकी है। ब्राजीलियन टीम 15 फिनिशेस। अब यहाँ पे ब्राजील की टीम का गेम देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि पहले जो मैचेस थे भाई उनमें वो बात नहीं दिख रही थी। जोका ने क्लासी को यहाँ पे नॉक किया बट उधर से अरी ने यहाँ पे जोका को नॉक कर दिया। अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। यबी गो लुईस, क्या जोका और थेनोस रिवाइव हो जाएंगे? एनएक्सटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि जोन उनके पास नहीं है, कैसे वो टीम यहाँ पे आएगी? पीछे यस भी बचे हैं, यस यहाँ पे ब्राजील की टीम का गेम खराब कर सकते हैं। शायद क्लासी को रिवाइव यहाँ पे दे दिया जाएगा बट क्या सोच रहे हैं, इनके पास एक बोल तो है यहाँ पे, एक बोल है यहाँ पे और रिवाइव यहाँ पे दे चुके हैं।
बट एनएक्सटी कैसे जोन में जाएगी, दिक्कत है यहां पे जरूर, क्योंकि ब्राजील की टीम के पास परमानेंट कवर है और वो जोन में भी है। और चलिए यहां पे नॉक हो गए, अभी को देखते हैं वाइब तो यहां पे हो जाएंगे। क्लासिक के शॉट्स यहां पे देखते हैं, पीछे यस वाइट है पीछे वाले घर में, कहीं ना कहीं बी आर की टीम का ये बुआ होने वाला है। और रे भाई पानी में यहाँ पे जंप जरूर किया है, ओवर फिनिश इजी यहाँ पे ब्राजील की टीम को मिल चुकी है। अब यस यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे वन वी थ्री यहाँ पे जी गाइस, यस वाईटी के लिए रेड नोटिस, थैंक यू फॉर योर डोनेशन। क्या एक दो किल निकाल पाएंगे, 11 एचपी यहाँ पे बची है। और बी आर की टीम का जो पहले यहाँ पे बोलते थे हम लोग पहले सीजन में जो गेम प्ले देखने को मिला था कुछ ऐसा गेम प्ले अब यहाँ पे देखने को मिला है ब्राजील की टीम से। भाई लिटरली क्या खेला इस बार गाइस, बी आर ओपी कर दो। तीन मैचेस यहाँ पे इंडियन टीम के बाद यहाँ पे ब्राजील की टीम ने एक इंटरनेशनल टीम ने यहाँ पे बुइया लगाया है। और लुइस यहाँ पे एमवीपी रहे 19 फिनिशेस के साथ। भाई ये टीम का एक यही है कि एक बार ये स्टार्ट हो गई ना तो 15-20 फिनिश ही रहते हैं, चाहे वो एलबीजी हो चाहे वो विंसेंजो स्क्वाड हो। इन टीम की अगर इन्होंने बुइया कर दिया लास्ट तक पहुंचे हैं तो भाई 10-15 या फिर 20 फिनिशेस इनके रहते ही रहते हैं। बोस ऑफिशियल 5 फिनिशेस के साथ सेकंड पोजीशन, एनएक्सटी 7 फिनिश थर्ड पोजीशन, और जोका ने 5 किल किए हैं। लुइस की बात की जाए तो गाइस 7 किल यहां पे लुइस के, थेनोस के यहां पे 4, ब्लेज की बात की जाए तो यहां पे 3 फिनिश, बोस ऑफिशियल से बात की जाए तो यस का एक है, आरडीएक्स का एक है, जेस वाइट का यहां पे एक है, एनएक्सटी से यहां पे 3 क्लासी किए हैं, 2 ब्रोली 1 चिल और 1 यहां पे री। विंसेंजो की स्क्वाड से यहां पे 10 फिनिशेस हैं। वेलकम टू एनजी आर्मी सरपंच गेमिंग, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। और देखा जाए तो गाइस 5 रैना, 4 विंसेंजो, 1 जेनिटोस और 4th पोजीशन बोस आर्मी सिंगल किल, 5th पोजीशन ब्लास्ट गेमिंग यहाँ पे 5 किल 6 पोजीशन, AFF यहाँ पे 2 किल 7 पोजीशन, एलबीजी टीम 3 फिनिशेस के साथ 8 पोजीशन, स्मूथ के स्क्वाड की बात की जाए तो 0 किल 9 पोजीशन, गॉड लेवल यहाँ पे 0 किल 10 पोजीशन और 2B गेमर यहाँ पे 0 किल 11 पोजीशन। अब यहाँ पे बढ़ते हैं गाइस सेकंड लास्ट गेम की तरफ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। बट ब्राजील की टीम ने एक ही गेम में गाइस यहाँ पे 31 पॉइंट्स, बॉस ऑफिशियल 14, एनएक्सटी 15 और वेस्टो मुंडा 17, एलबीजी के 6 किल हैं। अब कहीं ना कहीं विंसेंस और एलबीजी में रहने वाला है, कौन सी टीम यहां पे बाजी मारेगी, कोई और भी मार सकती है क्योंकि मैं सिर्फ यहां पे मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही यहां पे आइडियाज लगा रहा हूं कि किस टीम ने यहां पे कितना स्कोर किया होगा, ऐसे ही आइडिया लगा रहा हूं। चलिए गाइस अब देखते हैं क्या होने वाला है लास्ट दो गेम्स में, लेट्स सी गाइस लास्ट दो गेम्स में क्या होगा। और गाइस सारे भाई लोग एक साथ इस स्ट्रीम को यहाँ पे लाइक कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे यहाँ पे सेट कर दो। ओके गाइस टीम यहाँ पे आ चुकी है, 11 की 11 टीमें। और अब मैं कर देता हूं यहाँ पे परगेट्री मैप में, शायद एक प्लेयर का डाउनलोड नहीं है, बोस आर्मी से एक प्लेयर यहाँ पे चेंज जरूर हुए, गौरव H4K। लेट्स सी गाइस क्या होगा यहाँ पे, 11 टीमें, 2 गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलबीजी के लिए, स्मूथ के स्क्वाड के लिए और यहाँ पे विंसेंजो की स्क्वाड के लिए। और बाकी टीम को नीचे से एंट्री मार जाए तो मेरे को अभी कुछ पता नहीं है, पॉइंट टेबल का कोई ऐसा आइडिया नहीं है, फर्स्ट डे का है बट अभी का नहीं है। देखते हैं गाइस भुया क्या कुछ यहाँ पे होगा, शायद डाउनलोड हो गया ना, नहीं अभी नहीं हुआ, डाउनलोड हो रहा है भाई, गौरव H4K। क्या ही मैच था यहाँ पे, बहुत जबरदस्त यहाँ पे हुआ है। भाई किसकी है यार, एक सेकेंड, 221 HP, जोका स्क्वाड, हाँ 221 HP, आप लोगों ने नोट किया क्या किसी ने, देखते हैं गाइस नोट करते हैं इस टीम को। ला 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 ला। भाई गौरव का कितना बचा है, 220 डैमेज कैलकुलेटेड, भाई पूछते हैं आप लोग ये नोट क्या हो तो बताना, गौरव H4K।
भाई कितने MB? ला 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 ला। आपकी गिल्ड वालों ने कब टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, मोबाइल प्लेयर्स या फिर पीसी? गाइस पीसी वाले तो जरा भी खेल रहे हैं। गौरव भैया BSNL टाटा डोकोमो। चलो हो गया गाइस, करते हैं अभी स्टार्ट। डाउनलोड यहां पे हो चुका है, लेट्स गो यहां पे गाइस, सेकंड लास्ट गेम। अभी तक भी हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर पा रहे भाई कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट। पिछली बार विंसेंजो, इस बार विंसेंजो LBG स्मूथ के स्क्वाड में यहाँ पे फाइट जरूर चल रही है, बट लेट्स सी। करते हैं यहाँ पे इस गेम को स्टार्ट। जी गाइस 44 प्लेयर्स। भाई देखो मैं इस गेम में बताऊ ना, LBG से अगर जीतना है तो अगर उनके मैच बेकार जाते हैं तभी जीत सकते हो, अगर उनके दो गेम ये अच्छे गए तो फिर उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग के तीन मैचेस में शायद उन्होंने काफी अच्छी लीड ली जहां तक मेरे को लग रहा है। बट LBG को क्या कोई सी टीम टारगेट यहाँ पे करने वाली है, क्या होगा? क्योंकि ब्लू जोन में हमेशा भाई उनका तो क्लैश ही होता है, ब्लू जोन में इतनी टीम आती है बट वो अपने आपको रिवाइव करके और कैसे निकलते भाई समझ नहीं आता। वी वॉन्ट पॉइंट टेबल, पॉइंट टेबल आज मिलेगी, पॉइंट टेबल मिलेगी भाई आज, पॉइंट टेबल मिलेगी, टेंशन मत लो। लाइक काउंटर सेट, रुको यार लाइक काउंटर हाँ सेट कर देता हूं, चलो थोड़ी देर में करता हूँ, एक बार स्टार्टिंग की फाइट देख लो मैं। अरे कर ही देता हूँ यार, कितना टाइम लगेगा? गाइज जस्ट एक सेकेंड, देखते हैं किसकी क्लैश लैंडिंग होगी, क्या होगा इस गेम में। लाइक काउंटर में सेट कर देता हूँ और लाइक करना ना भूले गाइज, जिसने अभी तक नहीं किया है तो एक साथ लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। और आते हैं अब हम लोग यहाँ पे मैच में। चले गाइज मैच में आ चुके हैं, प्लेन पाथ यहाँ पे आई थिंक क्रॉस रोड से, और ये जा रहा है लंबर मिल की तरफ। ओके विंसेंजो के स्क्वाड, ओ भाई स्मूथ की स्क्वाड ने कहीं ना कहीं इस बार पोजिशन यहाँ पे चेंज जरूर की है। मार्बल बक्स इस बार जा रहे हैं क्योंकि ब्लू जोन यहाँ पे फील्ड्स पे है, और बट LBG इस बार ब्लू जोन नहीं गई है, कहीं ना कहीं उनको पता चल चुका है कि अब बहुत ही आराम से खेलना है, कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे निकालना है, जल्दी यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होना है। बट विंसेंजो की स्क्वाड ब्लू जोन गई है, मोथ हाउस यहाँ पे गई है FF, बट क्लैश लैंडिंग नहीं इस बार। अरे क्लैश लैंडिंग बोला इतने में ही हो गई, और क्लासी ने यहाँ पे विश्वा को नॉक कर दिया, क्या मन और फियर को भी नॉक करने वाला है क्लासी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। पीरो के सामने क्लासी होंगे, मन भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और क्या पहली टीम हमें यहाँ पे मिलने वाली है ब्लाज गेमिंग इस टूर्नामेंट में। पहली टीम यहाँ पे मिलेगी और क्लासी को यहाँ पे नॉक किया है, और बट ब्रोली का बहुत ही प्यारा सपोर्ट, और ब्लाज गेमिंग स्टार्टिंग में यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। जी गाइज और एक और क्लैश यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है अब हम लोगों को, गॉड लेवल। जी गाइज गॉड लेवल वर्सेस यहाँ पे ब्राजील की टीम। पॉइंट टेबल कहां दिखाओगे, स्ट्रीम पे ही भाई। चलिए गाइस देखते हैं यहां पे हरिश का रिडमैन इमाई गोड, सामने ब्राजील की टीम भी सोच समझ के एक एक नॉक किया ना और ये रश कर देंगे सीधा। जोका देखो कहां से अभी शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन देख रहे हो, हिटमैन बिल्कुल घर के ऊपर है, ये पोजीशन बड़ी जबरदस्त है भाई, ये चीजें सीखने पड़ेगी। ओ थेनोस यहाँ पे पीछे हैं, पीछे विंसेंजो की स्क्वाड ब्राजील यहाँ पे आ सकती है। ओके देखते गाइस क्या होगा, और कहीं ना कहीं हिटमैन को शॉट दे सकते हैं थेनोस। जी गाइस थेनोस शॉट दे सकते हैं भाई, पोजीशन देते ही सीधा कितनी जल्दी यहाँ पे। ओ भाई 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 अब देखो रश भी कर रहे हैं वो लोग, देख रहे हो कितना जल्दी वो उन लोगों ने रश भी स्टार्ट कर दिया वहां पे, जोका तुरंत ही रश पे आ गए, मतलब टीम को सोचने समझने का यहाँ पे मौका नहीं देते। देखते हैं भाई कैसे रश करने वाली, हरीश कार अकेले फंस गए उस घर में,
ऊपर वाले बंदे को बिजी करते तुरंत यहां पे रश कर दिए और हिटमैन को भी यहां पे नॉक कर दिया गाइस। भाई ये टीम के लिए मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, जिस तरीके से ये टीम खेलती है भाई एक एक दो दो सेकंड भी डिले नहीं होते। ओके ओके लेट्स सी लेट्स सी। ये स्नाइपर यहां पे चला जरूर है। अरे भाई वे क्या स्नैपिंग की है यहाँ पे, बट एक ही गोली के बचे हैं, दिक्कत हो सकती है। ईएमआई गॉड यहाँ पे नॉक हो गए और फिनिश कर दिया गॉड लेवल को यहाँ पे। 10 पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, दो टीमें यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। जी गाइस देखा जाए तो गॉड लेवल। ओ बट एलबीजी वर्सेस विंसेंजो की स्क्वाड की फाइट, ये कहीं ना कहीं फाइनल भाई पॉइंट टेबल में नहीं यहीं पे दिखा रहे कि यहीं पे फाइनल हो जाए आज। ओके जेनिटोस आगे बढ़ते हुए, विंसेंजो इस तरफ से आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और जोई भी और वीएम रहना यहाँ पे। गाइस यहीं से कहीं ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई जो है फाइनल वगैरह जो कुछ अभी यहाँ पे देख लिया जाए, अभी यहाँ पे हो जाए। ओके 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 जेनिटोस विंसेंजो आगे बढ़ रहे, एक प्लेयर को देखा जरूर है। ओ क्या कम एचपी बची है, बट एलबीजी फैट को नॉक कर दिया यहाँ पे। नहान पीसी पीछे से आएंगे जरूर उनको रिवाइव देने, क्या निकलने देंगे कि नहीं। एलबीजी प्रॉब्लम में पड़ सकती है यहां पे, अगर विंसेंजो ने एलिमिनेट कर दिया तो विंसेंजो के टीम के चांसेस यहां पे हो जाएंगे। अरे नहीं दोनों मिस। अरे विंसेंजो ने कहीं ना कहीं चांस यहां पे क्या खोया है। ओ जो यहां पे नॉक हो चुके हैं, हान पीसी ने यहां पे नॉक किया, बट रिवाइव मिल जाएगा रैना। अरे भाई बहुत ही प्यारा सपोर्ट यहां पे। ओके एलबीजी के शायद मेरे को लग रहा है अब दो ही प्लेयर बचे होंगे और दो प्लेयर आगे जा चुके हैं फील्ड्स में। जी गाइस दो प्लेयर यहां पे फील्ड में आगे जा चुके हैं, मैं देखना चाहूंगा एलबीजी के प्लेयर्स को, शायद यहां पे जाते रिवाइव देंगे। टोकन यहां पे मिल रहे हैं, टोकन यहां पे मिलते जा रहे हैं इस टीम को। हो जाएंगे यहां पे आगे बढ़ते हुए, एलबीजी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, होता है ना टीमें क्लोज जाके नर्वस हो जाती है। एक टीम ने यहां पर ही देखो हाँ वो बैक ऑफ कर दिया ना छपरे की टीम ने, क्योंकि वो सबसे लास्ट ही थी 22 पॉइंट्स ही थे, तो तीन मैच खेल के उनको लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा तो भाई उन्होंने छोड़ दिया। ओ भाई होयांग के लिए 2B गेमर की टीम और 2B भाई है यहां पे, क्या 2B भाई 1v2 यहां पे कर सकते हैं। अरे रे 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 शॉट्स यहां पे पड़े जरूर है, डेंजर जोन है, डेंजर जोन है यहां पे। सीएम भाई की स्क्वाड और 2 भाई की स्क्वाड यहां पे आ रही है। एलबीजी अगर फिनिश हो जाएगी तो भाई कहीं ना कहीं यूरोपियन टीम और स्मूथ की टीम के लिए थोड़े से आसार यहां पे हो जाएंगे, बट जल्दी एलिमिनेट होगी तभी यहां पे। भाई मैप स्टाइल क्यों चेंज किया, मैप स्टाइल चेंज किया है बरमूडा परगेटरी कालाहारी, फिर यहां पे बरमूडा हुआ है लास्ट और अब यहां पे कालाहारी, ओ सॉरी ये वाला परगेटरी और नेक्स्ट कालाहारी होगा, फिफ्थ मैच है ना ये वाला। चलिए गाइस देखते हैं क्या यहां पे दो प्लेयर्स पे भारी पड़ने वाली है। भाई 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 देखने वाली बात रहेगी, दो ही प्लेयर है, सीएम भाई आगे की तरफ बढ़ने का ट्राई जरूर कर रहे हैं, एलबीजी पीछे हैं और सीएम भाई को शॉट्स यहां पे बढ़ते हुए, होयांग आगे बढ़ते हुए, होयांग यहां पे घर में। अरे भाई एलबीजी टीवी ने पीछे से यहां पे, ओ भाई ओके अकेले अभी यहां पे अकेले प्लेयर बच गए हैं। जी गाइस अरे अकेले प्लेयर हैं भाई, इसको रिवाइव कैसे मिला। ये कैसे हुआ भाई, उसने जाते जाते उधर से रिवाइव दिया है फिर क्या हुआ। भाई मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, एलबीजी भी आगे बढ़ते हुए और कहीं ना कहीं ये टीम जाते जाते मरते मरते बच जाती है। सीएम भाई यहां पे डैमेज है, सीएम भाई डैमेज है, बॉस आर्मी यहां पे नाइन पोजीशन पे एलिमिनेट, एलबीजी टीवी यहां पे नॉक। जी गाइस उनको फिनिश कर दिया जाएगा, बट फैट अभी बचे, क्या यहां से रिवाइव करेंगे। जी गाइस यहां से रिवाइव करेंगे फैक्ट, तो यहां पे विंसेंजो की टीम आ सकती है, दिखा देता हूं कहां पे टीम है, विंसेंजो की टीम जस्ट यहीं पे, फिनिश करने का काफी अच्छा मौका है यहां पे, प्लेयर यहां पे रिवाइव जरूर हो रहे हैं। बॉस ने यहां पे थेनोस को नॉक कर दिया है, बट मेरे को लग रहा है काफी दूर है, इतने में आएगी इतने में दिक्कत यहां पे हो सकती है, और प्लेयर को प्लेयर ने इधर ही बोल लगाई है भाई पहले। भाई भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत ही क्लोज यहां पे, ग्लूवल ब्रेक की जा रही है और बॉल नहीं है यहां पे, और अब कहीं ना कहीं जी गाइस अब कहीं ना कहीं एलबीजी यहां पे फंस सकती है, अगर एलबीजी एलिमिनेट हुई तो विंसेंजो की स्क्वाड यहां पे अच्छा कर सकती है 146। अरे भाई लास्ट टाइम तक ये टीम क्या खेलती है भाई लिटरली, और यहां पे फिनिश, माय गॉड इंटेंस यहां पे ये गेम बन चुका है। एलबीजी पिछले में भी जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, अब भी
अगर एक और गेम बेकार जाता है और विंसेंट जुके डेविस में भुइया या फिर क्लोज आती है, और अरे भाई एक और फाइनल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके एक और ऑलमोस्ट फाइनल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गाइस। शाउट भाई वहां पे नॉक हो गए। विंसेंजो यहाँ पे घर पे जरूर है, अभी यहाँ पे आए जरूर है, बट क्या अभी पहुंच पाएंगे? और तूफान इस बार एंट्री कर चुके हैं इस टीम में। एक प्लेयर ऊपर ही आ गया भाई, पता ही नहीं चला है क्या? और रे भाई विंसेंजो करो, अगर विंसेंजो की टीम को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे स्मूथ की टीम के लिए चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्या रैना को सामने देख लिया है? क्या बिगो स्मूथ है यहाँ पे सामने? और रे बट शाउट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ये गाइस तूफान यहाँ पे, क्या तूफान यहाँ पे कैसा खेलने वाले हैं? लेट्स सी। अभी को तूफान रिवाइव यहाँ पे दे दिए गए, क्या होगा यहाँ पे गाइस? भाई इंटेंस यहाँ पे एक तरह से फाइनल यहीं पे चल रहा है। तूफान यहाँ पे रोक, ओह कहीं ना कहीं स्मूथ यहाँ पे चुके जरूर है, यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, बट उधर स्मूथ अकेले प्लेयर बच गए 1v2 की फाइट में। जे गाइस 1v2 की फाइट में स्मूथ वहां पे अकेले प्लेयर जरूर बच गए हैं। ओके रैना है वहां पे और बॉस की टीम भी यहाँ पे, और रैना को यहाँ पे नॉक कर दिया है। गाइस स्मूथ ने यहां पर रहना को नॉक कर दिया है और बॉस की टीम भी कहने के एंट्री करने वाली, और टीम ब्राजील भी। भाई कहीं मेरे को लग रहा है इन दोनों की टीम में कोई और यहां पे बाजी ना मार दे। शाउट भाई आगे बढ़ते हुए, और विंसेंजो की स्क्वाड को मैं एक बार देखना चाहूंगा। विंसेंजो अकेले प्लेयर यहां पे बचे हैं, दो फिनिश इन्होंने निकाले जरूर है, बट ब्राजील की टीम पीछे से एंट्री करती हुई, और यश भी वहीं पे है। ओके ओके यहां पे भाई बॉल ब्रेक की जा रही है, बट ये क्या, थैनोस और लुइस ने दोनों प्लेयर को नॉक कर दिया। ओह माय गॉड क्या ही खेला है शाउट भाई, अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, बट क्या यहाँ पे हेड हेड लगा पाएंगे? और स्मूथ की टीम यहाँ पे एलिमिनेट, आप कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। जी गाइस, और मेरे को जो चांसेस लग रहे हैं भाई, ब्राजील की टीम अब क्या खेल रही है? अगर विंसेंजो ने यहाँ पे रिवाइव दे दिया प्लेयर्स को, बट मेरे को लग रहा है मुश्किल है यहाँ पे। फिनिशेस 5 तो है, टॉप 6 में भी जगह यहाँ पे बना ली है, थोड़ा अच्छा तो यहाँ पे किया है, बट लेट्स सी। आरडीएक्स यहाँ पे पीछे है, रिवाइव हो गए हैं भाई, चीजें क्या ही यहां पे चेंज हो रही है। जी गाइस एक लास्ट गेम अब डिसाइड करेगा, बट विंसेंजो जितने पॉइंट बटोर सकते हैं उतने बटोर लेंगे यहां पे, बट लूट नहीं है उनके पास। जी गाइस लूट नहीं है विंसेंजो, और जोन भी यहां पे नहीं है। जी गाइस जोन भी नहीं है, पूरा पीछे से ट्राई कर रहे हैं जाने का, क्या यहां पे पहुंच पाएंगे या फिर नहीं? तो 1v1 फाइट और आरडीएक्स यहां पे नॉक हो चुके हैं। कायलो धुने ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, पायरेट्स को देखते हैं। ये अभी को पायरेट्स 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 बॉस ऑफिशियल से अकेले प्लेयर बचे हैं पायरेट्स, बट यार ये वाला टूर्नामेंट क्या हो रहा है भाई, क्या यहाँ पे चल रहा है भाई, लिटरली नेक्स्ट टू बी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे चल रहा है। टू बी गेमर से सीएम व्यापारी यूपी गॉड कायलो धुने यहाँ पे बचे जरूर है। गाइस ने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सारे भाई लोग एक साथ जरूर कर देना। एफएफ यहां पे एंट्री करती हुई दौर में सीधा, और कहीं ना कहीं एनएक्सटी के पास यहां पे ये टीम जा सकती है। जी गाइस अगर देखा जाए तो एनएक्सटी के पास जा सकती है, और भाई यहां पे कवर लेके एनएक्सटी को दिक्कतों में डाल सकती है। एनएक्सटी को पता तो चला है कि नीचे एक टीम आई है, बट इनको एक परमानेंट कवर में जाना पड़ेगा। जी गाइस परमानेंट कवर में जाना पड़ेगा, ब्रोलियर ही जा रहे हैं और शायद यहां पे पहुंच जाएंगे परमानेंट कवर में। जोका को देखते हैं, जोका की टीम वही जा रही है भाई, जोका की टीम कहीं ना कहीं जहां पे विंसेंजो जा रहे हैं वहां पे ये टीम एंट्री मार सकती है। विंसेंजो अकेले प्लेयर हैं, क्या रिवाइव कर पाएंगे? रिवाइव वाला बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पे, बॉस ऑफिशियल से भी अकेले प्लेयर बचे हैं। नाउ वी गॉट टू बी गेमर व्यापारी गॉड साइलो धुने, अरे भाई पीछे ब्राजील की टीम, टू बी गेमर और यहां पे ब्राजील की टीम, लेट्स सी क्या होगा। और रे 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 एक प्लेयर को नॉक किया थैनोस आगे बढ़ते हुए, यार एकदम से क्या ही रूप आया भाई ब्राजील की टीम में, पहले बिल्कुल शांत थी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में भी और फाइनल के पहले दिन भी और तीन मैचेस तक भी, पर जो पिछला गेम खेला और जो ये गेम खेल रही है कहीं ना कहीं वापस से फॉर्म में आ चुकी है टीम। जोका 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 जोका, और रे भाई जोका ने क्या हेड मारा भाई यहाँ पे टू बी भाई को, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राजील की टीम, भाई मेरे को ब्राजील की टीम तो उतना कर दे गई, इतने अच्छे अच्छे मैचेस यहाँ पे निकाल रही है Killing spree. क्योंकि ये भी 5th-6th के राउंड है, ज्यादा पीछे नहीं है गाइस ये। भाई राइस्टार को बुलाओ यार, मैंने बात किया था बट राइस्टार का भी स्क्वाड रेडी नहीं है पीसी का, तो देखते हैं कब तक रेडी होता है, कब तक सब वो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलेंगे, आई होप जल्दी हो जाए, बट अगर स्क्वाड ही रेडी नहीं है फिर आपको। और यहाँ पे 2B गेमर को एलिमिनेट कर दिया है,
18 फिनिशेस, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस स्क्वाड बहुत ज्यादा मैटर करती है। चारों प्लेयर्स आपके बहुत जबरदस्त खतरनाक यहाँ पे होने चाहिए। विंसेंजो अकेले प्लेयर्स इसमें बचे हैं, बट अगर इनके पास कोई होंगे तो सामने रिवाइव दे सकते हैं, सामने जाके रिवाइव दे सकते हैं। ओके टीम, भाई एक टीम यहाँ पे जरूर आ रही है, कहां पे वो आएगी? क्या विंसेंजो को यहाँ पे पता चला, पता है चला है, बट इनकी टीम के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है। NXT सामने से शॉट्स यहाँ पे दे रही है, क्या यहाँ पे विंसेंजो? अगर यहाँ पे गाइस AFF की स्क्वाड यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसती है। ओके विंसेंजो को शॉट पड़ रहे हैं और वेस्टो मुंडा पे पोजीशन पे यहाँ पे, और रे भाई अब क्या होगा गाइस? ओके ब्राजीलियन टीम 22 फिनिशेस, ओ माय गॉड। लुइस का गेम देखते हैं यहाँ पे जी गाइस, ये अभी लुइस शार्प फिनिश यहाँ पे निकाला है। सामने है ब्रोली, सामने ब्रोली है गाइस, क्या होने वाला है? और रे भाई, और NXT को भी एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया है। 23 फिनिशेस, बॉस ऑफिशियल से दो प्लेयर बचे हैं और AFF से यहाँ पे तीन प्लेयर हैं, एक प्लेयर भी रिवाइव हो गया है, तो टोटल चार प्लेयर्स यहाँ पे। बंदे ने ग्रेनेड यहाँ पे किया है और रे बट खुद ही यहाँ पे अंकुश यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जी गाइस, ये अभी अंकुश यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ब्लेज को डैमेज दिया, डैमेज हो चुके हैं। सामने से लुइस आते हुए अभी अंकुश, अंकुश अंकुश जोका पीछे है भाई, जोका और पीछे है। जोका को शॉट यहाँ पे पड़ते हुए पांडे गेमिंग को नॉक कर दिया है। अरे भाई अंकुश ने एक प्लेयर को नॉक तो यहाँ पे किया, क्या जोका को भी नॉक करेंगे? बट अरे बट बहुत ही क्लोज यहाँ पे आ चुके हैं ब्राजील के प्लेयर्स, क्लोज आ चुके हैं। लुइस यहाँ पे क्रिमिनल बहुत पीछे, क्रिमिनल अभी कुछ नहीं कर सकते, पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं और अंकुश को अंदर एंट्री करके नॉक कर दिए। अब यहाँ पे बचे एक क्रिमिनल और बॉस ऑफिशियल से यस यहाँ पे बचे हैं, यस के पास यहाँ पे AWM है और पायरेट्स के पास यहाँ पे AC80 है। ठीक है ब्रो रिवाइव हुए, ठीक है, बस मेरे को ये कंफर्म करना था आप लोगों ने। LBG रिवाइव क्लिप देखो, खुद रिवाइव हुआ है तो मैं देख लेता हूँ कैसे हुआ है। मैं भी वही, मेरे को लगा मैंने कुछ मिस कर दिया, चैट वगैरह फोकस रहता है तभी, बट मैं देखूंगा क्या सीन रहा है, अगर कुछ ऐसा होता है तो डिस्क्वालीफाई। ओके गाइस यहाँ पे पायरेट के लिए प्लेयर बचे हैं और रे भाई उनके स्ट्रीम भी है तो देखने में इजी रहेगा बहुत। किलिंग स्प्रे, पायरेट के लिए प्लेयर बचे हैं, फिनिश एक निकाला जरूर है, बट अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राजील की टीम 27 अंदर यहाँ पे गई जरूर है। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया लुइस को और दो प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिए। ओह माय गॉड, पायरेट्स ने यहाँ पे 1v3 क्लच भाई, पायरेट्स ओपी यहाँ पे कर दो भाई नेक्स्ट टाइम। हाँ ओनली इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें ही रहेंगी नेक्स्ट टाइम, टेंशन मत लो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा विंसेंजो की स्क्वाड हो सकती है बस। और गाइस यहाँ पे वर्ल्ड लिटरली 1v3 यहाँ पे गाइस, वो भी ब्राजील टीम के अगेंस्ट, एक बार फिर से इंडियन टीम ने भुइया मारा है भाई। ओपी कर दो खतरनाक तरीके से चैट में, वट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ब्राजील की टीम पछताएगी यहाँ पे जरूर। 220 HP जो का 220 HP हो सकती है HP बूस्टर से, बट 221 नहीं हो सकती है। चले गाइस यहाँ पे देखते हैं, 6 फिनिशेस के साथ यहाँ पे भुइया लगा दिया बोस ऑफिशियल ने, बट ब्राजील की टीम ने 26 फिनिशेस निकाले हैं भाई। ये टीम कहीं टॉप पे तो ना आ जाए जिस तरीके से यहाँ पे ब्राजील की टीम खेल रही है। AFF की बात की जाए तो जीरो के लिए यहाँ पे थर्ड पोजिशन, और भाई कितने 11 फिनिशेस थेनोस ने निकाले, 6 लुइस ने, 2 ब्लेज ने, 7 यहाँ पे जोका ने। NXT की बात की जाए तो गाइस NXT से 5 फिनिशेस निकाले हैं फोर्थ पोजीशन पे, और वेस्टो मुंडा यहाँ पे 5 फिनिशेस फिफ्थ पोजीशन, 2B गेमर यहाँ पे 4 फिनिश के साथ सिक्स पोजीशन, स्मूथ के स्क्वाड 2 फिनिशेस सेवन पोजीशन, LBG यहाँ पे 0 फिनिश 8 पोजीशन, बोस आर्मी 0 फिनिश 9 पोजीशन, गॉड लेवल 0 फिनिश 10th, और ब्लास्ट गेमिंग 0 फिनिश 11 पोजीशन। तो गाइज अब एक लास्ट गेम यहाँ पे बचा है जी गाइज, एक लास्ट गेम यहाँ पे बचा है, क्या होगा, क्या होने वाला है उस गेम में? रुको यार स्ट्रीम लैग हो रही है क्या? अबे लैग नहीं हो रही भाई, रिफ्रेश कर लो, पता नहीं भाई क्या सीन है, मेरे को लग रहा है नेट का इशू है। चले गए यहाँ पे बोस ऑफिशियल की बात की जाए तो 18 स्कोर किया है टीम ब्राजील, 35 AFF यहाँ पे 8, NXT यहाँ पे 12, वेस्टो मुंडा 11, 2B गेमर 9, स्मूथ की बात की जाए तो 6, LBG 3, बोस आर्मी 2, गॉड लेवल 1, और ब्लास्ट गेमिंग यहाँ पे 0। अब बढ़ते हैं गाइस एक लास्ट गेम की तरफ, क्या होगा लास्ट गेम में, कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारेगी? कालारी हम लोग लगा देते हैं भाई, मैं भी थक चुका हूँ लिटरली भाई,
गाइस क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और भाई लोग अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक जरूर कर देना भाई लोग, सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। लेट्स सी गाइस, यार मेरे को लग रहा है पक्का अब इंटरनेट का इशू है और कुछ इशू नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि इधर जो इधर के बीपीएस में स्पीड दिखा रहे थे ना वो बार बार रेड हो जा रहा है, अब क्यों हो रहा है नहीं पता है। चले गए लास्ट गेम यहाँ पे और सारे प्लेयर्स हैं इधर, गो टू भाई की स्क्वाड जा रही है क्या, टू भाई वाली फॉर्म क्या क्या खेलते हैं बियर वाले, बट 1v3 मारा है भाई यहाँ पे 1v3 लास्ट बट खेला अच्छा यार, अप्रिशिएट 26 फिनिशेस। चले गए लास्ट गेम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई, खेलना तो पड़ेगा, टीमों को किल्स फिनिशेस और दूसरी टीम का वो भी खराब कर सकती है। चलिए गाइस लेट्स गो, 11 टीम 44 प्लेयर्स और लास्ट गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है लास्ट गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कई टीम बस्ता जरूर रही होगी बहुत ज्यादा जिस तरीके से पहला है भाई लास्ट में 1v3 यहाँ पे कहाँ पे गए यहाँ पे पायरेट्स। कौन सी टीम जी गाइस ये रहे पायरेट्स 1v3 यहाँ पे सीएस रैंक टूर्नामेंट भाई, सीएस का टूर्नामेंट लाएंगे यार भाई, एलबीजी का क्लिप देख रहे हैं, टेंशन मत लो, एलबीजी का क्लिप देख रहे हैं हम लोग, एलबीजी का क्लिप देख रहे हैं ब्रो भाई। 1v4 था है? तीन बंदों ने एंट्री की थी एक साथ भाई, मेरे को लगा तीन प्लेयर ब्रो, 1v4 था। ओके ओके आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि जैसे दो बंदों ने एंट्री की ना मेरे को लगा दो बंदों ने एंट्री की, एक बंदा बाहर बचा है। चलिए गाइस यहां पे करते स्टार्ट, आई एम सॉरी बट लिटरली भाई क्या खेला है यहां पे पायरेट्स ने भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अरे भाई लाइट भी जा चुकी है। चलिए गाइस लास्ट गेम यहां पे स्टार्ट हो चुका है, एलपीजी टीवी और 2B गेमर एक जगह, बट ये कैलियो धुने कहा जा रहे हैं भाई, ये फाइट देखनी पड़ेगी। अगर एलपीजी टीवी स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाती है तो दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ पे। बेफ्रंट तूफान की स्क्वाड जा रही है, ब्लू जोन में बहुत सारी टीमें हैं गाइस, ब्लू जोन में काफी ज्यादा टीमें हैं, विंसेंस और ब्लास्ट गेमिंग वहां पे जा रही है, बट क्या 2B भाई की स्क्वाड यहाँ पे फिनिश कर पाएगी जी गाइस, ये फाइट मेरे को देखनी है। सीएम भाई अलग जरूर उतरे हैं, व्यापारी यहाँ पे, अरे ये प्लेयर कहीं ना कहीं अलग हो गया एलबीजी के स्क्वाड को आते ही। ओ आर्मी ने जोका और ब्लेज दोनों को नॉक कर दिया है, अरे भाई 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 ब्राजील की टीम ने दो गेम अच्छे निकाले थे, ये गेम और जबरदस्त वाला चाहिए। कैप्टन लीकू वेलकम टू एनसीआरवी, थैंक यू बिकमिंग अ मेंबर। चले गाइस देखते हैं एलबीजी की टीम, तो अभी आसपास यहाँ पे प्लेयर्स नहीं है, सारे प्लेयर निकल गए हैं और अभी ये वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि स्टार्टिंग में उतरते हुए यहाँ पे प्लेयर्स को देखा जरूरत था। थनोस ने यहाँ पे शुभम को नॉक कर दिया, ओके लुइस और थनोस बचे हैं, क्या यहाँ पे ये टीम बाजी मार लेगी। हियर वी गो, एक लुइस थनोस, थनोस ने शुभम को फिनिश भी कर दिया, बट ब्राजील की टीम को देखेंगे। एलबीजी क्लिप भाई, एलबीजी क्लिप हम लोग लेके आने वाले हैं, उनकी स्ट्रीम ही देखने वाले हैं कौन सा प्लेयर है प्रॉपर स्ट्रीम पे ये मैच फिनिश हो जाए एक बार, टेंशन मत लो। वो बंदों से स्ट्रीम करा रहे हैं तो हम भी देखे कैसे कहां से रिवाइव हो गए, मेरे को तो दिखा नहीं वहां पे, पढ़ो सकता है स्ट्रीम पे आधी बार प्रॉपरली मेरे को ना समझ आया हो। अनोन स्टॉप गेमिंग भाई एक मैच अल्पाइन हो जाए, अल्पाइन होगा बट नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अब एक तरीके से झटका लग जाएगा प्लेयर्स को, समझ रहे हो ना, अब रूल चेंज करेंगे तो पहले जो रूल्स में हम लोगों ने डाला है वो ये डाला है कि यही तीन मैप होने वाले हैं। चले गाइस लास्ट गेम यहाँ पे एलपीजी की टीम यहाँ पे 2B गेमर के पास पास यहाँ पे आती हुई, 2B ओ भाई 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 कहीं ना कहीं 2B को देख लिया यहाँ पे, बट हो यांग आगे से आ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे प्लेयर था और 2B गेमर का बहुत ही प्यारा हेडशॉट, एक वो आगे लगाई है 2B भाई ने, क्या ही माइंड वाला काम किया। अरे भाई बट उस प्लेयर को शायद पता चल गया, दिख गए नहीं उस प्लेयर को अभी भी नहीं पता, अरे भाई माइंड लगाना हो तो ऐसा एक बॉल आगे लगाया और पीछे चले गए, अरे भाई गजब। ओ जोई ने थेनोस को नॉक कर दिया, ओके वो बंदा ब्रश करके देख रहा है, बट इतने में तो यहाँ पे 2B भाई निकल चुके हैं बहुत पीछे, वो बंदा अभी भी सोच रहा है माइंड तो बड़ा जबरदस्त लगा है भाई, लिटरली बहुत ओपी लगा है। बट कैलियो यहाँ पे बहुत ऑफिशियल से, ये तो अलग ही उतरे थे, हॉन पीसी यहाँ पे फिर से नॉक भाई, उस टीम से दो प्लेयर यहाँ पे जा चुके हैं,
जी गाइस लास्ट गेम ही रहने वाला है और इस टीम से दो प्लेयर यहां पे जा चुके हैं। विंसेंजो की टीम यहां पे फाइट कर रही है ब्लास्ट गेमिंग से। अगर विंसेंजो की टीम एलिमिनेट हो जाएगी तो दिक्कत यहां पे पड़ जाएगी, दिक्कत में हो जाएगी बिल्कुल। ओके फियरो के शॉट्स यहां पे पड़ रहे हैं, क्या मंदी यहां पे नीचे है, देखते हैं गाइस क्या होगा। क्या बंदा यहां पे फियरो शॉट्स लेने आएंगे, हियर वी गो चैनिटोस आगे बढ़ते हुए। ओके भाई M10 है बंदे के पास, पीछे ही प्लेयर है, अरे बट हेडशॉट रहना को यहाँ पे नॉक जरूर किया है। विंसेंजो जो पीछे से कवर दे रहे हैं, शायद एक ही प्लेयर बचे यहाँ पे, MN999। जी गाइस देखा जाए तो MN999 बचे हैं, टीम नंबर 8 से MN999 अकेले प्लेयर, एक और प्लेयर पे यहाँ पे नॉक किया है, आई थिंक जोई को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। ओ माय गॉड व्हाट अ गेम, कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम खराब कर सकते हैं बट विंसेंजो यहाँ पे सामने ही यहाँ पे मिल गए हैं। और अब मेरे को लग रहा है इधर कोई टीम नहीं है तो यहाँ पे अपने प्लेयर्स को रिवाइव दे देंगे। चार फिनिशेस इस टीम ने निकाल लिए बट मन ओपी यहाँ पे, जिस तरीके से बंदे ने खेला ना भाई, इतनी कम एचपी पे वो एक तरीके से क्लच यहाँ पे निकाल ही देता। स्मूथ की स्क्वाड की बात की जाए तो कोई भी प्लेयर नहीं है, स्मूथ की स्क्वाड को भी आर पार वाला गेम चाहिए भाई, 15-20 फिनिशेस के साथ भूया। जी गाइस पर 15-20 फिनिशेस कैसे होंगे, एक टीम नहीं आई और अभी इतने सारे प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे करके फिनिश होते जा रहे हैं। एलबीजी के स्क्वाड को मैं देखना चाहूंगा, एलबीजी टीवी और एलबीजी फैड बचे हैं, जेनिटोस ने रिवाइव दे दिया, जोई को भी, रैना को भी यहाँ पे रिवाइव दे दिया। देखते हैं भाई एलबीजी की टीवी, एलबीजी टीवी क्या कुछ यहाँ पे करने वाली है, लेट्स गो। ओ सीएम भाई की स्क्वाड है, दोनों प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या एलबीजी फैड पीछे है, एलबीजी टीवी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, क्या यहाँ पे जल्दी फिनिश हो जाएगी ये टीम, क्या लगता है गाइस देखने वाली बात रहेगी। वेंडिंग मशीन से वरी भाई, ओके ब्रो वही बोल रहा हूं मैं, जल्दबाजी में क्लिप नहीं देखी है बट हम लोग देख रहे हैं, वेंडिंग मशीन से हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बोल रहे हो ब्रो। 12th स्लॉट इज इंपोर्टेंट सो डोंट यू थिंक इट विल क्रिएट पॉइंट डिफरेंस। भाई देखो अब ये तुम कोई भी टूर्नामेंट में देख लो, अब हर टीम में यहाँ पे जो टीमें रहती है सब नहीं पहुंच पाती, कोई टीम खेलती है कोई टीम नहीं खेलती है, खाली भी जाता है, फाइनल में भी खाली चले जाते हैं स्लॉट, पॉइंट डिफरेंस क्रिएट तो करेगा बट उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, वही वाली बात है ना गाइस। अरे भाई धोखा को यहाँ पे नॉक, ईएमआई गॉड ने, वही वाली बात है, एक बैट्समैन 99 पे है, एक रन चाहिए और बॉलर अगर वाइड फेंक दे तो क्या कर सकते गाइस, बॉलर अगर वो वाइड बॉल फेंक दे तो टीम जीत गई और बंदा 99 पे रह गया, तो ऐसे ही है यहाँ पे। सपोज करो सारी टीमें भी अगर यहाँ पे बाहर चली जाती है तो फाइनल में मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तो मैंने बोला है भाई जरूरी है देखो तू भाई को किसी तरह का मैसेज कर दिया कि मैं कहो तो खेल ही लो, बट अगर उसमें क्या कर सकते हैं, अगर जो जो टीमें नहीं खेल रही ये ट्राई कर सकते हैं उसको नेक्स्ट टाइम से नहीं बुलाएंगे। जैसे यहाँ पे डुकमोम की स्क्वाड पूरा मैच होने से पहले यहाँ पे बात हुई तो इस चीज़ का हम लोग फोकस रखेंगे कि प्लेयर खेले ही खेले, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट से थोड़ा हम लोग उनको ऐड नहीं करेंगे अगर कोई टीम ऐसे करेगी, बट अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके थैनोस को देखते हैं गाइस, थैनोस यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं, ब्राजीलियन टीम की इस बार कमर टूट चुकी है। जी गाइस कमर यहाँ पे ब्राजील की टीम की यहाँ पे टूट चुकी है, ब्रोली चिलेक्स अरी और यहाँ पे क्लासी बचे हैं, देखते हैं गाइस क्या कुछ होने वाला है, कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारने वाली है भाई लोग। लेट्स गो ब्रोली चिलेक्स अरी और क्लासी, NXT VM की स्क्वाड चार फिनिश यहाँ पे निकालनी है बट अभी भी एक जगह यहाँ पे बैठी है। अच्छा इसको बोल रहे हो आप HP बूस्टर है ब्रो, ये बेस्ट वाला HP बूस्टर तब होती है 220 HP, जैसे यहाँ पे जेनिटोज की भी है विंसेंजो की भी है। बोस की टीम ओल्ड हैम्पटन पे है, अगर मैप देखा जाए तो अभी कोई फाइट यहाँ पे नहीं है बट स्मूथ वर्सेस विंसेंजो इनकी फाइट हम लोग देखने को मिली है। थनोस यहाँ पे ज्यादा जरूर है बट NXT की टीम वहां पे जाने वाली है भाई। देखो गाइस थनोस यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं, और ये रहे थनोस सामने से आने वाली है NXT की टीम। भाई थनोस के लिए मुश्किल हो सकती है, अभी तो घर में बैठे हैं। और भाई LBG ने दोनों प्लेयर को रिवाइव दे दिया भाई, LBG की स्क्वाड ने, अब गेम यहाँ पे चेंज हो सकता है गाइस। दोनों प्लेयर्स को LBG ने यहाँ पे रिवाइव दे दिया है, सिंगल फिनिश निकाले हैं और जिस जगह ये लोग जा रहे हैं भाई वहां पे अभी के लिए कोई टीम भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। LBG टीम ने रिवाइव किया था उसको, मैंने देखा था। ओके ब्रो डन, विंसेंट जो है तो क्या टेंस भाई, देखते हैं। अरे भाई टेंस इसलिए क्योंकि कल विंसेंट जो नहीं खेले थे ना, बट कल तो वैसे भी उनकी टीम टेबल टॉप पे थी।
आज विंसेंजो खेले तो आज टेबल आज कहने के लड़खड़ा रहे हैं भाई। बिना विंसेंजो के तो जबरदस्त खेले थे, बट आज देखते हैं जेनिटोस विंसेंजो जो ही रहे सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। ओके और भाई बॉस आर्मी को यहाँ पे नॉक कर दिया। जी गाइस एक और फिनिश, 7 फिनिश निकाल लिया। ग्रेट टीम 15 फिनिश के साथ भुइया लगाती है और एलबीजी जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चैंपियन जो यहाँ पे पिछली बार थे अभी भी यहाँ पे वही टीम बनी रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे एलबीजी बाजी मार सकती है। क्योंकि इस टीम की बात की जाए तो स्मूथ की स्क्वाड कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है टॉप 3 में जगह बना सकती है, बट पीछे यहाँ पे रहेगी बिकॉज अभी ये फिनिशेस के लिए नहीं जा रहे हैं। और भुइया भी निकालेंगे तो 10-12 पॉइंट से कुछ नहीं होना, 15 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट इनको 30 पॉइंट तो चाहिए थे लास्ट गेम में, जहां तक मेरे को लग रहा है। यू आर द बेस्ट होस्ट इन फ्री फायर। अरे भाई थैंक यू। काबो वर्सेस एलबीजी लाइक ज्ञान गेमिंग वर्सेस स्मूथ राइस्टार ऑल मेंबर्स ब्रो इंडिया सपोर्ट। चले गए देखते हैं 5 यहाँ पे गॉड लेवल सामने है सबकी टीम। ओके शॉट्स यहाँ पे जरूर पड़े हैं। ईएमआई गॉड इनके पास वोल और भाई वोल और मेडकिट नहीं है तो बी के स्क्वाड से देखते हैं सीएम भाई को। सीएम भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और गए कल यहाँ पे एक वीडियो आने वाला है चैनल पे, मतलब बहुत ही खतरनाक सा जबरदस्त था। सीएम भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बॉस आर्मी की देखा जाए तो शुभम आयरनिक और गौरव यहाँ पे बचे हैं। AFF भाई एलबीजी और विंसेंजो की टीम पे ही मैच अभी ये बचा है। क्या इनके पास अच्छी लूट होगी इस बार? लूट अभी तो अच्छी मेरे को नहीं दिख रही है भाई, बट एलबीजी हुयांग के पास है और वोल यहाँ पे शेयर जरूर कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे वेंडिंग मशीन से निकाली होंगी। सामने AFF बैठी है भाई, क्या AFF को पता चलेगा? अच्छा वो थोड़ी ऊपर की साइड बैठी है, एक बार देख लेते हैं भाई ड्रोन व्यू से कहाँ AFF बैठी है। जी गाइस AFF ऊपर ही है जैसे ये टीम आती है। 2 प्लेयर्स इस पे भी यहाँ पे होने चाहिए थे और कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं क्योंकि जो टीमें इधर बैठती है वो ऐसे ही स्प्लिट में बैठती है, 2 टीमें इधर। ओ माय गॉड, 1 प्लेयर यहाँ पे ऊपर जा चुके हैं। जी गाइस हार पीसी ऊपर जा चुके हैं। ओ क्रिमिनल 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 को उन्होंने देखा है भाई, जिपलाइन से क्रिमिनल जस्ट अभी यहाँ पे गए। जोन में जाना पड़ेगा प्लेयर्स को। स्मूथ ने यहाँ पे जेनिटोस को नॉक कर दिया। क्या स्मूथ की टीम यहाँ पे गेम तो खराब नहीं कर देगी विंसेंजो की स्क्वाड का। जेनिटोस को यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। ओ भाई हुयांग नान पीस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। हुयांग भी अब जोन में। अरे भाई ये भी नॉक, फैट भी यहाँ पे नॉक। ओ माय गॉड, मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे गेम खराब यहाँ पे होने वाला है। सामने सारे टीम नंबर 4 सीएम भाई है नीचे जहां पे ये टीम जा रही है और शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं। 120 HP अब यहाँ पे बॉल भी नहीं बची है भाई। अगर ये टीम एलिमिनेट हो गई 3 फिनिशेस के साथ और विंसेंजो की टीम ने अगर भुइया यहाँ पे लगा दिया तो दिक्कतें हो सकती है। सीएस है ना आज? हाँ सीएस हम लोग खेलेंगे भाई, सीएस हम लोग नहीं छोड़ते। किससे खेले, ब्राजील की टीम से या फिर एलबीजी से? गाइस कमेंट करके बताओ सीएस किससे खेले आज, हम मेरे को बता देना आप लोग। चलिए एलबीजी टीवी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या फिनिश होंगे नहीं होंगे। और रे भाई जोई ने अभी को नॉक कर दिया और स्मूथ ने यहाँ पे जोई को धोखा। उधर अकेले प्लेयर बचे हैं, जोका अकेले प्लेयर, विंसेंजो की टीम और रैना कहीं ना कहीं जो जोका की टीम को एलिमिनेट यहां पे कर देंगे। अरे भाई बहुत ही प्यारा 9 फिनिशेस विंसेंजो की स्क्वाड। भाई भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा अगर ये टीम 15 फिनिश के साथ भुइया पे निकाल लेती है। तूफान ने यहां पे गौरव को नॉक कर दिया और के स्मूथ की टीम को मैं देखना चाहूंगा 2 फिनिश इन्होंने निकाले हैं, बट अगर मुझे लग रहा है शायद NXT यहां पे आ चुकी है। जी गाइस ओ माय गॉड NXT वर्सेस NG, तूफान पीछे की तरफ गए जरूर है बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है स्मूथ की टीम के माइंड में ये माइंडसेट जरूर है कि ये टीम कैसे भी करके भुइया निकाल लो कहीं ना कहीं मैच में यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे माइंड की कैलकुलेशन की जाए तो गाइज अगर मेरे माइंड से मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को लग रहा है कि इन लोगों को फर्स्ट आने के लिए बहुत अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम भाई 15-20 फिनिशेज और उसके साथ भुइया यहाँ पे, तब जाके टीम कुछ कर सकती है। शॉट भाई आगे बढ़ते हुए जोन में जाना पड़ेगा बट किधर से ये टीम जाएगी। जी गाइस जोन में यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। तूफान आगे बढ़ते हुए 3 बॉल है तूफान के पास में और 4 यहाँ पे मेडकिट है। लेट्स सी RDX ने यहाँ पे 2B गेमर को नॉक कर दिया, 2B भाई को नॉक कर दिया और गॉड लेवल फिनिश हो चुकी है यहाँ पे 9th पोजीशन पे। बोथ ऑफिशियल इस बार काफी अच्छा कर रही है भाई, 6 फिनिशेस। अरे भाई NXT वर्सेस NG 3v4 यहाँ पे ये फाइट रहने वाली है गाइस, बट LPG का एक प्लेयर जो पीछे है ना कहीं मेरे को लग रहा है वो जोन से जाने वाला भाई, इसको देखते हैं टीम नंबर 7। बट ये फाइट कैसे मिस करें भाई, ओ पीछे ब्रोली है, ब्रोली करेंगे शॉट भाई ने देख लिया बट यहाँ पे ब्रोली ने स्मूथ को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। जी गाइस अब कहीं ना कहीं ये टीम के लिए दिक्कतें रहेंगी, बट क्या टॉप 3 तक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मेरे को लग रहा है LPG वर्सेस GT में यहाँ पे
कोई ना कोई सी टीम यहाँ पे बाजी मारने वाली है और इनको जोन में जाने के जोन में अब यहाँ पे दिक्कत कर देगी। ब्रोली को वन टैप यहाँ पे देंगे बट शॉट भाई भी नॉक यहाँ पे हो चुके हैं। वे गाइस अब अकेले प्लेयर बचे हैं बट तूफान ने यहाँ पे शॉट जरूर मिस किए हैं। अब प्लेयर यहाँ पे दिक्कत में डाल देंगे और एनएक्सटी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बाजी मार लेगी। वे गाइस और भाई यहाँ पे तूफान यहाँ पे वॉल से यहाँ पे निकले जरूर है आई थिंक ग्लिच बट यहाँ पे हो जाएंगे और स्मूथ के टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। तो गाइस टॉप वन कहीं ना कहीं टॉप वन तो यहाँ पे हम लोगों को भूलना पड़ेगा। टॉप वन नहीं कर पाई बट खेली अच्छी यार क्योंकि यार फाइनल लोबी में दुबुया मारना और ऊपर से अपनी टीम है तो खुशी तो होती है बट जितना भी खेला अच्छा खेला। एलपीजी यहाँ पे 7 पे एलिमिनेट हो चुकी है। एनएक्सटी ने एलपीजी को भी यहाँ पे पेला है। ओके गाइस अब विंसेंसो की टीम क्या यहाँ पे अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे या फिर सेकंड थर्ड भी आएंगे तब भी यहाँ पे मामला बन सकता है। गाइज क्या लगता है गाइज कौन सी टीम जीतेगी? एलबीजी से चाहते हैं सारे भाई लोग तो एलबीजी को मैं बोल देता हूं। चलिए गाइज देखते हैं विंसेंसो और रैना। विंसेंसो और रैना यहां पे बचे हैं। रैना अलग फाइट ले रहे हैं और वो अलग फाइट ले रहे हैं भाई क्या होगा। 6 टीमें 17 प्लेयर इन 2 प्लेयर पे निर्भर है कौन सी टीम यहां पे टॉप वन करेगी। और भाई रैना को नॉक कर दिया। जे गाइस रैना को नॉक कर दिया। विंसेंसो अकेले प्लेयर बचे और वॉल भी नहीं है इनके पास में। अगर 6 पे यहां पे होते हैं तो भाई फिर यहां पे मेरे को लग रहा है मुश्किल है पर 3 गेम लास्ट के भाई अच्छे नहीं गए हैं आप एलबीजी के। ओके एनएक्सटी वर्सेस अरे भाई ये फाइट हो चुकी है। पायरेट्स यहां पे नो कोच में शायद इस बार नेट गया बट सामने है यस के सामने है 2B गेमर। जी गाइस यस के सामने 2B गेमर। एनएक्सटी भी यहां पे आ चुकी है। बीआर प्लस एनजी वर्सेस एलबीजी। अरे भाई और यस भी यहां पे नॉक हो चुके हैं। अब बचे हैं आरडीएक्स और जेएसवाईटी। जी गाइस हियर वी गो आरडीएक्स और जेएसवाईटी लेट्स सी देखते हैं गाइस क्या होगा। क्या विंसेंसो भी बचे हैं 2B गेमर्स। अरे बट ये फाइट करके यहां पे होती हुई अंकुश एफ एफ और 2B गेमर यहां पे एलिमिनेटेड। ट्रिपल किल कहीं ना कहीं अरी ने यहां पे फिनिश कर दिया और आरडीएक्स ने पांडे गेमिंग को नॉक किया बट जेस अकेले प्लेयर बच गया। क्या जेस निकल पाएंगे शायद मेरे को लग रहा है। ओके वॉल है इनके पास में वॉल है अभी बॉस आर्मी से वाइस आर को यहां पे बचे। ओके देखते हैं भाई क्लासी ने यहां पे निमेश को नॉक कर दिया बट बॉस ऑफिशियल 8 फिनिशेस निकाले ग्रेनेड यहां पे डाल रहे हैं। दोनों टीम के लिए दिक्कत कर सकते हैं बट मैं एनएक्सटी का गेम देखना चाहूंगा भाई। एनएक्सटी यहां पे टॉप पे है। ब्रूली पांडे गेमिंग है यहां पे। ठीक है पांडे गेमिंग और निमेश लेट्स सी यहां पे शॉट अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके ब्रोली के पास यहां पे ग्रेनेड है। ग्रेनेड यहां पे डाल रहे हैं और मेरे को लग रहा है अब दिक्कतों में डालने वाले पांडे को बट नहीं पांडे बच गए। अंकुश यहां पे ऊपर जरूर है। एक हेड यहां पे ब्रोली ने लगाया जरूर है बट यहां पे मिस करते हुए और विंसेंसो कहीं ना कहीं इतने में मेरे को लग रहा है यहाँ पे पॉइंट्स उनकी टीम अच्छा निकाल सकती है। ओके एफ एफ यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। जी गाइस आयरनिक यहाँ पे पीछे बचे हैं और बड़े विंसेंसो को यहाँ पे ब्रोली का एक शॉट। अब यहाँ पे 2 टीमें 5 प्लेयर थर्ड पे वो टीम आई है क्या यहाँ पे वो मचाएगी या फिर नहीं। बट एनएक्सटी ने भी आज अच्छा खेला लास्ट प्लेयर को फिनिश करके यहाँ पे भुया लगा देगी। कितने किल एनएक्सटी के 13 किल भाई और ये 14 किल हम लोग देखने के लिए मिल सकता है और क्लासी का यहाँ पे जी गाइस क्लासी ने यहाँ पे फिनिश कर दिया। चलिए गाइस और यहां पे देखा जाए तो एनएक्सटी यहां पे भुया लगा चुकी है यार। कुल मिला के फर्स्ट सेकंड तो मेरे को नहीं पता है बट आज का दिन इंडियन टीमों ने मचाया बड़ा जबरदस्त है क्योंकि जो पहले गेम था जो अब गेम है अब यहां पे गाइस लिटरली देखा जाए तो 4 भुया यहां पे इंडियन टीम ने किए आई थिंक 4 या 5 गाइज। बट एनएक्सटी ओपी कर दो गाइज चैट में एक बार। एनएक्सटी ओपी इन द चैट यहां पे ब्रोली यहां पे एमबीपी रहे हैं और भाई देखे तो 14 फिनिशेस के साथ एनएक्सटी ने भुया कर दिया। बोस आर्मी सेकंड 2 फिनिश के साथ सेकंड पोजिशन। विंसेंसो यहां पे 9 फिनिश के साथ यहां पे थर्ड पोजिशन और देखते भाई 3 जो इन्हें निकाले 2 विंसेंसो 3 जेनिटोस 1 रैना। बोस आर्मी से 2 यहां पे ब्रोली ने 6 निकाले हैं। अरी क्लासी के 3-3 है और चिल के यहां पे 2 है। एएफएफ की बात की जाए तो 4 अंकुश 3 निमेश और 1 यहां पे क्रिमिनल। फोर्थ पोजिशन पे बोस ऑफिशियल यहां पे 8 फिनिशेस। फिफ्थ पोजिशन 2B गेमर 3 फिनिशेस। सिक्स पोजिशन
एलबीसी टीवी 4 kills 7 position, आप लोग क्या लगता है किस टीम ने यहाँ पे निकाल लिया, कौन जीतने वाला है? स्मूथ की स्क्वाड 2 kill 8 position, गॉड लेवल 5 kill 9 position, टीम बीआर 2 kill 10 position, ब्लास्ट गेमिंग 2 kill यहाँ पे 11 position। जी गाइस, ये यहाँ पे कुछ स्कोर है NXT 26, बोस आर्मी 11, वेस्टो मुंडा 17, AFF 15, बोस ऑफिशियल यहाँ पे 14, 2B गेमर की बात की जाए तो 8, LBG यहाँ पे 8, स्मूथ यहाँ पे 5, गॉड लेवल 7, टीम बीआर 3 और ब्लास्ट गेमिंग यहाँ पे 2। देखते हैं गाइस, अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वर्सेस, क्या यहाँ पे LBG की स्क्वाड रेडी है? ओके, आई विल सेंड आईडी पास। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लासी भाई से पूछ लेता हूँ कि वो लोग खेलेंगे नहीं, कौन सी टीम खेलेगी। हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ वो टीम से आज हाँ, एक एक गेम खेल, ठीक है चलो डन, ओके चलो गाइस, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पहला गेम, और मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ, शायद अपनी ही ओपन कर लूँ, जस्ट एक मिनट रुकना। LBG की टीम यहाँ पे आ रही है भाई, डर लग रहा है मेरे को क्या खेलती है भाई वो टीम। अरे वो एक साथ, मेरे को लगा दो ने जंप किया अंदर, बट शायद तीन ने किया था, वो मेरे को दिखे दो, इसलिए मेरे को लगा कि 1v3। गाइस किस टीम से वर्सेस कराया जाए यार, बता दो मेरे को किस टीम से। पहले मैं बना लेता हूँ, पहले अपनी आईडी ऑन करनी पड़ेगी यार मेरे को। इसको हम लोग बंद कर देते हैं, एक सेकंड ब्लैक स्क्रीन कर रहा हूं गाइस, आप लोग थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्लैक स्क्रीन कर रहा हूं मैं, अपना अकाउंट यहां पे ओपन कर लेता हूं। आज NXT वर्सेस NXT करने वाली है, बट पहले हम लोग एक गेम यहां पे खेलते हैं गाइस, वन गेम। देखते हैं गाइस NXT कैसा खेलेगी आज। ओके गाइस, हम लोग यहां पे आ चुके हैं। एक मिनट रुक जाओ बस, मैं रूम बना देता हूँ गाइज और फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट। 4 चलिए गाइज, LBG की स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है और जोका भी यहाँ पे आ चुके हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कौन कौन से प्लेयर हों और साथ में। स्मूथ मेरे को लग रहा है खाना खाने गए हैं शायद, देखिए ऑफिशियल जेस भी है यहाँ पे, एक रैंडम टीम तो नहीं चल पाएगी भाई इनके आगे, क्या करना चाहिए गाइस? फर्स्ट गेम में अब डिले हट चुका है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। विंसेंजो वर्सेस, भाई विंसेंजो की स्क्वाड के प्लेयर्स अभी जा रहे हैं भाई, नहीं आएंगे इतनी जल्दी आ गया भाई। अरे तो स्ट्रीम डिले मैंने कट कर दिया ना गाइस, डिले एकदम से कट कर दिया तो जो 2 मिनट का डिले था वो हट गया। No NXT versus NXT, NXT versus LBG होगा, बट फर्स्ट गेम के लिए किस टीम को मैं बुलाऊं? ओके, स्मूथ यहां पे आ चुके हैं, लास्ट 2 प्लेयर को, शायद लुइज नहीं है आज यहां पे, रुको मैं पूछ लेता, शायद लुइज नहीं है गाइज, स्मूथ आ चुका है, जोका यहां पे आ चुका है, खतरनाक टीम हम लोग को बुलानी पड़ेगी।
अभी जो वन टैप गंदा मारता हो, टगारू है। ओके चलिए टगारू और तूफान। रुको तूफान को मैं पूछ लेता हूँ भाई। छपरे की टीम को बवासीर हो गई। हाँ गई, 3 मैच के बाद बैक कर दिया। छपरे की टीम को बवासीर हो गई तो क्या कर सकते भाई, उन्होंने बैक ही कर दिया सीधा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, खेल रहे हो क्या? पूछ लो एक बार, एक एक मैच करना है बस, उसके बाद में दूसरी टीम खेलेगी। तो ठीक है ठीक है ठीक है, सोलो कर लो। चलिए गाइस, 4 प्लेयर आ चुके हैं फर्स्ट गेम के लिए और एक ही मैच यहां पे होगा, उसके बाद में आज खेलने वाली है NXT से स्क्वाड के अगेंस्ट। देखते हैं गाइस क्या होगा। ला 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 ना ना ला 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 ला। ओके तूफान यहां पे आ चुके हैं, गो। यार इनको AWM को बोल लेता हूँ, बैन AWM और बैन रू। भाई मेरे को ना यार इतना बोल बोल के ना, इतना तेज बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के यार, जो मैंने दोबारा से भी स्ट्रीम स्टार्ट किया ना, वो भी लैग हुई है आज बीच में। ओके क्या कर सकते हैं, बट गो भाई। टूर्नामेंट कौन जीता? पॉइंट टेबल आने वाली है भाई, मैं बोल देता हूँ पॉइंट टेबल आने वाली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैन AWM भाई, बैन वुडपिकर, AWM बैन रूफ। अरे वुडपिकर, यस। अरे वुडपिकर को क्यों बैन करा रहे हैं भाई, ये पता नहीं चल रहा। डिगल यूज करनी है भाई, डिगल यूज करनी है। ला 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 भाई क्या चल रहा है भाई, तुम बैन करोगे क्या करोगे भाई? ब्रो नो वी प्लेड। लॉन्ग टाइम रुको, मैं फाइनल रूल बोल देता हूँ भाई। फाइनल रूल्स, बैन AWM, बैन रूल, गो। ओके गाइस देखते हैं क्या होगा भाई। कल तो हम लोग बेस्ट ऑफ 3 में से 3 मैच, 2 मैचेस जीते थे 3 में से 2, और आज एक मैच हमारा होने वाला है, फिर यहाँ पे NXT खेलने वाली है। तो करता हूँ मैं स्टार्ट। रूम की सेटिंग तो सब सही है ना? कैमरा पिंग आज भी हाई जाने वाला, अगर आज हाई गया तो समझो। हाँ कैमरा नीचे कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके गाइस, भाई एक तरीके से हैकर से ही मैच होने वाला है ये। लोग क्या खेलते हैं, क्या मारते हैं ये लोग भाई। चलिए गाइस यहां पे लेट्स सी क्या होगा भाई। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पेट में दर्द हो गया है सच में आज, मैं कुछ ज्यादा और खतरनाक बोल गया ना भाई, बहुत गंदा।
चलिए गाइस दिया वीक को मैच यहां पे स्टार्ट हो चुका है। एलपीजी हान पीसी हुयांग फैट और यहां पे एलपीजी टीवी जो कि बहुत खतरनाक स्क्वाड है ये। ओ भाई हान पीसी यहां पे नॉक हो गए हैं। जी गाइस हान पीसी नॉक हो गए, रिवाइव दिया जा रहा है। सामने है यहां पे एक और खतरनाक प्लेयर से, एक प्लेयर ब्राजील से है यहां पे जोका और स्मूथ ने यहां पे एक बन टैप दे दिया है। पहला हेडशॉट यहां पे टगारू को देखते हैं। अरे भाई तूफान को हेड दे दिया उधर एलबीजी फैट ने। टगारू आगे बढ़ते हुए क्या बन टैप लगा पाएंगे टगारू को, अगली तरफ बढ़ रहे हैं टगारू बट ओके स्मूथ और जोका उधर है। जोका आगे बढ़ते हुए क्या जोका बन टैप लगाएंगे, एक प्लेयर को तो दे दिया यहां पे और पिछले प्लेयर को स्मूथ ने दे दिया है। अब यहाँ पे हान पीसी, अरे भाई अबे मेडिकेट डाल दी इधर। अबे जोका भी ऐसे करता है क्या, कहीं ये 1v2 ना कर दे भाई हान पीसी। वेलकम टू एनसी आर्मी शॉर्ट्स वाईटी, थैंक यू बिकमिंग अ मेंबर। चलिए गाइस अभी को हान पीसी अकेले प्लेयर बचे हैं भाई, पिछले वाले प्लेयर के पास तो मेडिकेट डाल के बाहर बैकपैक से बाहर रख दी थी एज अ टीज करने के लिए। आगे बढ़ते हुए क्या स्मूथ हेड मारेंगे या फिर, अरे भाई सोच रहे हैं सबके ओ फिस्ट, अरे भाई जो का फिस्ट ट्राई कर रहा है कहीं गॉन रॉन्ग ना हो जाए बट स्मूथ का हेडशॉट और ट्रिपल किल यहां पे गाइस। स्कोर हो चुका है 0-1। नोटेक्सिड को बुला लो, नोटा क्यों नहीं है गाइस। अभी हम लोगों ने सोचा है कि मैच है जो ऑनलाइन मिल जाए उनको ऐड कर लेते हैं से मैचेस होने हैं, तो इस वजह से अगर हमारे और मैचेस होंगे तो नोटा को हम बुला लेंगे। बट यार एक और भाई मैच तो डेंजर होता है भाई, ये टीम ना मतलब वियतनाम की सबसे डेंजरस टीम है भाई अभी तक जितनी से भी हम लोगों ने खेला है, मतलब इस लेवल की टीमों को भी खेला भी है हराया भी है। भुयांग गंदा मारते हैं यहाँ पे, भुयांग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इवन जोका भी यार, जोका जोका ने कभी स्मूथ या बाकी प्ले, अरे भाई हेडशॉट यहाँ पे क्या बात है टगारू का यहाँ पे हेडशॉट। टगारू उनको रुला देगा भाई, ऐसे ऐसे फ्लैंक मारेगा ना टगारू। अरे भाई ओ भाई इसको पता ही नहीं चला लोल। ओ भाई उसने स्मूथ को नॉक डाउन कर दिया बट टगारू कहीं नहीं, मेरे को लग रहा है उसको देने वाला। अरे गजब ट्रिपल किल, गजब 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 एलबीजी टीम और उनको तूफान ने फिनिश कर दिया। स्कोर 0-2। क्या खेल रहे हैं भाई ये लोग, अरे बट अभी नहीं बोलूंगा यार मैं क्योंकि 4-0 था फिर उन्होंने 7-4 कर दिया था एक मैच में। अरे भाई बट फिर अभी नहीं बोलूंगा यार क्योंकि देखो ये टीम अलग ही लेवल है सारी, अभी नहीं बोलूंगा मैं यहाँ को देखते हैं क्योंकि ये ग्लिच बग क्या ही बोलते हैं वो मार देते हैं भाई इसको पिन करके हेडशॉट, तो इनसे थोड़ा डरना पड़ता है पर हमें भी नहीं पता वो बग मारते हैं ये हैक लेके मारते हैं। पर जहाँ तक बग ही है क्योंकि थोड़ा नीचे से उठाना पड़ता है बग में। अरे भाई एक प्लेयर को नॉक कर दिया है, तूफान यहाँ पे नॉक हो गए हैं बट रिवाइव मिल रहा है। टगारू 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 स्मूथ को देखते हैं, स्मूथ यहाँ पे वेट कर रहे हैं। गाइस क्या लगता है क्या जीत पाएंगे हम लोग, पॉइंट टेबल आने वाला है भाई, विनर पता चलेगा आप लोग एक दो गेम के बाद अच्छे से वो कैलकुलेट कर रहा है और दो दो तीन तीन बार ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना गाइस। देखते हैं कौन सी टीम आएगी क्या इस बार टॉप 3 में, कोई इंडियन टीम हम लोग देखने के लिए मिलेगी क्योंकि फर्स्ट 2 तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं भूल जाएंगे पिछली बार भी। अरे गजब पिछली बार तूफान की स्क्वाड अच्छा खेली थी शायद बट वो फोर्थ आए थे टॉप 3 शायद नहीं कर पाए क्योंकि जोका विंसेंजो और फिर थर्ड पे थी एक वियतनाम की टीम। ओके स्मूथ यहां पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, एक प्लेयर को इस बार आते ही नॉक कर दिया एलबीजी चिकन। एलबीजी चिकन, ओहो माय गॉड व्हाट अ पैनल, नाइस भाई कर क्या रहा है एक ही जगह। अरे रे 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 स्मूथ के तरफ से होता है भाई इसके बाद, और उसने इस प्लेयर को नॉक कर दिया तूफान भाई, दो बंदों को नॉक कर दिया उसने। अ
पता नहीं चल रहा किधर से आएगा भाई, वो जोन के पीछे से ना जाए। मैं कहूं बंदा, ओ एलबीजी ओ यांग, दो बंदों को नॉक। कितनी एचपी का बचा था भाई वो। ओहो हो भाई, मेरे को पानी पीना पड़ेगा। सत्यम LBG 178, Vincent 168, Smooth 132। देखते हैं, म्यूजिक साउंड थोड़ा हाई करो। चलिए गाइस, स्कोर हो चुका है 0-3। क्या 7-0 मारेंगे इस टीम को। कल भी मैंने ऐसी बोला था, बट वो नहीं पाया था। 4-0 के बाद में उल्टा हो गया था, बट देखते हैं गाइस। अभी तो हार की थी होयांग, बट इस बार चमत्कारी प्लेयर है हमारे साथ। ओके सत्य भाई, मेरे लिए पानी ला दे भाई थोड़ा। ओके ओके गाइस, लेट्स गो। जीनीता खतरनाक वाला, बट अब देखा गया तो कल भी हम लोगों ने बेस्ट ऑफ तरीके से ये दो मैचेस आ रहे हैं। देखो अरे जो, अरे गजब, लो भाई इनमें भी एक सगर हुए। हान पीछे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जोका को यहाँ पे नॉक कर दिया। मेडकिट डालने वाले हैं क्या? क्या जोका के लिए मेडकिट डालने वाले हैं भाई? और हेलमेट भी डाल दिया। अरे भाई भाई जोका से रिवेंज ले लिया भाई इन्होंने तो। सगर यहाँ पे आगे तरफ जा रहे हैं, बस पीछे टगर को, बट उधर तूफान भी यहाँ पे नोक हो चुके हैं। अरे एक और बंदी को रिवाइव दे दिया उसने, क्या तीसरे को भी देगा क्या? ओ गजब, अरे बोल है उसके पास। अरे रे रे रे, रिवाइव दे रहा है जी गाइस, रिवाइव दे रहा है दोबारा से, बट ये बंदा मेरे को लग रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। अरे भाई गजब, स्कोर यहां पे हो चुके 0-4। Nice. क्या खेल रहे भाई, वेटिंग फॉर पॉइंट टेबल भाई। माय ओपिनियन, बेस्ट टीम इन योर स्ट्रीम विंसेंट द जोका टू बी गेमर स्मूथ। हां तो वेट करने की इच्छा है। एलबीजी भी तो अच्छी है। जोका गया तो एनजीटी मार जाएगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है नोटा जोकर से कम खेल पाएगा? जोकर ने 3 किल निकाले अभी। और रे भाई जोकर नोट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लेयर में तो कोई इतना इफेक्ट नहीं बढ़ने वाला है, बट देखते हैं जोका कितना इफेक्ट देता है इस गेम में, बाकी तब देखते हैं। स्मूथ गया तो इफेक्ट पड़ सकता है लिमिटेड में, क्योंकि बाकी बंदों को इतना खतरनाक प्रैक्टिस नहीं है। टगारू को देखते हैं, टगारू यहाँ पे पीछे है, टगारू पीछे धक्का दे सकते हैं, बट वियतनाम का टगारू कहाँ पे है? वियतनाम का टगारू पीछे है, पीछे टीवी के खेल से नहीं है। उधर से आगे बढ़ते हुए दोनों प्लेयर, और अब टगारू कहने के आगे आएंगे जी गाइस। टगारू यहाँ पे पीछे करने वाले हैं, सीक्रेट मिशन टगारू का चलता हुआ, बट क्या सफल होगा? ओम, अरे भाई एक प्लेयर को नॉक किया था स्मूथ यहाँ पे रश करते हुए। पान यहाँ पे रश कर दिया है, ब्लू बॉल यहाँ पे ब्रेक। Okay, शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, बट और रे भाई इतने में पीछे देखा, इतने उधर से बंदा आ गया। ओ माय गॉड, और यहाँ पे गाइस गेम स्टार्ट हो चुकी है एलबीजी का, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है भाई लोग। तो
चले गाइस स्कोर यहां पे हो चुका है 1-4। चले गाइस स्कोर यहां पे हो चुका है 1-4 और भाई कहीं यहां पे 7-4 तो नहीं आ रहा ना, कहीं यहां पे 7-4 तो नहीं आ रहा गाइस। पैरों पे मारने वाला है। अरे भाई, अरे भाई क्या ही पहला ब्रिज निकाला है इन लोगों ने। ओके आनपीस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहने के इनको पता चल चुका है चारों प्लेयर इधर ही है। ओ ओ अरे एक ही गोली के बचे थे बट। ओके टगारू का एक शॉट बट टगारू अकेले प्लेयर बचे हैं। लग रहा है अब स्टार्ट हो चुके हैं गाइस 7-4। अब देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे ये रेड। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू फॉर योर लवली रेड, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैनेज कर दिया 2-4 गाइस। अब मेरे को लग रहा है लिटरली क्या वही रिपीट होने वाले है क्या 7-4। लगातार दो राउंड इस टीम ने निकाल लिया, दो राउंड चैंपियन निकाले। भाभी का नाम तो बोल दो। नहीं ब्रो सिंगल सिंगल सिगरेट मिशन फेल। हाँ सिगरेट मिशन फेल हो गया भाई, दोनों को नॉक करने का सोच रहा था वो। कहने के एक शॉट मार के बोल लेना थी टगारू को, बट टगारू ने सोचा भाई दोनों को ही फिनिश कर दूंगा, झटका में दे दूंगा। इतने में यहाँ पे फिनिश हो गए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू लव यू, बहुत सारा प्यार। तूफान को देखते हैं, तूफान आगे बढ़ते हुए दो फिनिश यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तूफान कर चुके हैं वन पीसी छह के। ओ भाई ऊपर आ चुके हैं, स्मिथ को पता चल चुका है कि बंदा ऊपर ही है, खेलता बड़े मन से है, सर दिख रहा है उसका। और मेरे को लग रहा है एक प्लेयर जोका के पास भी यहाँ पे आ चुका है। अभी को जोका 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 क्या बन टैप देंगे। और रे गजब दूसरे बंदे को भी जोका वन टैप देंगे। देखते हैं क्या होता है। ओ एक बंदा पीछे आ गया है जी गाइस, वियतनाम वाला टगारू पीछे है यहाँ पे। टगारू यहाँ पे आते हुए, अरे बट पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया भाई टगारू ने। तूफान यहाँ पे शॉटगन के साथ। अरे गजब एक प्लेयर को तो नॉक किया यहाँ पे तूफान ने। क्या दो या तीन प्लेयर्स को एक प्लेयर दूर जरूर है, डिगल से ले सकते उसको। टोकन में आएगा जैसे ही यहाँ पे क्या तूफान हेडशॉट यहाँ पे लगाने वाले। Bro, you are most humble person I have seen. मजा आ जाता है यार। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ओके हां पीसी और एलपीसी टीवी। अरे भाई टीवी को भी यहाँ पे गाइस बंद कर दिया गया है, टीवी को यहाँ पे बंद कर दिया गया है और एक पीसी रह गया है। क्या पीसी को भी बंद करेंगे यहाँ पे, क्या शटडाउन होने वाला है पीसी भी। शटडाउन लग रहा है, शटडाउन होगा पीसी। ओ भाई स्मूथ को नॉक ले लिया है भाई, बंदी भी कर सकता है बंदा। ओके बंदी भी यहाँ पे कर सकता है, नीचे आया जरूर है। तूफान ने यहाँ पे शॉट दिए जरूर है जी गाइस। लेट्स सी गुड़पीकर है भाई के पास, पर मेरे को लग रहा है पीसी आग लगा के जाएगा भाई। पीसी शटडाउन नहीं होने वाला, पीसी आग लगा के यहाँ पे जाने वाला है। जोन किसके पास जाएगा, जोन कहीं ना कहीं इसी के पास है भाई, अगर ये थोड़ा राइट में जाएगा इधर। अरे भाई शॉट कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं शॉट कर यूज करनी चाहिए भाई। अरे दो शॉट, अरे यार तूफान को यार दो यहाँ पे शॉट कहीं ना कहीं फेलने थे भाई। स्कोर यहाँ पे हो चुका है 3-4 1v2 भाई। भाई अब मेरे को लग रहा है कि 7-4 क्या यहाँ पे होगा, धीरे धीरे मेरे को लग रहा है वो चीजें होने वाली है। पीसी का ग्राफिक कार्ड उठा दो, एलबीजी 1/10 पॉइंट भाई देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता पॉइंट से बला आने दो, कुछ भी हो सकता है। एलबीजी या विंसेंट जो दोनों में से एक ही जीतने वाली है, एलबीजी या फिर विंसेंट जो।
हैं, 3-4 यहाँ पे स्कोर हो चुका है। कल एक जबरदस्त खतरनाक वीडियो भी आ रही है गाइस, एक मैच जो इंटेंस हुआ था बहुत ही खतरनाक, जिसने देखिए दोबारा देखना एडिटिंग के साथ, आप लोग मजा आ जाएगा। भाई 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 जितना जो प्लेयर्स किया, चारों प्लेयर्स घूम के आ चुके हैं। भुयांग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, फैट यहाँ पे पीछे, और एलबीटी भी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, एनपीसी की बात की जाए तो फिनिश यहाँ पे, आगे बढ़ते हुए अटकल यहाँ पे निकाल लिए। भाई तू कल लाइव नहीं आएगा, टाइम कैसे कटेगा? अयो बिग दिन का तो रेस्ट दो ना, कल का रेस्ट। अरे 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 नहीं, बट तूफान है वहां पे भाई, तूफान को भी भाई तो अलग ही लेवल दिया है। बट स्मूथ अभी बचे हैं जी गाइस, स्मूथ और टगारु यहां पे बचे हैं, 2v2 ये फाइट। ओह गजब, क्या बात है, ओपी। देखते हैं गाइस लास्ट प्लेयर यहां पे बचा है क्या इस बार, इस बार बनविडू यहाँ पे कर पाएंगे नहीं, कौन से प्लेयर बचे इस बार? इस बार भी हान पीसी बचे और 10 फिनिश कर चुका है भाई, 10 के लिए बंदा कर चुका है। ओके, यहाँ पे जरूर किया है। ओह भाई 19, अरे भाई फिर से यहाँ पे बनविडू, बट ये बंदा मार यहाँ पे गंदा रहा है भाई, 12 फिनिशेस अब बहुत ऑल यहाँ पे स्कोर हो चुका है। ओह माय गॉड भाई, लिटरली खतरनाक ये स्क्वाड, जबरदस्त। स्टार्टिंग के 4 राउंड इन्होंने निकाले, अब 4 राउंड यहाँ पे एलबीजी निकाल चुकी है, और इसके बाद में एनएक्सटी से हैन का मैच, देखते हैं गाइस क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ अभी तक एक्स ओन, देखते यार, मेरे को तो लगा था रिकॉइल तो इसका हुआ था, कुछ शॉट्स पड़े थे फिर नहीं पड़े, बट लेट्स सी हुयांग को देखते हैं। हैक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्मूथ भी इससे भी गंदा मार देता है, तो कुछ भी नहीं था। हुयांग चलना है एनपीसी भाई, वो एनपीसी यहां पे आगे बढ़ते हुए उड़पी करके साथ है ये प्लेयर, ये जोका नीचे है भाई। दो प्लेयर आ चुके हैं, जोका 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 भैया जी, अरे भाई जोका गंदा, बट जोका को जोका कैसे नोक हो रहा है, इसका एक दो बोली पड़ गया था, मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है जोका खेला प्लेयर उधर पड़ गया। तगारू को देखते हैं, तगारू आगे बढ़ते हुए, रविगो तूफान स्मूथ एक साथ है यहाँ पे, एक प्लेयर अंदर आया जरूर है यहाँ पे, बट स्मूथ भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं दिक्कत रहने वाली है। तूफान 4, तगारू 5 खेल, ओके तूफान का एक जबरदस्त यहाँ पे हेडशॉट, बट बन भी थ्री अब यहाँ पे फाइट। अगर को रिवाइव दे सकते हैं बट नहीं भाई, बैक टू बैक 5 राउंड निकाल लिए, कहा एक टाइम पे 0-4 था स्कोर, अब यहाँ पे 5-4 हो चुका है। पीसी चेक करो भाई, इस टूर्नामेंट फिनिश हो चुका है, लाइक कर रहे हैं तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से पीसी मार रहा है और इधर से मेरे को लग रहा है स्मूथ मार रहा है, स्मूथ 10 और पीसी यहाँ पे 14। अरे भाई एलबीजी टीवी को यहाँ पे नॉक कर दिया, एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दिया, तूफान ने यहाँ पे हेडशॉट, पीसी को देखते हैं भाई कितने हेड मारेगा पीसी। चलिए रवि को पीसी In a life okay. that got it, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. Zoka noob call not accept. अरे भाई सारे बंदे अच्छे हैं, अब सबका दिन रहता है भाई, कोई कौन किस दिन चल रहा है। कल ऐसे ये लोग दो बेस्ट ऑफ थ्री में दो मैचेस आ रहे हैं, अब ये थोड़े ना इस टीम को नूब बोलते हैं, खेलती तो अच्छा ही है ना, हार गई है तो क्या बोल सकते हैं, हर जीत चलती रहती है, कोई अच्छी टीम हो कैसी भी टीम हो भाई हर जीत होती रहेगी, कोई भी ऐसी टीम नहीं बनी है कि अनडिबेटेबल की भाई वो कभी हारेगी नहीं। फिर से जोका का क्या नंबर लेने वाला है बंदा, या फिर जोका इसका नंबर लेने वाले भाई, अब मेरे को लग रहा है फंस गया। अरे भाई पैरों पे गुलाड़ी,
अरे भाई किल देना, किल नहीं देना चाहता बंदा, देख रहे हो? अरे भाई तूफान का ओपी वुड पिकर, 5 ऑल। यार इसको देख के मेरे को लग रहा है कमेंट ऐसा आ सकते हैं। एक आधा कमेंट ऐसा आ सकता है कि भाई आप तो स्क्रिप्टेड मैच कर रहे हो, ये बिल्कुल कल की तरह चल रहा है भाई। ओ भाई लिटरली कल की तरह। कल की तरह ही चल रहा है भाई। पॉइंटेबल कितने टाइम में आ जाएगा? आई एम एक्साइटेड यार, एक दो मैच देख लो उसके बाद देंगे ना अभी। जाओ यार बनने दो, जैसे मेरे को मैसेज आ जाएगा मैं दे दूंगा। कल की तरह जा रहा है क्या? कल की तरह लास्ट राउंड में जाने वाला है यार। गहने की टीमें बराबरी करती आ रही है, देख रहे हो? पहले टीम ने 4 मैचेस एक दिन में लगातार हराए थे हम लोग, और क्लासी और स्मूथ दोनों साथ थे भाई। बट अरे गजब, क्या बात है जोका ने भाई। जोका और इसका रिवेंज चल रहा है भाई, खतरनाक वाला। क्या कोई बंदा रिवेंज देने जाएगा? शायद यहाँ पे टीवी टीवी टीवी, बट इतने में जोका यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जोका को जाना चाहिए। अरे यार अब कहीं ना कहीं वो बंदा रिवेंज दे देगा, बाकी प्लेयर्स पीछे है और तूफान यहाँ पे नोक हो गए। वो बंदा निकल ही नहीं रहा है भाई वहां से। अरे स्मूथ भी यहाँ पे नोक भाई, कहां से बड़ी स्मूथ को दो। ये वाला राउंड बहुत जरूरी था भाई। 6-5 यहाँ पे स्कोर। ओ भाई 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 6-5 अभी यहाँ पे स्कोर हो चुका है भाई। 15 किल सान पीसे स्मूथ यहाँ पे 11। क्या होगा इस गेम में, क्या होने वाला है? भाई एलबीजी कहां का टीम है? भाई एलबीजी टीम है वियतनाम का गाइस, वियतनाम का टीम है ये। ओ भाई जोका 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 को यहां पे दे दिया हेडशॉट। क्या कोई बंदा पहुंच पाएगा जोका के पास रिवाइव करने के लिए? शायद आ सकते हैं, बट वो बंदा नहीं जाने देगा। अरे पीछे, अरे भाई कहां से घूम के आया वो बंदा? अरे टगारू भी नॉक यहां पे भाई। इस गेम में टक्कर तो यहां पे दे रहे हैं अभी तक, बट अब मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्मूथ भी यहां पे नॉक हो चुके हैं। और 7-5 से एलबीजी ने यहाँ पे बाजी मार ली। गेम बड़ा अच्छा था बट एलबीजी यहाँ पे बाजी मार गई। चलो गाइस अब देखते हैं NXT के अगेंस्ट यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी पासवर्ड यहाँ पे NXT को। NXT कैसा खेलने वाली, कैसा परफॉर्म करने वाली आज इस टीम के अगेंस्ट, लेट्स सी। बट एलबीजी के लिए OPR कोऑर्डिनेशन और भाई कैसे खेलती है, अलग लेवल भाई, अलग लेवल, अलग लेवल। एलबीजी फैड यहाँ पे 6, हर्न पीसी की बात की जाए 16, होयांग यहाँ पे 10 और एलबीजी टीवी 2 यहाँ पे। देखा जाए तो एक तरफ से हर्न पीसी, एक तरफ से स्मूथ, फिर यहाँ पे तूफान के साथ किल, टगारू 5 और जोका यहाँ पे 3 ही किल कर पाए हैं। होयांग 10, एलबीजी फैड 6 और एलबीजी टीवी, इधर से टीवी और इधर से जोका। बट खेलते सारे प्लेयर अच्छा है, जबरदस्त यहाँ पे खेलते हैं। स्पैम नोट एक्सेड भाई, नोट एक्सेड को लेंगे बट अभी NXT से मैचेस हैं तो क्या कर सकते हैं अभी। अभी NXT से मैचेस है तो मेरे को इधर इसमें डालना पड़ेगा बाकी मैचेस, क्योंकि हम लोग इनसे ना कल खेलेंगे अपनी प्रॉपर स्क्वाड के साथ, और मैं तो सोच रहा हूँ AWM के साथ हम लोग खेले। क्या बोलते हो गाइस, प्रॉपर AWM? यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, जब से मैं फुल मैप टूर्नामेंट करवा रहा हूँ आप लोग लाइक करना भूल गए हो मेरे को लग रहा है। सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर दो जिसने नहीं किया। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लो। एमबोट हान पीसी ब्रो, आई सी रियरली 7th राउंड RK इज लाइव ब्रो, मेरे को इंस्टाग्राम पे वो क्लिप टैग कर दो, मैं फिर इनकी स्ट्रीम में ही देखूंगा।
रुको, क्लासी भाई तो थे ना मेरी उसमें। कहीं ना कहीं आज रिवेंज वाली बात रहेगी। जी गाइस, एक बार देख लेता हूँ मैं कौन कौन से प्लेयर हैं। तने ने 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 ने। अच्छा, क्लासी भाई ग्रुप में जैसे एंट्री ही करने वाले हैं। जी गाइस, एनएक्सटी यहाँ पे एंट्री ही करने वाली है। देखते कौन कौन से प्लेयर, और यहाँ पे टीम यहाँ पे आ चुकी है। चिल ब्रोली यहाँ पे आ चुके हैं, रेटलर और क्लासी। आज बताए जब मैचेस के बीच में, टूर्नामेंट के बीच में ब्रूली खेल रहा था ना, वियतनाम वाले बोलते हैं हमें ब्रूली का वो चाहिए, हमें लिंक चाहिए उसकी, स्ट्रीम कहां पे कर रहा है वो। चले गए, जब हम लोग करते हैं स्टार्ट, देखते हैं ब्रूली, चिल, रेटलर और क्लासी, लेट्स गो। एनएक्सटी वर्सेस यहां पे एलबीजी। रुको, बैन AWM, बैन रूफ, दोनों चीजें मैं बता देता हूं। ओके भाई, ब्रूली आए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये टीम काफी जबरदस्त यहां पे खेल सकती है। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। चलो पहले गेम स्टार्ट कर देता हूं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो भाई, अनलिमिटेड करो। अरे यार अनलिमिटेड नहीं ब्रो, अनलिमिटेड का पीछा आप छोड़ो भी यार। अनलिमिटेड कभी कर लेंगे, लिए फन के लिए कर लेंगे कभी, बट अभी लिमिटेड पे ही फोकस, क्योंकि लिमिटेड में ना अगर तुम्हें बाहर की टीमों से खेलना है, क्यूरेसी बनती है बहुत। हेलो डीसी, एक मिनट मेरे को स्ट्रीम से वो करना पड़ेगा। ओडी लव गेमिंग, वेलकम टू NCRB ब्रो, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। चले गए, इस गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चल भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, रूली, चिल, रेटलर और यहाँ पे क्लासी। लेट्स सी, ये गेम सीरियस होने वाला है गाइस, कि आज यहाँ पर रिवेंज ले पाएगी। ओके, रूली की बात की जाए तो यहाँ पे टॉप पे एक प्लेयर पीछे जरूर देंगे। और रे भाई गजब, पहला हेडशॉट यहाँ पे रूली लगा चुके हैं। जी गाइस, पहला हेड यहाँ पे लगा चुके हैं, रेटलर को देखते हैं। ओके, अरे हेड पे हेड कनेक्ट नहीं हो रहा है, काफी कम एचपी यहाँ पे बची है। क्या वो रिवाइव कर पाएंगे एलबीजी? हान पीछे शायद यहाँ पे रिवाइव नहीं हो पाएंगे। होयांग यहाँ पे बचे हैं, होयांग, एलबीजी फैट और एलबीजी टीवी। आई वॉन्ट टू यू, आई वॉन्ट नॉन स्टॉप गेमिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इंशाल्लाह। अरे थैंक यू यार, आप लोगों का इतना खतरनाक सपोर्ट। पॉइंटेबल थोड़ी टाइम में आने वाला है, इस बार हान पीसी को ही सबसे पहले पेल दिया तो कहेंगे फर्स्ट राउंड निकालने का, बट इनकी टीम में से कोई भी चल जाता है भाई। लिटरली इनकी टीम में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि बंदा खेलेगा अच्छा ही खेलेगा। कभी फैट चल जाता है, कभी होयांग चल जाता है, पिछले में हान पीसी चला है, चिल पैट लेके आया है। क्या हो गया भाई फैट से, इसमें क्या होगा इनके बीच में? अरे ब्रोली को यहाँ पे नॉक कर दिया है। क्लासी को देखते हैं, क्लासी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, क्लासी और रेटलर, और रेटलर को यहाँ पे हेडशॉट, क्लासी को भी हेडशॉट। अरे भाई ये कौन है भाई? होयांग यहाँ पे भाई, उसने दोनों बंदों को क्या हेड मारा है। डबल किल, 1v1 फाइट, होयांग वर्सेस चिल। जी गाइस, 1v1 फाइट गाइस, कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारेगी? लेट्स सी। ओके, अरे अभी शॉट ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे में शॉट पड़ते नहीं है जब बंदा ऐसे मूवमेंट कर रहा हो ना, इसलिए यहाँ पे भाई की क्या इसमें, अबे क्या क्या कर रहा है भाई वो। अरे घूमने वाली स्पीड में कनेक्ट नहीं होते वन टैप। कौन यहाँ पे लगाएगा, कौन यहाँ पे लगाएगा? ट्रिपल किल भाई, ट्रिपल किल यहाँ पे स्कोर हो चुका है 1-0। रुको मैं डिस्कॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। ने 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 ने। भाई बहुत गंदा खेल रहा है, गंदा 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 गंदा, बट ब्रोली भी उधर खतरनाक प्लेयर हैं।
अरे भाई डिस्कॉर्ड हो जा चालू भाई, क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये वाला इधर आ गया, चलो डिस्कॉर्ड ओपन हो रहा है, डिस्कॉर्ड पे चलते हैं। If not excellent, smooth and same team, no one can defeat them. यार देखो मैं कैसे बताऊं, आप लोग ऐसा ही क्यों हमेशा वो कर लेते हो कि यार नीचे क्यों आ गया। हाँ ठीक है, आप लोग ऐसे क्यों कर लेते हो भाई, अगर वो दोनों आ जाएंगे वो नहीं आ रहेंगे, भाई हर एक बंदा हारता है। बट ये रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम उनका बहुत बेटर परफॉर्मेंस रहता है। मेरे को ऐसा बंदा बता दो कोई जो ना हारा हो आज तक, या कोई सी स्क्वाड ऐसी बता दो जो कभी हारी ना हो। रेटलर यहाँ पे किसने मारे भाई, ये दोनों तीनों प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिए दोनों प्लेयर, और क्लासी का यहाँ पे हेडशॉट, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-1। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त भाई, किसी ने तो गंदा मारा, एक बार मैं किल देखता हूँ। किसी ने बहुत गंदा यहाँ पे मारा है, दो तीन प्लेयर्स को नॉक किया है। सभी को एक बार मैं लाइक दे देता हूँ गाइस, जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दो। ओ, ओ भाई ब्रोली ने यहाँ पे मारे हैं शॉट्स जी गाइस, ब्रोली ने यहाँ पे शॉट्स मारे, लव फ्रॉम केरला, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। देखते भाई ब्रोली को देखेंगे। बट लिटरली क्या खेला है एल टीवी ने, एक प्लेयर को नॉक तो किया है। अरे भाई गजब गजब गजब, बहुत ही प्यारा। अरे भाई एलबीजी टीवी ने भी क्या मारा है भाई, लिटरली क्या गेम प्ले चल रहा है, ऐसा लग रहा है बस जैसे रहते ना वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स बुला लियो भाई। स्कोर यहां पे हो चुका है 1-2, ब्रोली का एक और यहां पे हेडशॉट, स्कोर यहां पे हो चुका है 1-2। भाई ब्रोली से कहने के प्लेयर्स ये पहले ही डर रहे थे, देखते हैं उनका रिएक्शन कुछ ग्रुप में आता है तो। You won't record, भाई आ चुके हैं जिनको मैं ना एक बार बोल देता हूँ कि भाई ब्रोली रिकॉर्ड कर लेगा। चलो मैसेज कर दो, रिकॉर्ड करवा देना। चलो मैंने बोल दिया गाइस ब्रोली का, हम लोग भी उनसे रिकॉर्डिंग मार रहे हैं। और ब्रोली बट भाई लिटरली क्या ये बंदा खेलता है, फर्स्ट टाइम देखा था भाई तब भी अलग ही लेवल मारता था, और जिस तरीके से ये बंदा खेलता है भाई, 6 फिनिशेस यहाँ पे। चल की बात की जाए दो, ब्रोली ओपी कर दो गाइस चैट में एक बार, ब्रोली ओपी इन द चैट। ओके क्लासी भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं इस बार, फर्स्ट अरे भाई उसने भी नॉक को यहाँ पे हेडशॉट, रेकलर को देखते हैं। पीसी का यहाँ पे एक शॉट मिस हुआ है, बट एलबीजी टीवी को रिवाइव यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ब्रोली पीछे हैं, 6 किल यहाँ पे कर चुके हैं, रेटलर यहाँ पे 1 किल, चले गए देखते हैं। अरे रेटलर भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, ब्रोली अकेले प्लेयर। अरे जबरदस्त यहाँ पे एक और यहाँ पे हेडशॉट, ओके ब्रोली ने एक प्लेयर को फिनिश कर दिया है, क्या दूसरे को भी वन टैप। ये भाई गंदा मारता है लिटरली, क्या 1v4 यहाँ पे कर पाएंगे, एक और प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट। भाई लिटरली ये बंदा ब्राजील के प्लेयर्स की तरह चलाते हैं यहाँ पे, वुड पिकर जैसे यहाँ पे लुइस चलाता है, सेगास जैसे यहाँ पे चलाता है। ओके शॉटगन के साथ 1v2, बट एलबीजी टीवी ने यहाँ पे फिनिश कर दिया, स्कोर हो चुका है 2-2। ओ भाई 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 गाइस क्या मैच चल रहा है, किस लेवल का यहाँ पे गेम चल रहा है भाई। ओके एक बार मैं कॉल करके और बता दूं, कभी भूल जाए क्लासी भाई। चले गए, मैंने यहां पे बोल दिया और वो लोग भी लाइव कर रहे हैं, लेट्स गो। स्कोर यहां पे हो चुका है 2-1, बट ब्रोली भाई क्या ये खेल रहा है बंदा, लिटरली ब्राजील वाली फीलिंग आती है इस बंदे को देख के। और एक और हेडशॉट,
अरे भाई ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, कबार यहाँ पे तोड़ दिए गए निकल एलबीजी की। और देखते देखते एक ही प्लेयर यहाँ पे बचे, एलबीजी टी भी यहाँ पे अकेले प्लेयर अभी यहाँ पे बच गए। ठीक है इस बार भी, ओ भाई एक प्लेयर को नॉक कर दिया। अरे बट क्लासी भाई कौन सा यहाँ पे कम है, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 2-3। कहीं ना कहीं एनएक्सटी आज बदले के मूड में है। ठीक है पिछली बार हम लोग खेले थे स्मूथ भी खेले थे दो मैचेस में, और क्लासी भाई भी, तो चारों मैचेस इन्होंने हम लोग हराया था फर्स्ट डे। बट गाइस अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बदले के मूड में, ब्रोली यहाँ पे 9, क्लासी यहाँ पे 5, ट्रैकलर 1, चिलेक्स यहाँ पे 2। ये देखो वियतनाम के बंदे स्टार्ट हो गए, इंडिया है नगुआ और चुरा। एलबीजी होयांग वैसे टाइप वाइट 444 एलबीजी होयांग वैसे स्मूथ 1v1। देखते हैं गाइस 1v1 का इंटरनेशनल मामला है तो 1v1 का देखते हैं, सोचते हैं। बंदे हेड बहुत देते हैं ना बट। अरे भाई इस बार फिर से एक प्लेयर को नॉक कर दिया यहाँ पे, होयांग को यहाँ पे नॉक कर दिया। ठीक है ब्रूल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए डबल वुड पिकर के साथ है बंदा। अरे भाई बहुत ही गंदा मार रहा है भाई, लिटरली अलग ही लेवल मार रहा है बंदा। ओके बट इधर से रेटलर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, एलबीजी की कहीं ना कहीं बॉल थी बंद की यहाँ पे रेटलर ने। हान पीसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। ओके हान पीसी लेट्स सी, इनके दो प्लेयर्स उस तरफ हैं आई थिंक, मेरे को लग रहा है नहीं एक प्लेयर उधर ही है, एक प्लेयर यहाँ पे पीछे है, क्लासी भाई पीछे है शायद उस तरफ ब्रोली है। होयांग को यहाँ पे ब्रोली ने नॉक कर दिया बट ब्रोली भी नॉक हो चुके हैं यहाँ पे 1v3। इनको बोल देता हूँ कभी ये बोले कि हमें बोला ही नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए। कोई बोल दे इधर से वो लोग भी रिकॉर्ड करें और ये लोग भी। चलिए गाइस देखते हैं ये अभी को क्लासी के लिए 1v3 यहां पे। अरे गजब जबरदस्त यहां पे क्लासी भाई कर सकते हैं बट बोल है उनके पास या नहीं है क्योंकि अरे वो बंदा रिवाइव देने गया, अभी यहां पे निकल सकते हैं शायद रिवाइव देने गया है। और हान पीसी ने यहां पे हेडशॉट लगा दिया, स्कोर अभी यहां पे हो चुका है 3-3। जी गाइस 3-3 यहाँ पे स्कोर हो चुका है। हेलो नो शो ब्रो बिग फैन ऑल ऑफ योर एनजी स्पोर्ट्स ऑल प्लेयर स्पेशली तूफान एंड स्मूथ। अरे भाई भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट मत कराओ भाई, ऐसे टूर्नामेंट कराओ भाई सीएस या फिर कैसा बोल रहे हो, ये कैसा टूर्नामेंट है इंटरनेट, बंदा बोलना क्या चाहता है भाई मेरे को समझ नहीं आया भाई। ये भी तो इंटरनेशनल ही है, ये कैसा, ये वियतनाम की टीम तो बाहर की है ना, इंडिया की टीम थोड़ी ना है, ये भी तो इंटरनेशनल ही हुआ ना, कहना क्या चाहते हो भाई। ओके होयांग पीसी यहां पे पीछे रुक जरूर गए हैं बट 10 फिनिशेस यहां पे ब्रोली अभी तक कर चुके हैं। लेट्स सी गाइस क्या और हेडशॉट यहां पे लगा पाएंगे, रेटलर यहां पे 1, चिल यहां पे 2, क्लासी यहां पे अभी थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्लासी भी आगे बढ़ते हुए। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कौन यहाँ पे बैटर खेलने वाला है, बैटर किस, कौन सी टीम यहाँ पे जबरदस्त खेलेगी। क्लासी 5 किल, क्लासी आगे बढ़ते हुए उधर से हान पीस इस बार शांत से यहाँ पे थोड़े जरूर है। ओके होयांग जी गाइस होयांग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, हान पीस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, एलबीजी फैट और एलबीजी टीवी अब कहीं ना कहीं इस टीम का रश यहाँ पे रुका है। ओके अरे भाई फैट को यहाँ पे नॉक कर दिया आई थिंक, क्या यहाँ पे ब्रूली ने मारा है, ओहो इस प्लेयर को भी यहाँ पे लगा सकते थे बट बच गए, शायद वो क्लासी भाई ने मारा है वन टैप। क्या क्लासी भाई एक और मारेंगे, अरे भाई गजब भाई लिटरली नॉक यहाँ पे, बट जिस हिसाब से खेल रहे ना भाई, जिस हिसाब से आज यहाँ पे नेक्स्ट खेल रही है, हालांकि टीम वो भी खतरनाक है, 3-3 स्कोर है अभी, कोई सी भी टीम यहाँ पे बाजी मार सकती है। शायद ब्रूली ने यहाँ पे नॉक किया उस प्लेयर को, मेरे को लग रहा है। अरे बट एक और प्लेयर ने रश मारा है, वो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, होयांग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, होयांग भी यहाँ पे नॉक और फैट को भी फिनिश कर दिया है भाई। ब्रोली ने गंदा मारा है इस बार भी, दो प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट दिया है, 13 फिनिशेस यहाँ पे कर चुके हैं इस बार भी, बहुत गंदा भाई। वियतनाम वाले का पीसी चेक करो और अपने प्लेयर का क्या, वियतनाम वाले का पीसी चेक करो। देखो ब्रो जो उनका पीसी चेक था उनका भी हम लोगों ने नहीं किया, एलबीजी स्क्वाड का जो उन्होंने रिकॉर्डिंग दिया हम लोगों ने भाई मान लिया,
जो अपने प्लेयर्स दे रहे हैं वो अपने प्लेयर्स भी रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ब्रोली का हम लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए, तो सिंपल सा वो मैं बोल दिया क्लासी भाई को, वो रिकॉर्ड करके दे देगा, तो इसमें क्या इशू आ रहा है? ओके 13 फिनिशेस यहां पे कर चुके हैं, चिल की बात कीजिए, 3 यहां पे रेकलर, 1 और क्लासी यहां पे 5। ओ बट क्लासी को शॉट्स पड़ते हुए भाई बंदा बहुत पीछे, अरे गजब जबरदस्त क्या यहां पे प्रिसाइज हेडशॉट लगाया है, और अब इधर से ब्रोली शायद संभाल ही लेंगे, बट कमर यहां पे तोड़ के रखी है भाई। 3-4, 3-5 यहां पे अब हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक सेकंड भाई पानी पी लो भाई, बोला नहीं जा रहा मेरे से। फर्स्ट ब्लड, ओके गाइस लेट्स सी ब्रोली का यहाँ पे 1v1, शायद हान पीती है यहाँ पे सामने, वुड पिकर के साथ यहाँ पे ब्रोली। क्लासी की बात की जाए, 6 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं, 1 रेटलर, चल यहाँ पे 3, बट 2 ही प्लेयर बचे हैं जे गाइस, हान पीसी को यहाँ पे रिवाइव नहीं हो पाएंगे। ओ फैट ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया, अरे भाई दोनों प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया है। ओके 1v2 यहाँ पे फैट ने निकाला, बट होयांग नॉक हो चुके हैं। अब एक और 1v2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, अगर ये राउंड यहाँ पे निकालना है तो। ये देखो इस बार हान नहीं चला, तो इस बार यहाँ पे फैट, ओहो भाई उधर भी ओनली रेड 37 यहाँ पे। ओके 1v2 फाइट, यार मेरे कानों में से आवाज निकल रही है भाई, बाद में बोतल भर के रख देना। लोल भाई यार इसमें फुल मैप जब से किया ना मेरी हालत खराब है भाई, कानों में पेन हो रहा है। अरे गजब यहाँ पे रेटलर स्कोर यहाँ पे 3-5, NXT गेम के फर्स्ट गेम में यहाँ पे बाजी मार सकती है जी गाइस, काफी क्लोज, बट कमबैक किंग है वो भी। ओके एक बार मैं बोल देता हूँ, बेस्ट ऑफ 3 मैचेस यहाँ पे रहने वाले हैं गाइस, आज आप लोगों को फुल एंजॉय मिलने वाला है। फर्स्ट गेम यहाँ पे 3-5 यहाँ पे स्कोर हो चुका है भाई, वियतनाम ब्राजील सर्वर में खिलाओ जोगा की स्क्वाड से, वियतनाम को यार जोगा की स्क्वाड नहीं आ रही है ना पूरी, कल आए थे 2 प्लेयर, फिर 2 अम्मे को अपनी स्क्वाड से खिलाने पड़े, और फिर 4 प्लेयर्स पूरे नहीं आ रहे उनके, और टूर्नामेंट के बाद ही चले जाते, जब टूर्नामेंट नहीं होगा ना, अब टूर्नामेंट नहीं है ना, तो किस दिन हम लोग कर सकते हैं फिक्स मैचेस। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 6 फिनिश, रेस्लर 3, ट्रोली यहाँ पे 14, ब्रो पॉइंटेबल कब आएगा यार, वेट कर लो थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हो भाई, 10 ही तो बजे अभी, 2-3 मेरे को पता है आप लोग 2-3 बजे सोने वाले हो गाइस, आप लोग सोने का टाइम बताओ मेरे को चैट में, क्या टाइमिंग है आपका डेली सोने का, मेरा तो 2 बजे है, मेरा तो 2 बजे है, तो आप लोग भी बताओ। चले गए शिल के पीछे, यहाँ पे प्लेयर जरूर है, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया है, एलबीजी से फैट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, सॉरी टीवी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, फैट को देखते हैं, फैट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और भाई को यहाँ पे हेड लगाया जरूर है, अभी को फैट 5 फिनिशेस यहाँ पे, हुयांग हुयांग 2 प्लेयर यहाँ पे नॉक, ओ माय गॉड एलबीजी के लिए कहीं ना कहीं हाथ से मैच यहाँ पे फिसलता जा रहा है जी गाइस। हाँ ओके 2 प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, बट क्या हुयांग पीछे से आके प्रॉब्लम कर सकते हैं, एक प्लेयर को देखा यहाँ पे जरूर है, बट ब्रोली यहाँ पे बचे हैं, ब्रोली और यहाँ पे रेटलर, ओ एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया भाई हुयांग को रेटलर ने, अब यहाँ पे फैट अकेले प्लेयर बचे हैं भाई, 11:30 12 बजे तक है ना सबका, तो 12 बजे तक या 11:30 तक खेलते हैं, बट पॉइंट टेबल तो आते ही दे दूंगा मैं, उसका कोई इशू नहीं, पॉइंट टेबल तो आते ही दे दूंगा गाइस, इतने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सारे भाई लोग एक साथ स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दो। चलिए देखते हैं फैट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, 1v2 फैट के लिए, क्या इनके पास वॉल यहाँ पे होने वाली है, आई थिंक नहीं है जी गाइस, वॉल नहीं है, और जोन यहाँ पे रेगुलर और ब्रोली के पास यहाँ पे जाने वाला है, देखते हैं गाइस लास्ट जोन यहाँ पे कहाँ बनेगा। अरे 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 भाई 2 शॉट कनेक्ट हुए बस, अरे भाई ये क्या मारता है भाई वुड पिकर से, पहला मिस हुआ बट उसके बाद सीधा यहाँ पे हेडशॉट, और यहाँ पे उच्च वेट 3-6-16 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं, वियतनाम की टीम को भाई बहुत गंदा मारा है लिटरली। Alive in this code.
देखते हैं गाइस, बंदा बोल रहा है कि कम लाइव ब्रोली 10:30 to 11 PM ओके, मतलब मोस्टली ज्यादातर बंदे 12 बजे ही सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। चल भाई स्कोर हो चुका। अरे भाई यार सारे बंदे गंदा मार रहे हैं, ब्रोली तो अलग ही मार रहा है, क्लासी भी जब जब यहाँ पे मौका मिल रहा है। अरे बट इस बार यहाँ पे नॉक हो गए हैं क्लासी भाई, यहाँ पे रिवाइव दे दिया एलबीजी वालों ने अपने बंदे को। भाई एक भी राउंड यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि एक भी राउंड अगर, अरे भाई गंदा गंदा यहाँ पे लिटरली जहां मौका मिल रहा है वहां पे यहाँ पे हेडशॉट मारे। और अब कहीं ना कहीं जो ये शॉट था, मैं ये बोलूंगा ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगर वो बंदे यहाँ पे क्लासी को फिनिश कर देता। अरे बट इन्होंने भी रिवाइव कर दिया यार, ओके देखते हैं ब्रोली 16 फिनिशेस यहाँ पे चले गाइस, 16 फिनिशेस कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे तीन, क्या एक और यहाँ पे आने वाला वन टैप, क्या यहाँ पे एक और वन टैप हम लोग देखने के लिए मिलने वाला है। अरे बट क्लासी और चिल भाई दोनों को नॉक कर दिया। अरे रैटलर भी ओपी भाई, रैटलर भी क्या गंदा यहाँ पे खेल रहा है, 2v2 2v2। और एक और यहाँ पे जबरदस्त हेडशॉट, एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हैं जी गाइस, एलबीजी फैट इस बार फिर से, और उनको यहाँ पे डेजर्ट ईगल से रैटलर ने मार दिया गाइस। एक बार ओपी हो जाए, ब्रेथ टेकिंग मैच लिटरली भाई, बहुत ही जबरदस्त। एनएक्सटी ओपी कर दो, टीम इंडिया यहाँ पे ओपी कर दो, जिस तरीके से एनएक्सटी ने खेला भाई पहला मैच, अलग लेवल जबरदस्त यहाँ पे। अब मेरे को लग रहा है कहने के बौखलाने वाली है एलबीजी वाली टीम। अब देखते हैं गाइस क्या बोलते हैं वो लोग, पहले चैट चेक करते हैं क्या बोलते हैं। 18 फिनिशेस के साथ यहाँ पे ब्रोली, ओ माय गॉड, वुड पिकर तो क्या ही चलाया बंदे ने। और गाइस 30 किल के 30 किल एक्स के काफी ज्यादा क्लोज है, 30 तो कर लिए, चलो 35 की करा दो। बट गाइस जिस हिसाब से यहां पे खेला है बड़ा ही जबरदस्त। रुको गाइस, चलो मैं भेजता हूं भाई, रिकॉर्डिंग मांग रहे, मैं बोल देता हूं ड्राइव पे अपलोड कर देना जो रिकॉर्ड किया हो। स्टार्ट हो गया भाई, ये लोग स्टार्ट हो गए भाई, उसने रिकॉर्डिंग की है तो इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। होता है यार, जल जाती है जब कोई इतना गंदा पेल दे, और एक तरीके से स्क्वाड इतनी खतरनाक हो और बहुत गंदा पेल दे, तो भाई होता ही है। ब्रोली चेक, पीसी चेक प्लीज भाई, मैं आप लोगों को बता तो चुका हूँ कि अभी वो पैनल डिटेक्टर का कन्फर्मेशन आने दो, तब तक हम लोग किसी का भी चेक नहीं कर सकते हैं। चलो मैं इनको लिंक दे दूंगा और फिर हम लोग यहाँ पे करते गए सेकंड गेम स्टार्ट। लेट्स गो NXT वर्सेस ज़ोका, बढ़िया जोड़ भाई, ब्रोली जोड़ यहाँ पे रैटलर की, रैटलर अच्छा खेला है भाई, रैटलर ने गंदे मारे है भाई, वुडपिकर से रैटलर ने भी गंदे मारे है भाई लिटरली। चलिए गाइस नेक्स्ट गेम स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं, आफ्टर बेस्ट ऑफ 3 ही विल कम ऑन डिस्कॉर्ड। चलो गाइस मैंने मैसेज कर दिया यहां पे, अब करने वाले हैं सेकंड गेम स्टार्ट। कहीं ना कहीं बौखला चुके हैं गाइस, बौखला चुकी है टीम। रुको रुको मैंने मैसेज कर दिया भाई, ये सारी क्लिप भी शेयर करने वाले, सब कुछ करने वाले।
चलो गाइस गेम स्टार्ट करते हैं भाई, लिटरली भूख लगे हैं। बता क्या बोल रहे, आई नीड अ वीडियो ऑफ लास्ट गेम, और बोल रहे कम डिस्कॉर्ड मी। या ओके, चलो गाइस हो गई है, गेम स्टार्ट करने वाले हम लोग। बात यहां पे हो चुकी है और लेट्स गो, एक और गेम यहां पे स्टार्ट हो चुका है भाई। सॉन्ग, एक सेकंड यार, सॉन्ग में लगाता हूं गाइस। चलो इस गेम सुन लो, सॉन्ग वाला चला देता हूं। गाइस सेकंड मैच स्टार्ट हो चुका है, एलबीजी स्क्वाड यहां पे। नॉनसो भाई का स्टैंड फैन दिख गया। हाँ ये यहीं पे रखा है ना भाई, लाइट चली जाती है ना, इसी बीच बंद हो जाता है, तो फिर मैं इसको चला लेता हूँ क्योंकि लाइट आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। चले गए, एक और गेम स्टार्ट हो चुका है, बट इसको मैं साइड कर दूंगा इधर भी है, बड़ा दूर। चलो छोड़ो, आएगा नहीं वैसे, बैकग्राउंड में आएगा, नहीं दिख रहे ना बैकग्राउंड में। चले गए, गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और इस बार चिल भाई यहाँ पे नॉक हो गए हैं। चिल भाई यहाँ पे ट्रूली रेगुलर क्लासी, पीछे से बंदा जरूर आ रहा है, यहाँ पे वन टैप देंगे, क्लासी भाई नॉक हो चुके हैं। ओ भाई स्कोर यहाँ पे 1-0, पहला राउंड कहीं ना कहीं वियतनाम के डैमेज बाहर निकालते हुए। देखो मैं सभी को लाइक दे देता हूँ भाई, अब लोग लाइक करना ना भूलो गाइस, 35 लाइक्स के काफी ज्यादा क्लोज है, पर गंदा मार रहे हैं यार, गंदा मार रहे हैं। चले गए, गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, पहले राउंड यहाँ पे वियतनाम की टीम ने यहाँ पे बाजी जरूर मारी है। होयांग यहाँ पे 2 किल कर चुके हैं, फैट यहाँ पे 2 किल कर चुके हैं, एलबीजीटी भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और तीन शॉट कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। ओके फैट को देखते हैं, होयांग, ओके होयांग के सामने 2 प्लेयर्स हैं, क्या वन टैप देंगे या फिर क्लासी भाई यहाँ पे वन टैप देने वाले हैं। वो पीछे एक और प्लेयर है भाई, इसके पीछे से भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है उसके। लेट्सी ब्रोली के पीछे आ चुका है भाई वो बंदा, और रे क्लासी भाई एचपी का, और रे जाते जाते क्या ही यहाँ पे हेडशॉट मारा है क्लासी भाई ने, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त। होयांग यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, एलबीजी फैट, एलबीजी डीवी और एनपीसी यहाँ पे बचे हैं। बोल रहे क्लासी भाई फुल मूड में और गुस्से में भी है। ओके और प्लेयर यहीं पे बैठा है सर के साथ, अरे भाई जबरदस्त, दोनों प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दिया, कमबैक यहाँ पे होने वाला है, फैट अकेले प्लेयर बचे हैं, सामने प्लेयर को देखा है बच्चे को नहीं लग सकता। और रे भाई स्कोपिंग यहाँ पे काफी जबरदस्त, यहाँ पे हेडशॉट लगाया है फैट ने, पीछे प्लेयर बचे फैट को देखते हैं। ओ एक प्लेयर को नॉक कर दिया, फिर से स्कोप एंड ड्रैग यहाँ पे 1v3 यहाँ पे, क्लासी भाई और क्लासी भाई को भी नॉक कर दिया भाई। चिल भाई की भी एचपी बहुत कम छोड़ी है भाई इसने, शायद इसके पास शायद बोल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे चिल भाई को, और यहाँ पे चिल भाई ने डिगल से यहाँ पे फिनिश कर दिया, स्कोर हो चुके 1-1, वरना चिल भाई की एचपी बहुत कम बची थी भाई। ओमेगल, ओमेगल करेंगे यार, मैंने बोला था ना कुछ सरप्राइज आप लोग आने वाला है मंथ के अंदर में, और आप लोग बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ गेम से हटके, वो मजा आएगा बहुत ज्यादा, लिटरली मजा आएगा। तो थोड़ा सा और रुक जाओ, ब्रोली पीसी है मोबाइल पे भाई, पीसी है ब्रोली। चलिए स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-1, हन पीछे आगे बढ़ते हुए, हुयांग यहाँ पे 2, फैट की बात की जाए तो 4 फिनिशेस ये बंदा निकाल चुका है, और भाई लास्ट वाले राउंड में खेला काफी सही था, लास्ट में पहले राउंड में नेक्स्टी ने मचाया, और पहले में एलबीजी ने और दूसरे में नेक्स्टी ने।
के फैट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए क्लासी भाई इस साइड है। बैटलर के पास वुड पिकर है यार, वुड पिकर लिटरली वुड पिकर से ना गंदा गंदा मार रहे हैं प्लेयर। आगे बढ़ते हुए क्लासी भाई यहाँ पे नॉक हुए हैं, क्लासी भाई यहाँ पे नॉक हुए हैं, बट ड्रोली को भी शॉट नहीं सकते वो। डबल टैप यहाँ पे देंगे ड्रोली, ड्रोली को फर्स्ट ब्लड यूएमपी के साथ यहाँ पे आ चुके हैं, यूएमपी के साथ और यहाँ पे हेडशॉट। अब कहीं ना कहीं क्लासी को भी बचा लेगी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मूव यहाँ पे क्लासी भाई फिनिश कर देंगे, बट हां किसी भाई बिल्कुल क्लोज में आ चुके हैं गाइस। अरे गजब, लिटरली एक दो गोली का थोड़ा होगा इस बंदे ने, बट जो ब्रोली ने यहाँ पे कमबैक किया है, ब्रोली ने जो एकदम से बंदे का पता चलते यहाँ पे हेडशॉट लगाया है। ओके 1v2 देखते हैं गाइस क्या होगा, 1v2 गोयांग सामने बचे हैं क्लासी और ब्रोली, मारना बहुत ज्यादा मुश्किल देखते हैं, बट कोई सा प्लेयर कैसे भी क्लच कर देगा भाई, दोनों ही टीम में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। ओ मिस यहाँ पे सामने है, यहाँ पे बड़े बंदे बस वुड पिकर भी है, डेजर्ट ईगल भी है, कहने के दोनों तरफ से घेरना चाहिए, ब्रोली बिल्कुल सही कर रहे हैं, पीछे से यहाँ पे आ रहे हैं और वो उधर से बॉल ब्रेक कर रहे हैं। अरे वन बी वन क्लासी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, गाइस क्या होने वाला है, कहां पे गया बंदा, अरे यार ये बंदा फाइट छोड़ के सीधा पीछे की तरफ भाग गया भाई। ओ व्हाट भाई, इतने हेड पड़ने के बाद में जो यहाँ पे क्लासी ने मारा है शॉट भाई, व्हाट्स योर रियल नेम शिवम ब्रो, हाय ब्रो यू लुक सो कूल टुडे, पूरे वीक स्ट्रीम करके आप लोग लगता है कि आज लास्ट वाले दिन मैं कूल लगूंगा, तो लगता है मैं कूल लगूंगा। चलिए गाइस देखते हैं ब्रोली रेटलर क्लासी यहाँ पे, क्लासी यहाँ पे चार किल कर चुके हैं। ओके ये अभी को क्लासी भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एलबीजी से, और रे भाई एलबीजी डेवी को हेडशॉट, बहुत ही प्यारा बैट अभी बच्चे, बट होयांग को भी हेडशॉट भाई। ओके ब्रोली नॉक हुए, बट रिवाइव उनको मिल रहा है यहाँ पे, चलिए आप आगे बढ़ते हो, बट उससे पहले यहाँ पे फिनिश कर दिया है, स्कोर यहाँ पे 1-3 हो चुका है भाई। यू आर सो न्यू सेंटियस ब्रो, बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाई, बिल्कुल सही, डेड शॉट अभी काउंट ही कर रहा है भाई, कर ही रहा है वो, जैसे ही होगा मेरे को दे देगा वो, और दो चेक कर रहा है ब्रो, क्लासी स्मूथ और नोट एक्सेड एक खिला लो यार, 7-0 से थोड़ी ना हराना है एलबीजी को यार, 7-0 नहीं बोले यूजर है H4X। गाइस क्लासी भाई ने बोला है कि यहाँ पे ब्रोली डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शेयर करने वाला है, और प्रॉपर जो भी वियतनाम वाली टीम को चाहिए वो देख सकते हैं, तो कितने भी हेटर है भाई सपोर्ट करने की जगह हेट तो आप लोग दो मत कम से कम, कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो, जो प्रॉपर आ रहा है सब कुछ चेक कराने के लिए, फिर क्या इशू है, बेस्ट ऑफ 3 मैचेस के बाद आ रहा है वो। देखते हैं ब्रोली 3 फिनिशेस यहां पे निकाल चुके हैं, चलिए यहां पे 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं, लेट्स सी। अरे इस बार मिस जरूर चुके यहां पे जरूर, क्लासी भाई रिवाइव दे देंगे, क्या यहां पे रश करने वाले भाई ये बंदे, ओ फैट का एक बंदे का यहां पे नेट जरूर गया, बहुत कम एचपी, ओ भाई एक प्लेयर को नॉक कर दिया, क्लास यहाँ पे सामने, क्या क्लास यहाँ पे रिवाइव दे देंगे। ओके अरे यार कहीं ना कहीं कर्सर का कुछ ना कुछ इशू जरूर हुआ, जो एक तरफ यहाँ पे खड़े रह गए, और फिनिश यहाँ पे कर दिया, स्कोर हो चुका है 2-3।
ओके गाइस देखते हैं क्या यहाँ पे वापस आए हैं। फैट शायद आ चुके हैं। जी गाइस फैट वापस आ चुके हैं भाई। हैक वेक लगा के आए हैं क्या फैट ऐसा लग रहा है। लुकिंग गुड एंड भाई 2 मिलियन लोगों की गिल्ड के बंदे भी पैनल यूज करते हैं, लेकिन 2 मिलियन उन लोगों को पहले ही बोल देते हैं पीसी चेक करने से पहले कि सब कुछ साफ कर दे। यार देखो अब स्मूथ का 2 बार पीसी चेक हो चुका है। अब मैंने तो बोला नहीं होगा, अगर तुम कुछ साफ भी कर लो ना तो चीज़ें ऐसी हैं जो एप्लीकेशन है वो अगर तुम डिलीट भी कर दो तब भी पता चल जाएगा। ये नहीं कि अगर आप डिलीट कर दोगे तो पता नहीं चलेगा उन चीज़ों का। तो वही मेरे को वो यूरोप वाला एडमिन बोल रहा था कि भाई तुम चाहे मैच खत्म हो गया अभी भी स्मूथ को डीसी बुला लो, अगर कुछ डिलीट भी किया होगा उसने तो हम लोग उस चीज़ को पकड़ लेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो तुम। समझ रहे हो ना भाई, ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग ये सब चीज़ें कर देते हैं। कुछ बंदे ऐसा नहीं खेल पाते तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ बंदे तो ये भी बोल देंगे भाई क्लासिक लाइव यूज़ करते हैं, वो तो डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं। ओ भाई कमबैक यहां पे आता हुआ, स्कोर अब हो चुका है 3-3। जी गाइस कमबैक यहां पे करती हुई एलबीजी की भी क्वैड यहां पे। साउंड प्लीज भाई, किसका साउंड? हु विल विन टूर्नामेंट? टूर्नामेंट का आने वाला है भाई, पॉइंट टेबल आने वाला है भाई, पॉइंट टेबल आने वाला है गाइस। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, पॉइंट टेबल आने वाला है। बड़ा भी लाइक नहीं कर रहे यार। चले गए, स्कोर हो चुके हैं यहाँ पे 3-7। फिनिशेज यहाँ पे निकाले हैं एलबीजी होयांग, हान पीसी यहाँ पे 2, एलबीजी फैट और ओ भाई यहाँ पे ब्रोली का एक और, बट ब्रोली का नहीं शायद वो चिल भाई ने मारा है। 2 प्लेयर को इस बार आते ही यहाँ पे नॉक कर दिया। अरे भाई सेकंड्स में यहाँ पे खत्म स्क्वाड, इस राउंड में सेकंड्स में ही खत्म कर दिया गाइस। ओ माय गॉड क्या खेला यार इस बार भाई। तुम यार अपने सर्वर को अच्छा वैल्यू देते हो और जो अच्छा खेले उसका पीसी चेक, बिकॉज गाइस चीजें ये हैक वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही है, गेरिना डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अपने बंदों पे तो हम लोगों को पता है कि वो इतने टाइम से खेल रहे हैं, बट जो भी बाहर सर्वर से आते हैं लाइक कोई बड़ा प्लेयर नहीं जिसको हम जानते नहीं है तो उसको चेक करना हम लोगों का बनता है, क्योंकि नया प्लेयर है भाई। अगर वो यूट्यूबर नहीं है तो क्या पता वो हैक यूज कर रहा हो, ये सारी चीजें हम लोग देखने पड़ते हैं। अगर वो कोई अपने उससे या फिर पहले से ही खेल रहा है तो हम लोगों को इशू है ही नहीं है। अब इंसेंट जो की स्क्वाड आती है हम लोगों ने कभी चेक किया है क्या? आप लोग बताओ, कभी भी चेक किया? जोका की स्क्वाड से इतने सारे बंदे खेल रहे हैं, वैसे वो प्रोफेशनल खेलते हैं, कोई से भी प्लेयर का चेक नहीं किया हम लोगों ने। जिसको रेस्पेक्ट देनी होती है उसको रेस्पेक्ट देते भी हम लोग, क्या चेक करना जरूरी होता है वो चेक भी करवाते हैं, चेक भी करते हैं। एलबीजी अकेले प्लेयर बच गए गाइस इस बार, फिर से मेरे को लग रहा है 3-5 यहाँ पे स्कोर होने वाला है। ओके क्योंकि 1v4 है यहाँ पे, ठीक है 1v4 है एलबीजी टू भी। ओके क्लासिक भाई सामने से क्या रहे हैं। ओके यहाँ पे जरूर क्या है सारे प्लेयर्स ने कहने गए यहाँ पे गेट जरूर लिया और फिनिश कर दिया 3-5। डिलीटेड फाइल रिकवर हो जाता है डिस्क फॉर्मेट के बाद भी, यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, रिकवर हो जाता है और पता चल जाता है चीजों का कोई बंदा कुछ यूज कर रहा है कि नहीं। आपने भाई 444 चेक नहीं किया था सब कॉन्टेक्ट, उस टाइम पे तो कोई चेक ही नहीं करता था, उस टाइम पे तो ये पता ही नहीं था भाई हैक कुछ पता ही नहीं था। इधर से पैनल चला है ना सबसे चीजें हुई हैं, उस टाइम पे तो वो एक सिंपल इंटरव्यू था जो वो अपने मुंह से बोलने वाला था, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना बाहर के प्लेयर्स, हम लोग इधर किसी को हैकर बोले कुछ बोले बाहर के प्लेयर्स रिएक्ट नहीं करते आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए मैं एक बार चीज वो बोल दिया और उसमें वो पकड़ा गया। उस चीज का भी आप लोग ये सोचो कि हाँ वो फायदे में चीज रही है, क्योंकि उसने जो बोला उसको कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहे ना गाइस जो चीज उसने बोली थी। और क्लासिक गाइस बार नॉक हो गए, एक प्लेयर आगे बढ़ते हुए मैकलर यहाँ पे टैकल यहाँ पे कर चुके हैं। ओ चिल भाई भी इस बार नॉक हो चुके हैं, बट ब्रोली यहाँ पे बचे हैं 2v4। जी गाइस ये अभी गो ब्रोली यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 4 फिनिशेज यहाँ पे निकाले हैं, बट इस बार क्लासिक यहाँ पे 10 फिनिशेज। ब्रोली ने यहाँ पे 2 फोर किए यहाँ पे चले गए मैकलर। अरे गजब यहाँ पे भाई रेटलर ने भी भाई बहुत सही खेला था, बहुत जबरदस्त।
हंसो भाई आपका बहुत बड़ा है क्या दिल। हाँ भाई बिल्कुल सही भाई। सामने वाले कैसे हेड मार रहे हैं भाई? वो तो हमें भी नहीं पता है सामने वाले कैसे हेड मार रहे हैं, कुछ लोचा है क्या है। शॉट आउट प्लीज सर, बिग शॉट आउट टू हंसो गेमिंग फैमिली। भाई आपके चैनल पर आपका रेड आया था आपको पता है? कल आपके चैनल पर रेड आया था आपको पता है? कल का नहीं पता, आज का तो पता है। अच्छा कल का वो पता है 295 वाला, बट फुल मैप पे स्ट्रीम डिले रहती है ना तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोग समझते हो ना, रिएक्ट करूंगा तो लेट। जैसे मेरी चैट में मेरे को दिख रहा है कुछ स्पैम हो रहा है, किसी ने कुछ स्पैम किया है और वो मैं फुल मैप में देख पाता हूँ 3 मिनट बाद। ओ भाई गजब, यहाँ पे ब्रोली का शॉट, क्लासी भाई कहने के अभी यहाँ पे रच करने वाले। एक ही प्लेयर यहाँ पे बट एक प्लेयर उनसे पीछे है। क्या क्लासी भाई ने वो देखा है? रस के लिए यहाँ पे कर चुके हैं क्लासी भाई, रेटलर बट के लिए यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। फर्स्ट ब्लड। ओके लेट्स सी क्लासी भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। ओ क्लासी भाई भी नॉक हो चुके हैं, रेटलर और ब्रूली यहाँ पे बचे हैं। क्या ब्रूली वन टैप की वर्षा यहाँ पे होने वाली है? क्लासी भाई को रिवाइव दे देंगे बट ये राउंड निकालना चाहिए यार क्योंकि 5-5 हो जाएगा। ओके ये प्लेयर अंदर आया जरूर है और दोनों प्लेयर ने यहाँ पे नॉक ले लिया है। क्लासी भाई को देखते हैं बट क्लासी भाई भी नॉक हो चुके हैं, ब्रूली अकेले प्लेयर बचे हैं और ब्रूली को भी फिनिश कर दिया है। स्कोर हो चुका है 5-5। ओह माय गॉड, एनजी वर्सेस एनएक्सटी करेंगे यार, टीम बीआर वर्सेस एनएक्सटी। पॉइंटेबल ब्रो यार लेट फास्ट करो, मैं उसको बोलता हूँ अगर अभी नहीं आया इस गेम के बाद तो मैं दिखाई दूंगा पॉइंटेबल। क्या लग जाएगा कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारेगी? क्लोज यहाँ पे आ चुके हैं, पिछली बार भी 3-5 स्कोर था बट पिछली बार एनएक्सटी ने यहाँ पे लास्ट के दो राउंड निकाल लिए थे, लगातार 3-7 से फिनिश हो गया था बट इस बार 3-5 था। उसके बाद में यहाँ पे एलबीसी की टीम ने दो राउंड यहाँ पे निकाल लिया, अब स्कोर हो चुका है 5-1। पॉइंटेबल आने वाला है, मैंने मैसेज किया है दोबारा से। यहाँ पे 3 ब्रोली यहाँ पे 5 किल बट वुड पिकर एक प्लेयर आया है जरूर है सामने। तो यहाँ पे शॉट पड़ते हुए और चिल को यहाँ पे नॉक कर दिया, क्लासी भाई रिवाइव दे रहे हैं बट पहले यहाँ पे फिनिश करके आई थिंक जहां तक मेरे को लग रहा है। अरे रे 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 ब्रोली अकेले पर बचे, अरे गंदा रश करते हैं वो लोग तो, टारगेट करते हैं ना गई थी प्लेयर को और फिनिश। बंदी फोर बंदी फोर बंदी फोर, अरे गजब यहाँ पे ब्रोली बहुत ही जबरदस्त 1v3। अब यहाँ पे क्या ये प्लेयर कर सकते हैं 1v4? कर तो सकता है गाइस ये प्लेयर, बट क्या बोल दूंगी, क्या ब्लू बॉल होने वाली है इस प्लेयर के पास में। ओहो और 5 और 5 ये 4 हेडशॉट, क्या खेल रहा है भाई ये बंदा। ओ माय गॉड भाई लिटरली मेरे को लग रहा है ब्राजील प्लेयर जैसा। अरे यार लास्ट प्लेयर ने यहाँ पे फिनिश जरूर कर दिया है बट ब्रूली जो खेल रहा है ना भाई नेक्स्ट लेवल भाई। जो का एनजी प्लेयर, जो का है तो ब्राजील से, जो का से बात करते भाई, ब्राजील में एक एनजी ओपन करने का, वो ऐसे ही मजे में बोल रहा था। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ ऐसा भी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उधर तो बड़ी बड़ी और वो सब है भाई, उधर तो जरूरत ही नहीं है। गाइस स्कोर हो चुका है 6-5। क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारने वाली है? यहाँ पे 7 स्मोक में ही लगाए जा रहे हैं। हेडशॉट पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे हेडशॉट नहीं पड़ रहा है। ब्रूली का लाइव पीसी चेक करो कोडिंग करके, और वो देखो क्लासी भाई के अंडर खेल रहे हैं तो मेरे को पीसी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर अपोनेंट को किसी भी टीम को प्रॉब्लम है तो वो आके चेक कर सकते हैं, तो वियतनाम की टीम है तो वियतनाम की टीम आके चेक कर सकते हैं। और वो लोग रेडी भी है डिस्कॉर्ड पाने के लिए तो वो डिस्कॉर्ड पाएंगे, वो चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। बट अगर क्लासी भाई के अंडर कोई प्लेयर खेल रहा है तो भाई मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है उससे, ओके, क्योंकि कुछ सोच समझ के वो प्लेयर को चेक करके ही मौका दे रहे होंगे। अरे भाई दोनों प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं,
अरे गजब, बहुत ही प्यारा। बट ब्रोली अकेले प्लेयर यहाँ पर रह जा रहे हैं। भाई बैट बैट क्या रहा, लेट गया वो बंदा मेरे को लग रहा है। ब्रोली जा शॉट मार दे रहा, उधर लेट जा रहा है भाई बंदा। बट इस बार 7-5 से यहाँ पे, 7-5 से वियतनाम की टीम ने बाजी मार ली। अब एक लास्ट गेम बचा है गाइस। तगारू इज द मॉट किंग। हाँ तगारू तो भाई पूरा। AMD क्या है भाई, AMD के प्रोसेसर वगैरह बनते हैं ना। बट रुको यार, इसको ना मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये इधर फिर दिक्कत करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है भाई। इस बार हुयांग के 10 फिनिशेस यहाँ पे हुयांग ने निकाले और LBG की टीम ने बाजी मार ली है। अब एक लास्ट गेम यहाँ पे बचा है गाइस, बेस्ट ऑफ 3 का। 10 के लिए यहाँ पे हुयांग, LBG टीवी 8, LBG फैट यहाँ पे 9, हान पीसी यहाँ पे 6। और देखते हैं क्लासिक यहाँ पे 10 के लिए, ब्रूली के यहाँ पे 6 है, रेटलर यहाँ पे 6 और चिल की बात की जाए तो यहाँ पे 3। 7-5 यहाँ पे स्कोर हो चुका है और बढ़ने वाले हैं, एक लास्ट गेम यहाँ पे रहने वाला है। लेट्स सी, जब भारत के प्लेयर के सर्वर, हाँ क्योंकि हम लोगों को इशू नहीं है क्योंकि ये हम लोग पता है ये प्लेयर बहुत टाइम से खेल रहे हैं, क्लासिक खेल रहे हैं बहुत टाइम से, स्मूथ भी 1.5 साल से मार रहे हैं। हैकर का लग ही रहता है भाई, वो 2 महीने में ही अपना गेम चेंज कर देता है। गो लास्ट गेम, रुको देखते हैं गाइस लास्ट गेम में क्या होने वाला है, कौन यहाँ पे बेस्ट टॉप 3 यहाँ पे मारने वाले हैं। यार 1v3 इतनी जल्दी भूल गया है मेरे को लग रहा है, इसी राउंड में तो मारा था 1v3 गंदे वाला इनको। ब्रोली भी 2 मंथ वाला है यार, तो वो क्लासी भाई के अंडर खेल रहे ना, उस चीज को वो लोग देखेंगे, उन्होंने चेक किया होगा और वो लोग रेडी है इधर उनको लाने के लिए भी। डिस्क्रिमिनेशन यार देखो, मैं जो है अपनी गिल की वो ले सकता हूँ गाइस। ये क्या हुआ, ऑफलाइन क्यों गया? देखते भाई क्या हुआ, ये लोग तो भाग गए भाई। मैं पूछ लेता हूँ क्या इशू हुआ एक बार। ला 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 ब्रो, ब्रो इट्स नॉट फेयर ब्रोली टाइम वियतनाम। भाई मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम नहीं खेल रहे वो। ला 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 स्पैम ब्रोली पीसी चेक, देखते हैं भाई वियतनाम वाले बंदे करते हैं नहीं करते, क्या सीन रहता है। रुको, यू डोंट वांट पीसी चेक। वो बंदे बोल रहे टाइम वियतनाम इज इक्वल टू 12 AM आई गो टू स्लीप। रुको मैं देख लेता गाइस क्या इशू है, क्या इशू है। ला 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 ला। हेलो, हाँ अरे वो लोग बोल रहे कि 12 बज रहे हैं अभी, तो मतलब हम लोग सोने जा रहे हैं इतने टाइम से खेल रहे हैं। बट मैं पूछ रहा हूँ अभी, अगर वो पीसी चेक के लिए बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। वो वाला गेम का वो भेज देना, मैं उनको ड्राइव पे लिंक भेजूंगा, वो वाला गेम का जो रिकॉर्डिंग है वो भेज देना और जो इस गेम का भी होगा। हाँ क्लिप्स ही भेज दो ना, एक एक फोल्डर में पूरा ऐड करके, ठीक है ओके सेंड कर दो। अब भाई पॉइंट्स अभी आने वाले हैं, पॉइंट्स अभी आने वाले गाइस। पता नहीं यार मेरे को लग रहा है वियतनाम की टीम डर गई। इफ पॉसिबल कैन यू आस्क हिम टू अपलोड द वीडियो टू द ड्राइवर फॉर मी। गाइस देखो अब मेरे को मत बोलना, ये लोग ही नहीं चाह रहे हैं पीसी चेक करना क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्रॉपर बोला है। अगर आप लोग देखोगे ये देखो इन्होंने क्या क्या मैसेज किए हैं यार, मैं फेसबुक को वैसे इधर भी ला सकता हूँ, इधर मैसेज वगैरह मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, वरना आप लोग बोलोगे, आप लोग फिर बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मैं प्लेयर्स को बचा रहा हूँ। आप लोग सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो एक बार मैं अपनी फेसबुक खोल लेता हूँ गाइस, FB लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप लोग लगता है आप लोग फिर बोलते हो कि मैं किसी को बचा रहा हूँ, और वो रेडी है भाई, वो बंदा भाई आप लोगों को मतलब जमता ही नहीं, अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल जाए ना आप लोग जमता ही नहीं है भाई। एक सेकेंड,
मेरा मैसेज कहाँ होगा? वेट 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 वेट, मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा मैसेंजर, एक सेकेंड गाइस, प्रॉपर मैं चैट ही आपको दिखा रहा हूँ मेरी क्या क्या बात हुई है उनसे, क्या क्या नहीं हुई है। यार मेरे को पूरा अपना फेसबुक इधर लाना पड़ेगा। चलो ये फेसबुक का पेज ही मैं इधर ला रहा हूँ, मेरे थोड़े वो को दिख जाएंगे इधर अकाउंट्स वगैरह। इफ पॉसिबल कैन यू आस्क हिम टू अपलोड द वीडियो द ड्राइवर फॉर मी, इफ नॉट ओके ब्रो। देखो गाइस अभी जो इनके यहाँ पे कमेंट्स है ना, ये हैं प्रॉपर। अब इसमें पता नहीं यार मेरा कुछ ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, शायद ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे जो नीचे ना, ये यहाँ पे बात हुई है, इसने कहाँ से बोला है ये देखो। आप लोग इधर चैट देखोगे तो मैंने इनको बोला था कि भाई अपने तो रिकॉर्ड करना ही तुम लोग, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम रहता है। और ये नहान तो यहाँ पे लाइव कर रहा था, इन्होंने मेरे को भेज दिया कि वो पूरा टूर्नामेंट यहीं से लाइव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला रूम आईडी पासवर्ड, तो चलो अब मैच ही नहीं है। इसने बोला कहाँ पे गया, हाँ अरे नहीं भाई, डू यू हैव पैट? मेरे पास पैट कहाँ से आया, एक सेकेंड गाइस। हाँ इसने यहाँ पे मैसेज दिया मैच के बीच में, जहाँ पे उसने गंदा मारा ना बहुत, उसने यहाँ पे मैसेज दिया चेक ब्रोली। मैंने कहा यू वॉन्ट रिकॉर्ड, क्योंकि वो भी क्लिप्स भेजते हैं। उसने बोला येस आई नीड इट। मैंने बोला ओके ब्रो आई विल टेल नाउ, ओके एंड ब्रो रिकॉर्ड ऑल प्लेयर्स टू। मैंने इनको बोला क्योंकि भाई कभी कोई गंदा मारता कभी कोई गंदा मारता, आप लोग भी रिकॉर्ड करना अगर कोई चैट में या फिर कोई ऐसे स्पैम करने लगता है भाई हैकर है ये चीज़ है, तो प्रॉपर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखो गाइस इसने बोला माई टीम लिविंग, मतलब मेरी टीम कर रही है रिकॉर्ड। तो मैंने बोला बेस्ट ऑफ थ्री मैचेस रहेंगे क्लासिक अगेंस्ट। इसने बोला ब्रोली लाइव करने के लिए। मैंने बोला यू वॉन्ट ही विल प्ले लाइव इन डिस्कॉर्ड, इसने बोल दिया डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। और इसने सेंड मी उस वीडियो को बोला जो पहले गेम में रिकॉर्ड किए। मैंने बोला यू वॉन्ट रिकॉर्डिंग, वेट दे सेंडिंग, वो लोग सेंड कर रहे हैं। आफ्टर व्यू थ्री विल कम ऑन डिस्कॉर्ड, ठीक है। ही विल शेयर ऑल क्लिप्स एज वेल, ही विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। इसने बोला कि मेरे को लास्ट गेम की वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे बोला, मैंने बोला कि पहले मैच स्टार्ट कर ले, हम लोग वो ड्राइव पे अपलोड कर ही रहे हैं, उसके लिए टाइम तो चाहिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसने कहा ठीक है ओके ब्रो, गो गो गो। इसने बोला वो 20 किल वाली वीडियो चाहिए, 18 किल वाली, शायद 20 या 18 कितने की है वो वाली। इसने मैंने कहा मगर डिस्कॉर्ड पे आ जाओ आप, चेक करते मैच फिनिश हो गया। इन्होंने बोला एक प्लेयर चले गए ना। इसने बोला प्लीज ड्राइवर पे अपलोड कर दो। मैंने कहा आप लोग ऑफलाइन क्यों चले गए? इन्होंने बोला कि वियतनाम में 12 बजे हैं अभी, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम लोगों को पीसी चेक नहीं करना क्या भाई? इन्होंने बोला इफ पॉसिबल कैन यू आस्क हिम टू अपलोड दैट वीडियो टू द ड्राइवर फॉर मी एंड इफ नॉट वी डोंट नीड टू चेक द पीसी, ठीक है ना गाइज? तो ओके थैंक यू, बस सिंपल से बात है। सेम लिया लाइव, पता नहीं क्या क्या सेंड कर रहे। रुको मैं इधर ही बोलता हूँ, वियतनाम में ही बोल रहे हैं। अगर ये बोलेंगे तो भाई ब्रोली को इशू नहीं है, क्लासी को इशू नहीं है, मेरे को नहीं इशू है, तो आप लोगों का फिर चैट में बोलना गलत है कुछ भी। तो ये शायद अपने से रिलेटेड अब कुछ बात कर रहे हैं, नथिंग यहाँ पे बोला है। तो गाइज ये है, और क्लिप्स आ जाएंगी तो मैं आप लोग दिखा दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहो उसके व्यू से तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। और अब भाई पॉइंट्स टेबल, पॉइंट्स टेबल, पॉइंट्स टेबल। जी गाइज पॉइंट्स टेबल, अब मैं यहाँ पे ओ आ चुकी है। जी गाइज यहाँ पे ओ ओ ओ ओ माय गॉड, पॉइंट्स टेबल यहाँ पे आ चुकी है गाइज। और इस टूर्नामेंट को यहाँ पे कौन यहाँ पे माजी कौन यहाँ पे बाजी मारेगा इस टूर्नामेंट में, आपको अब देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे आने वाला है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या लगता है आप लोग कौन बाजी मारेगा, आप लोग बताओ, पहले पहले बताओ आप लोग। आई लिटरली और कुछ पॉइंट लिस्ट नॉन स्टॉप ब्रो, पॉइंट लिस्ट ही आ रही है यार, पॉइंट लिस्ट ही आ रही है मेरे भाई। यार पता है ब्राजील में ऐसे खेलने वाले 100 बंदे हैं, अपने सर्वर में कोई निकले तो पता नहीं बंदों को क्या हो जाता है यार, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता है। अपने सर्वर से कोई एक दो प्लेयर अच्छे खेलने लग जाए उसके पीछे पड़ जाते हैं पूरा। तुम ब्राजील में जाओगे ना एक से एक प्लेयर्स हैं, ये तो गोल्ड स्पोर्ट्स के बंदे आए थे, उनको पहले हैकर बोल रहे थे, 30-30 किल किए उन्होंने, 26-26। और जब उधर देखोगे वो कैसे कैसे मैच खेलते हैं,
कैसी कैसी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ऑटोमेटिक हाई लेवल कंपटीशन इतने लेवल का रहता है, तो ऑटोमेटिक उनका गेम ऐसा हो जाता है भाई। और इवन अभी तो तुमने TW9 और ये सब नहीं देखे भाई, ये लोग आएंगे तो आप लोग बोलोगे भाई ये तो हैकर ही है। चलो गाइस, और इस टूर्नामेंट की लिस्ट यहां पे आ चुकी है। तो गाइस यहां पे ये टूर्नामेंट जीत लिया इस बार LBG, फर्स्ट पोजीशन यहां पे LBG ने कहने के यहां पे टूर्नामेंट में बाजी मार लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड है वेस्टो मुंडा 168, टीम BR 134 और स्मूथ की टीम 132। यहां पे कहीं ना कहीं गाइस यहां पे मेरे को लग रहा था थर्ड यहां पे आएंगे, बट जो ब्राजील की टीम ने दो गेम निकाले थे बड़े ही भयंकर खतरनाक वाले, उसके बाद में यहां पे बोस ऑफिशियल उन्होंने भी काफी अच्छा खेला 121, टू बी गेमर 117 आज इतना जबरदस्त नहीं रहा था, क्योंकि कल ही भाई इन्होंने 80 पॉइंट्स यहां पे निकाल लिए थे, बट आज थोड़े कम ही यहां पे 40 निकल पाए। AFF यहां पे 117, NXT की बात की जाए तो 111, NXT यहां पे सिर्फ 19 पॉइंट्स पे थी, बट आज क्या खेली यहां पे। बोस आर्मी की बात की जाए 92, ब्लास्ट 79, दुबई यहां पे 36 और गॉड लेवल की बात की जाए तो 33। ये टूर्नामेंट है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू LBG, वेस्ट मुंडा और टीम ब्राजील। पिछली बार सेकंड पे थी, थर्ड आइट ब्राजील, विंसेंजो की फर्स्ट पे थी सेकंड, और LBG इस बार टॉप कर गई। पिछली बार फिफ्थ या सिक्स पे थी LBG और MMB वाली थर्ड थी इनकी टीम। तो गाइस ये है टूर्नामेंट, काफी मजा आया टूर्नामेंट करा के और बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, CS या फिर फुल, क्या होना चाहिए गाइस? नौशर भाई कभी तुम्हारा गेम प्ले हमको दिखाओ यार, मत देखो भाई सारी चीजें खत्म हो जाएगी यार। बड़े यार स्मूथ के स्क्वाड जो खेली ना फाइनल मैच में, जो दो भुया यहां पे निकाले हैं भाई, और जो NXT आज खेली है जबरदस्त। CS एक पोल हो जाए, क्या बोलते हो, जाते जाते एक पोल का आंसर देते जाओ गाइस। नेक्स्ट टूर्नामेंट मेरे को पता है क्या होना, आप लोगों मेरे को पता है कि इसमें आप लोगों ने इतना अच्छा वो दिया है, मेरे को लगा था कि एटलीस्ट अगर अराउंड 3 लाख भी व्यूज आएंगे तो चलेगा फुल मैप, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग कर रहे हैं, आदत नहीं है, सब लोग CS ज्यादा देखते हैं। फुल मैप ही डाल देता हूँ सर्वाइवल की जगह, फुल मैप और नीचे CS, बट लिटरली आप लोगों ने वो मैच भी देखे हैं भाई, उन लोगों में मजे किए। तो मैंने पोल डाल दिया गाइस, देखते कितने वोट्स आते हैं, कितने वोट्स आते हैं, 50-50 होगा। इंटरनेशनल ही जीतेंगे मालूम था, बट ये टीम है भाई, तुम देखो सिर्फ अभी दो टूर्नामेंट ही खेली और कितना अच्छा कर रही है यहाँ पे। पिछली बार तूफान की स्क्वाड, इस बार स्मूथ की स्क्वाड, अगर इंडियन सर्वर से देखा जाए तो दोनों टॉप पे हैं, और NXT ने भी अच्छा किया था, बोस ऑफिशियल इस बार निकल के आ गया ही है, तो इन टीमों को भी अप्रिशिएट करो। पायरेट्स का 1v4 वहां पे ब्राजील टीम के अगेंस्ट क्लच, तो धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं, वो लोग एक साल से खेल रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ ये समझ लो 2 वीक का एक्सपीरियंस है, ये समझ सकते हो अभी। तो उस हिसाब से भाई इंडियन टीम भाई मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त खेल रही है अगर मैं सच बोलूं तो, और आज भी 4 मैचेस में यहाँ पे इंडियन टीमों ने भुया मारा है, देखा जाए तो अलग ही लेवल खेल रही है वो लोग। अब वो लोग वियतनाम की टीमें खेलती है, PC मास्टर होता है उनके एक चैनल पे, PC मास्टर्स के यहाँ पे मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, और ब्राजील में तो आपको पता ही है विंसेंजो के स्क्वाड में भी ब्राजील के प्लेयर्स हैं, तो वो भी उधर खेलते हैं मस्त, ये भी ब्राजील वाले भी खेलते हैं, तो इनमें से देखा जाए तो हर एक टीम भाई ऑलरेडी एक एक साल से एक्सपीरियंस टीम है, तो ये टॉप पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और बट ये भी देखो ना कितना क्लोज थे, स्मूथ की टीम को भी देखो, बोस ऑफिशियल भी कितना ही यहाँ पे क्लोज थे। टीम BR फोर्थ और फिफ्थ मैच इन्होंने अच्छा निकाला, अगर वो अच्छे नहीं जाते तो कहीं ना कहीं ये फिफ्थ सिक्स पे होती, क्योंकि वो मैच में 26 किल के साथ यहाँ पे सेकंड और एक में 18 किल के साथ यहाँ पे भुया, तो ऐसे ऐसे मैचेस निकाले भाई। 78% CS, 78% CS, ओ माई गॉड। चलो तो गाइस 35 के बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग, लिमिटेड एमो नो करो प्लीज भाई, देखो लिमिटेड एमो नो ही होगा मेरे लिए, तो NG विनर ही है। अरे भाई इतना सपोर्ट, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, इतना सपोर्ट जबरदस्त वाला। मेरा गेम प्ले मत देखो भाई, डर जाओगे सच में। इंडियन प्लेयर मूवमेंट ओल्ड स्टाइल, इजी फॉर ओपोनेंट्स टू गिव हेडशॉट, धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखो ये टीम अगर यहाँ पे टूर्नामेंट में नहीं आती तो हम लोगों को लेवल वो समझ नहीं आता कि वो कैसे वो टीमें खेल रही है, क्या चीज उनमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर तुम देखोगे LBG को तो भाई ये ब्लू जोन में लूट करके, और फिर ये लूट बंदों से ही करती है, आप लोगों को पता है हर एक स्क्वाड को बंदों से ही ये टीम लूट करती है सीधा। वेस्टो मुंडा भी पता है भाई सीधा ब्लू जोन में उतर जाएगी, कैसा खेलती है। टीम BR का भी पता है, जिस गेम में लास्ट बच गई 15-20 किल तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को इन टीमों से। हो सकता है कि वियतनाम की टीम नेक्स्ट टूर्नामेंट ना खेले, वेस्टो मुंडा और BR रह जाए बस, ऐसा हो सकता है। और बाकी इंडिया नेपाल बांग्लादेश से यहाँ पे जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा, बट देखते हैं CS का। आप लोग सब लोग बोल रहे हो तो देखते हैं गाइस CS का होता है, किस चीज का होता है।
ओनली इंडिया टूर्नामेंट। हाँ मैं तो वही सोच रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह था वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया दो टूर्नामेंट में भारत की टीमें कैसे खेलती हैं। बट जोका तो खेले गए, क्योंकि जोका का तो आप लोगों को पता है, जोका को तो ऐसा इंडियन सर्वर ही इंक्लूड कर लो आप लोग जोका को। ओमेगल, ओमेगल नहीं यार, अभी नहीं ओमेगल, दिखाएंगे पक्का। वेर यू विल इन्वाइट अबिला पार्टो, नेक्स्ट में इन्वाइट करेंगे, देखते आते हैं नहीं आते क्या होता है भाई। ओमेगल की वीडियो स्ट्रीम यार, ओमेगल नहीं यार, कुछ गलत आ जाता है और फिर स्ट्रीम डिलीट करनी पड़ जाएगी, और वैसे भी ये फाइनल वाली स्ट्रीम है, समझ रहे हो ना। अगर डिलीट नहीं करूंगा ना तो फिर पता है क्या दिक्कत आएगी गाइस, अगर डिलीट नहीं की स्ट्रीम तो फिर स्ट्राइक आ जाती है, तुम्हें पता है ओमेगल पे क्या क्या आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइज, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लेना भाई, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शेयर्स का टूर्नामेंट आने वाला है। बस ये मैं बोलना चाहूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हर्ट से स्पैम कर देना चैट में, गुड नाइट स्पैम कर देना, मिलते हैं गाइज हम लोग कल नहीं मिलेंगे, एक दिन का गैप, और फिर परसों से सीएस के मैचेस, दो स्ट्रीम मेरे को करनी है रेगुलर, दो स्ट्रीम मेरे को तुरंत ही अभी करनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टीम, जो भी टीमें थी, बाय 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 गाइज, गुड नाइट। आई होप आपको मजा आया हुआ है टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टूर्नामेंट जबरदस्त रहा था, खतरनाक यहाँ पे रहा था।